पर सबको आवाज आ रही है। हेलो, चेक। हेलो हेलो, हाँ हेलो, मैं ऑडिबल हूँ। या कैन यू हियर मी? हेलो। अच्छा, यस यस सर। विल जस्ट वेट फॉर लाइक अनदर 4 मिनट्स। सब ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से 11 o'clock से स्टार्ट करते हैं। सर एक बेसिक क्वेश्चन था, बताओ बताओ क्या था। सर। जब हम जैसे FL स्टूडियो में जब मैं बीट्स बनाता हूँ, तो वो FL स्टूडियो में मतलब जैसे किक जो मैंने वॉल्यूम जैसे अप किया है, जिस हिसाब से FL स्टूडियो में सुन रहे हैं, उस हिसाब से जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ फाइल, उस हिसाब से वो मोबाइल फोन में नहीं सुनता सेम हेडफोन के साथ। लाउडनेस यस सर, लाउडनेस कह दो, मतलब जो इस हिसाब से मैं तो मिक्स करता हूँ। वो इंस्टाग्राम इसलिए है क्योंकि आपका जो मतलब लाइक फोन है, जो ये मेरा फोन है, और जो एक इंटरफेस है उसकी लाउडनेस अलग होगी। बिकॉज उसका जो आउटपुट की जो पावर है, जो कैपेसिटी है एक इंटरफेस की, जैसे एक ऑडियो इंटरफेस है और एक फोन है, उसकी कैपेसिटी अलग अलग होगी। मतलब उसमें पावर ज्यादा है, इसमें पावर कम है आउटपुट देने की, इसलिए ऐसा भी सुनाई हो रहा है आपको। मतलब अगर वॉल्यूम का डिफरेंस है तो सबसे पहली चीज ये है कि दोनों में, दोनों की आउटपुट देने की पावर अलग अलग है। कुर्सी चलने आपको क्लियर हुआ ये वाली चीज साहिल? यस सर। मतलब बेसिकली वो समझ गए ना आपकी, आपका जैसे होता है ना कि आप अगर एक बड़ा एक अच्छा वो लेते हो क्या, जैसे पहले डीवीडी प्लेयर्स आते थे तो यस डीवीडी प्लेयर्स सर। में भी डिफरेंट डिफरेंट आते थे। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का लोगे तो उसमें पावर भी आउटपुट उतना ज्यादा होगा। मतलब वॉट्स पे जैसे होता है, जैसे हम नॉर्मल स्पीकर कहते हैं कि 500 वॉट का स्पीकर है, ये हाँ 1000 वॉट का स्पीकर है, सेम चीज हमारे फोन की इतनी आउटपुट नहीं होता कि वो इतनी आउटपुट पे प्ले होगा। नहीं सर, वैसे मैं कोई गियर्स यूज नहीं करता, नॉर्मल एयरफोन्स यूज करता हूँ। मतलब तो फिर वो सेम एयरफोन्स अगर मैं फोन में लगाऊं तो, मतलब अगर सॉफ्टवेयर पे अलग चीज सुनेगी, उसको जब मैं MP3 में करूँ वो अलग चीज सुनेगी। तो सॉफ्टवेयर पे आप क्या बोलते हैं जब उसको डालते हो, तो आप मतलब FL की बात कर रहे हो फोन वाले सॉफ्टवेयर पे, कि आप जब उसको लैपटॉप में प्ले कर रहे हो तो लैपटॉप अपने? लैपटॉप हाँ, तो लैपटॉप का भी जो इंटरफेस, जो लैपटॉप का जो ईयरफोन वाला जो जैक होता है, जहाँ पे आप लगाते हो 3.5 mm जैक, उसकी जो आउटपुट की पावर होती है वो भी अलग होती है देन योर फोन। तो आपका फोन तब भी हमेशा कम ही वॉल्यूम पे बजेगा। आपका कोई भी आप हेडफोन्स लगाना, वो आपके लैपटॉप पे ज्यादा लाउड बजेंगे देन आपके फोन पे। ओके सर, थैंक यू। और बाकी सब कैसे हैं? हाय ब्रो, उत्कर्ष हाय, हेलो। भाई कहाँ है? हाँ हेलो हेलो भाई, अभी उसने हेडफोन्स नहीं पहने, हेडफोन्स पहन रहा है वो, कभी आवाज ही नहीं आ रही होगी। मैं भी YouTube देख के बस डर गया कि भाई मैं तो बैठ चुका हूँ पर बैठा ही नहीं हूँ। अब आएगी इसको, आ रही आवाज? नहीं तो अभी कोई बोल भी नहीं रहा कुछ, रुक जा चेक कर ले। हाँ क्या टाइम हो गया? 11 o'clock होने वाले हैं। पहले जो लोग आए थे उनके वो स्ट्रीम छूट गए, क्योंकि मैं एक बार इनको लिख देता हूँ मैसेज, क्योंकि मैंने लिंक चेंज करा था। अच्छा भाई, ये हेडफोन 1990 है या 880? ये 1990 अरे भाई
अच्छा उसमें क्या फर्क कितना लग रहा है, मतलब मेरा पास तो 1990 है, 990 है। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही, मतलब थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है। इतना मतलब इतना वर्थ इट नहीं है कि इसके लिए तुम 5-6 times पैसे दो। वही वही, मतलब मैं दो साल हो गया मैं यूज कर रहा हूँ, पर क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होता है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा साउंड बढ़ाते, हाई फ्रीक्वेंसीज जब बढ़ाते तो डिस्टॉर्ट होता है। आप इंटरफेस कौन सा यूज कर रहे हो? मेरा 2i4 है। 2i4, ये इतनी रिवर्ब में क्यों आ रही है आवाज? वो उनकी दिक्कत है, दिक्कत है। 2i4 में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अगर वो डिस्टॉर्ट हो रहा है तो मेनली ऐसे वो भी होता है क्योंकि हमारा 2i4 भी जो है उसके जो वॉल्यूम वाला जो नॉब है ना वो खराब हो जाता है बहुत टाइम जल्दी काफी, और सिर्फ हमारा ही खराब हुआ है, और हमारे तो खराब हुआ है, मतलब फोकस राइट में ये दिक्कत तो है। जो सेकंड जनरेशन है उसके जो वॉल्यूम नॉब्स है उसमें कार्बन जम जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है जिससे कि वॉल्यूम नॉब ही डिस्टॉर्ट करने लग जाती है। तो अगर मैं जैसे अगर हम कोई अपने नॉर्मल हेडफोन्स भी लगाते हैं तो हमारी जो लो एंड है वो काफी फटने लग जाता है उसमें। नहीं मेरा तो 4.5 साल हो गया, मतलब मुझे लग रहा है चेंज करना पड़ेगा। 4 साल हो गए तो ब्रो हाँ हो सकता है, मतलब एक बार ही ना मतलब हेडफोन्स को देखना किसी और इंटरफेस में या लैपटॉप में लगा के देखो, अगर वहां नहीं फट रहा तो फोकस राइट की दिक्कत नहीं देता है, तो फोकस राइट की दिक्कत होगी। और प्रखर क्या हाल है, बड़े बड़े चश्मे पहन के आया है? प्रखर ऑन द मून। बढ़िया भाई, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ बढ़िया बहुत बढ़िया। और भाई बाकी सारे नए लोग भी आ जाओ, एक बारी बात कर लेते हैं, माइक पे स्टार्ट करते हैं। प्रखर भाई साइंटिस्ट। बुक्स बीट्स नॉट मैथ। जिनकी वीडियो ऑन होती है ना वो यूट्यूब पे दिख रहे होते हैं, जिनकी वीडियो ऑन नहीं होती वो नहीं दिख रहे होते। कल हम लाइव स्ट्रीम देख रहे थे तो कल सिर्फ राम प्रताप ऑन था वीडियो पे, तो पूरी वीडियो में राम प्रताप ही दिख रहा था और कोई दिख ही नहीं रहा था। और जब कोई और बोल रहा था तो उसकी वीडियो वहां कुछ भी नहीं आती, ब्लैंक हो जाता, तो जिसकी भी वीडियो ऑफ रहती है फिर वो आ नहीं पाता। हां फिर वो चेंज कर देता है जो। थोड़ा वेट करें अभी कि नहीं, क्योंकि अभी कुछ लोग पहले ज्वाइन हुए थे आई थिंक, उनको पता नहीं चल रहा है, उनको बताने का कि हाँ उन लोगों का लिंक चेंज हो गया एकदम। हाँ वो हाँ पहले वाले लिंक काम नहीं करे ना अभी, वो लाइव स्ट्रीम पे नहीं जा पा रही थी यूट्यूब पे, तो फिर वो इसलिए मैंने वो वापस से स्टार्ट करा। मुझे प्रिंस यादव चैतन्य क्यों लग रहा है जो हमारे स्कूल में था फर्स्ट ईयर? प्रिंस यादव चैतन्य ही है क्योंकि वो प्रखर को जानता है। और आज का सेशन म्यूजिक थ्योरी था पहले, बट फिर हमने चेंज कर, जब पढ़ रहे थे तो फिर हमने वो ऑडियो इंटरफेस और ये करना था तो हमने डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन कर दिया था उसको। पहले उसकी फोटो लगा रखी है मैं। हाँ बाकी लोग भी आ गए पहले वाले, थोड़ा सा और वेट करते हैं। और बताओ यार कोई मतलब क्या क्या बना रहे हो कुछ, अगर तुम चाहो तो शेयर स्क्रीन कर सकते हो, कर सकते हो, हम ऑन कर देते हैं अभी। ब्रो आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग ओरिजिनल, सो आई विल शो दैट टू यू। मतलब हम बस मतलब विल जस्ट वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। स्क्रीन शेयर कैसे अलाउ कर सकते हो क्या? अलाउंस स्क्रीन शेयर अलाउ ही है, अलाउड है, अलाउड टू एवरीवन, कोई भी स्क्रीन शेयर कर सकता है। प्रिंस यादव कौन है? चैतन्य ना भाई, चैतन्य ब्रो दिस वन ऑडियो हाउ टू पुट इट इन दिस कंप्यूटर। Computer audio. So when you share screen, how to right? Change it to computer audio. Computer audio. When you share screen, there's an option. हाँ, hello. Can you hear us? Hello. उन्होंने पहले वो खोल दिया, Azio for all खोल दिया। अबे वो Azio for all खोलते ही बंद हो जाता है वो volume. तो उनको text कर दो, you need to restart your system. Bro, first. Can you hear me, bro? Hello, 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 hello. Okay. Ronnie. Are you? It's not playing.
डिस्कॉर्ड पे कोई मैसेज डाल दे कि विल कौन स्टार्ट ये ज्वाइन कर लो कहीं दो तीन जगह डाल दे उसमें फिक्स कर मुझे लगता है ये विल डन रीस्टार्ट बस लिख दे वी आर स्टार्टिंग लिंक ज्वाइन कर लो Inspiring भी था. Thank you. How to stop screening? एक best use हो सकता है जैसे mostly YouTube ads के पीछे जो BGM होता है ना उस exactly आ रही थी. हाँ जैसे ऐसा लग रहा था वो कल कौन सी है हम web अब इन्होंने YouTube ad बोला है तो मेरे को वो जो होते हैं जो whiteboard animations नहीं होती वो whiteboard वाली वो लग रहा था अरे यार motivation से life hacks video भाई सबसे ज़्यादा जो हाँ actually I made this as a love song or something so oh that's nice आप ही वैसा ही साउंड कर रहा है ब्रो इंस्पायरिंग सा जैसे उसको काफी टाइम बाद वो सिंगल के बाद मिंगल हो पाया या इट्स लाइक दैट ओनली हां वही सेम फील स्टार्ट करेंगे क्या क्योंकि मेरे को कुछ लोग थे जो पहले दिख रहे थे अभी दिख नहीं रहे यहां पे बट स्टार्ट करना तो करते हैं yeah. किसी को अपना कुछ और सुनाना तो सुना लो फिर स्टार्ट करते जल्दी से तो प्रखर एबल्टन वीरे ब्रो आपकी वो सही हो गई क्या बोलते हैं चलो मैं सुनाता हूँ कल मैंने 7 घंटे लगाए अपने प्रोजेक्ट में एक एक इंस्ट्रूमेंट में जाके जो फेस इशू आ रहा था उसको ठीक करा अब जब मास्टर करा तो बहुत अच्छे से टूट अप हो गया वो बढ़िया बढ़िया मास्टर आपने मोनो में करके देखा मिक्स हाँ बिल्कुल मोनो में सुनता रहा भाई वो तुमने एडवाइस दी ना बिल्कुल काम आई मैंने उसको प्रॉपर मोनो में जितना अच्छा साउंड करा सकता था करा जोन से एलिमेंट मेरे को अपफ्रंट रखने थे मोनो में मैंने उनको रखा सबको तो नहीं रख सकते आप जैसे कि एम्बिएंट हो गया उसको नहीं रख सकते स्टूडियो रहेगा तो जो मुझे सुनाना था मोबाइल फोन में वो सुना सकता था तो फिर बढ़िया एडवाइस दी यार मजा आ गया और मोनो में क्या होता है अभी आपने भी कल ट्राई करा होगा तो आपके जितने भी रिवर्ब होंगे एकदम से कम हो गए होंगे ऐसा लग रहा होगा रिवर्ब भी खत्म हो गए मोनो में बिल्कुल 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 पर आप बहुत देर तक सुनते रहते हो ना आप सुनते रहते हो तो आपको फिर आदत हो जाती है आपको पता चलता है अभी मुझे सुनाई दे रहा है रिवर्ब तो रिवर्ब हमेशा मोनो में सेट करोगे ना जब तो तुम्हारा आराम से स्टीरियो में अच्छे से साउंड करेगा वो तो कोशिश करा करो मोनो में जितना ज्यादा हो सकता है पहले मिक्स अच्छे से करवाओ साउंड और फिर स्टीरियो में ऑलमोस्ट अच्छा ही साउंड करेगा हां प्रगर तू को सुना रहा था आई होप वो इमेजर प्लगइन सही है फेसिंग स्टार्ट करने के लिए इमेजर अच्छा 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 ठीक है ना तो सॉरी सही है चलो यार प्रगर फिर बाद में करते हैं छोड़ अभी आराम से तो आराम से एंड में शेयर करते हैं सब एंड में अपने जिसने भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाया वो शेयर करना तब सुनते हैं आराम से चलो वही स्टार्ट करते हैं चलिए शुरू करते हैं पहले एबल्टन ही नहीं खुला हुआ अभी हमारा अच्छा यहाँ पे एफएल वाले कौन कौन है और एबल्टन वाले कौन कौन है नहीं ब्रो क्रैक तो हर चीज के इजीली मिल जाते हैं ऐसा नहीं है वो करने आने चाहिए बट मत करो तो बढ़िया अच्छी बात है हाँ मत अच्छी बात है ना ही करो तो और FL तो यार मतलब FL तो वैसे भी लाइफ टाइम वो देता है एक बार ही खरीदना होता है उसके बाद तो हमेशा ही उसके अपडेट फ्री तो वो तो बेस्ट चीज है उसकी वो चीज अगर एबल्टन में भी होती तब तो एबल्टन भी काफी इस मामले में अच्छा होता है एबल्टन $300 का तो उसका अपडेट है
आइसोटोप वालों का भी सेम इशू आइसोटोप भी ब्रो बाकी सारे ऐसे हैं मतलब कोई भी ले लो वेव्स ले लो कुछ भी ले लो सबके अपडेट बहुत महंगे अच्छा तो मेन चीज ये कल भी जो कल के सेशन में तुम यही बात कर रहे थे कि उससे मतलब नहीं है कि यार कौन सा तुम डॉ चला रहे हो जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना क्योंकि तुम मोस्टली हर एक को बस एक ही टिप है एबल्टन के ट्यूटोरियल्स भी देखा करो एफएल के भी देखा करो हम एफएल के भी देखते हैं एबल्टन के भी देखते हैं जब हमें हिप हॉप बीट सीखनी होती है कुछ भी सीखना होता है जो हमें खुद नहीं आता वी सर्च फॉर हिप हॉप बीट और मोस्टली 90% जो होते हैं वो एफएल के ही होते हैं बट तुम उसमें से भी लर्न कर सकते हो और जब मैं स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट करते थे तो हम क्या करते थे सिर्फ एफएल के ट्यूटोरियल्स देखते थे और एबल्टन के स्किप करते थे कि एबल्टन समझ नहीं आ रहा एबल्टन समझ नहीं आ रहा बट डोंट स्किप ट्यूटोरियल्स मतलब चाहे वो किसी भी डॉ नॉट एबल्टन एफएल कुछ भी लॉजिक क्यूबेस कुछ भी टेक्निक्स तो सेम होते हैं हां मतलब सब सेम है बस इंटरफेस चेंज हो जाएगा इट्स लाइक अ प्रोग्रामिंग आई थिंक यस बस एक दो नॉब्स चेंज होंगे बस इट्स वेरी इजी वी हैव टू जस्ट लर्न द अरे स्टॉर्म भाई अ बिग फैन ओहो बिग फैन क्या मैं ऐसा क्या हूं भाई स्टॉर्म अभी हमें पता नहीं स्टॉर्म पर भाई शेयर करना अपना गाने है कौन हां तो अच्छा किस किस को ये वाली वेबसाइट पता है अगर किसी को ये वाली learningmusic.ableton.com एक ने किसी ने शेयर भी करी थी मैंने नहीं सुना पहली बार देखा तो ब्रो ये वाली वेबसाइट चलाओ एक ये इसमें क्या है देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें बीट्स को उन्होंने सेग्रीगेट करा हुआ जिसको भी हम समझेंगे डॉ के लिए इसमें नोट्स एंड स्केल को अच्छे से सेग्रीगेट करा हुआ अगर आपको कॉर्ड सीखनी है बेसलाइन सीखनी है सॉन्ग के स्ट्रक्चर समझने किसी को ये नहीं समझ आता मेरे को लाइक 3-4 साल पहले ये भी समझ नहीं आता था वर्स क्या होता है कोरस क्या होता है और प्री कोरस क्या होता है और ये सब क्या होता है मतलब लोग टर्म यूज कर जाते हैं ये वर्स है ये कोरस है ये प्री वर्स है मेरे को समझ नहीं आता था क्या बोल रहे हैं तो ऐसे इन सब चीजों के लिए ये चीजें बहुत सही है मतलब एबल्टन की वाली वेबसाइट से सीख सकते हो ऐसी इसमें एक और वेबसाइट है इसकी लर्निंग सिंथ तो जिसको सिंथ सीखनी है अगर कोई थोड़ा सा एडवांस है अभी यहाँ पे जिसको सिंथेसाइजर सीखना है वो सिंथेसाइजर बिल्कुल बेसिक उसमें यहाँ से सीख सकता है इसमें देखो प्रॉपर मतलब प्ले वो है कि प्लग एंड प्ले टाइप का तो हर चीज इसके इसके अंदर भी उन्होंने अच्छे से वो करा हुआ है कि बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं ये देखो LFO ऑसिलेटर सारे अच्छे से बहुत ही इजी में और बहुत ही प्लेफुल वे में इन्होंने वो कर रखे कि आपको LFO सीखने हैं किसी को समझ नहीं आता LFO क्या है एनवेलप्स क्या है तो ये सारी चीजें इस पे देख सकते हो एबल्टन की वेबसाइट पे तो अभी यहाँ पे हम आज सबसे पहले कल हमने बात करी थी डिजिटल ऑडियो की अगर आपको नहीं पता तो आप ऑडियो बेसिक्स के सब जिन्होंने नहीं देखी थी और जिनको बिल्कुल अभी बेसिक्स नहीं पता ऑडियो के वो जाके उसको कल सेशन यूट्यूब पे देखना काफी हेल्प होगी और ये मत सोचना कि अगर वो तो बेसिक है उसको नहीं देखेंगे वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर वो नहीं देखोगे तो काफी चीजें समझ में नहीं आएगी जो आगे बताई जाएगी या फिर जस्ट एक बेसिक चीजें समझ नहीं आएगी हाँ एंड अगर हमें स्टॉप कर देना अगर कोई भी यहाँ पे इंग्लिश बोलता है तो विल जस्ट ट्रांसलेट द थिंग इन इंग्लिश पहले अगर किसी को भी हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो हाँ नो ब्रो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल अंडरस्टैंड हिंदी चलो बढ़िया फिर तो एंड वो भी एक और क्या बोलने वाला था मैं कि हाँ हमने इसमें ना मतलब जैसे कल हमने पढ़ा था तो हमने एक चीज छोड़ी थी कि ऑडियो इंटरफेस कैसे वर्क करता है तो कल हमने सब समझ समझा था एनालॉग से डिजिटल हमें बता था कि बाइनरी पे काम करता है तो यहाँ पे हम ये बोल रहे थे कि रैपर्स जितने भी हम म्यूजिशियन है वो ये चीज देख लेना लेटेंसी आती है तो लेटेंसी की प्रॉब्लम कल वाले हमने उससे बात करी तो तुम्हें वहां पे जाके देख लेना कि ये सब बफर साइज और सैंपल रेट ये सब कैसे सेट करता है कितना सेट करना चाहिए प्लस उसके पीछे का रीजन क्या वो सेट करने का कि हाई सेट करना कब लो सेट करना सब कुछ उस लास्ट सेशन में यूट्यूब पे अवेलेबल है कवर करा था हमने अच्छा यहाँ पे कोई ये बता सकता है कि ऑडियो इंटरफेस कैसे वर्क करता है लाइक हाउ प्रखर को छोड़ के प्रखर हमारा ऑडियो इंजीनियर है प्रखर बता देगा अभी फैंटम पावर होती है उसका ऐसा कुछ अच्छा आपने एक टर्म बोला फैंटम पावर चलो और सब ना थोड़ा थोड़ा दो इनपुट जो हमारी साउंड वेव्स होती है लैपटॉप में वो एनालॉग फॉर्म में होती है और जो हम सुनते हैं जो हमारी साउंड वेव होती है लैपटॉप में वो एनालॉग होती है नहीं जो हमारी साउंड होती है वो एनालॉग फॉर्म में होती है और जो हम सुनते हैं वो हियरिंग फॉर्म में होते हैं मतलब फॉर्म होते हैं भाई उसको चेंज करता है ऑडियो इंटरफेस हां बस एनालॉग फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए काम करने में आपने बोला फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट टाइप की एनालॉग होती है डिजिटल में तो ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है और दूसरा वो ऑडियो का कोई क्वालिटी गिरने भी नहीं देता या फिर उससे कुछ कंट्रोल होता है
और कोई किसी को भी अपना अनम्यूट करके बता सकते हो अगर कि थोड़ी बहुत आपको पता है कि आपका ऑडियो इंटरफेस क्या क्या कर सकता है और कैसे वर्क करता है? चैट खोल दियो इसे, जो कंडेंसर माइक है उन सबको बहुत पावर की जरूरत पड़ती है तो फैंटम पावर 48 वोल्ट सप्लाई करता है। और किसी को कुछ भी उस हेडफोन और जो कंडेंसर को जितना भी सिस्टम रहता है सबको बैलेंस करके रखकर लेटेंसी कम से कम आती है उसकी वजह से। बढ़िया बढ़िया, लेटेंसी को भी मतलब लेटेंसी प्रॉब्लम भी वहाँ पे हमारी थोड़ी सी वहाँ पे सेटल्ड हो जाती है। काफी सही, काफी पॉइंट्स तो कवर ही हो गए। ये शायद रिवर्स में होना चाहिए, डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट होता है थ्रू इंटरफेस, ये लैपटॉप के थ्रू होके जाता है वो आउटपुट। हां प्रखर ने एक मिसिंग जो पॉइंट रह रहा था तो प्रखर ने बोला डिजिटल से एनालॉग होता है, यहां पे हम यहां पे लिख लेते हैं। हां तो अब हम इसको एक बार ही पढ़ते हैं यहां पे सही से, तो हम एक बेसिक सा ऐसी कुछ भी ड्रॉइंग को बेयर कर लेना हमारी, कुछ भी बना रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लो ये हमारे फ्रंट हो गया जिसपे इनपुट्स हैं, और इसके बाद ये हमारी बैक साइड हो गई जहाँ पे हमारे इसके अंदर आउटपुट्स हैं। अच्छा यहाँ पे केबल्स का सबको पता है, केबल्स के कुछ कुछ टाइप नाम पता है, केबल्स किस किस टाइप की होती हैं जो इंटरफेस में लगती हैं, जो मॉनिटर्स में लगती हैं? XLR पता है बस, XLR पता है। और कुछ, और कोई भी नाम पता हो किसी को, कोई भी यहाँ पे गिटारिस्ट पियानिस्ट कुछ भी है उसको और कोई नाम बताओ? और हेडफोन में एक जैक रहता है, आरसीए केबल होता है। ओके करेक्ट, किसी ने बोला आरसीए केबल होती है, यस। एक बोला आपने एक्सएलआर केबल होती है, या आरसीए से ज्यादा बीसीए लग रहा है। और भी करना पड़ जाएगा आरसीए एंड देन एक्सएलआर केबल बताया। और किसी को और कुछ मतलब कोई भी केबल बताओ, किसी ने ये सुना टीआरएस केबल? सुना है। तो चलो अब हम इसके बारे में देखते हैं और ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं डॉ के बारे में बात करेंगे। तो इनपुट्स में क्या होता है, आप लोगों को सबको पता है कि आपके पास एक माइक है। भाई ड्राइंग देख लेना, बस मजाक मत उड़ाना ड्राइंग का। तो यहाँ पे ड्राइंग में यहाँ पे बंदा बोल रहा है तो ये कौन से सिग्नल बोल रहा है? हमने कल बात कही थी कि जैसे मैकेनिकल एनर्जी होती है और ये सारी होती है एनालॉग, इनको हम सबको एक में डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि एनालॉग होती है। तो माइक क्या करता है, माइक उसको वो उसको इलेक्ट्रिक उसमें चेंज करके कहां ले जाता है, इसके अंदर यहां पे इंटरफेस में। तो आपने देखा होगा मोस्टली यूएसबी वालों की बात नहीं कर रहे हम, यूएसबी डायरेक्टली डिजिटल सिग्नल ले जाता है। बट जितने भी हमारे पास डायनामिक या कंडेंसर माइक्रोफोन होते हैं हमारे पास कोई पड़ा तो उसके अंदर, या फिर हम नेटवर्क देख सकते हैं उसमें एक्सएलआर केबल लगती है ऐसे नीचे, और फिर दूसरी एक्सएलआर का साइड जो होता है वो हमारे इनपुट में लगता है। जैसे यहाँ पे अगर किसी को दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे XLR के 3 पिन वाले पोर्ट भी हैं इसके अंदर, दिख रहा है। तो दिख रहा भाई सेम चीज इसके अंदर, जैसे इसमें आप देख रहे हो XLR मेल है इसके अंदर, तो यहाँ पे XLR फीमेल लगती है और फिर XLR का दूसरा साइड जो होता है वो यहाँ पे लगता है। कई बार आप वो वाली केबल भी ले सकते हो XLR टू TRS जो आपने सुना होगा, जो स्टूडियो मॉनिटर्स में लगती है। तो अभी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि XLR TRS और ये सब क्या होती है, तो ये हम आपको अभी थोड़ी देर में केबल्स देखते हैं थोड़ी सी, तो वहां पे समझ आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने यहाँ पे एनालॉग सिग्नल था हमारे पास, और एक सेकेंड, हाँ तो एनालॉग सिग्नल जो है वो डायरेक्ट इसके अंदर इनपुट आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एनालॉग सिग्नल आया, फिर इस पूरे इंटरफेस के अंदर, जो इंटरफेस का जो एक बॉक्स है इसके अंदर यहाँ पे इनपुट्स आ रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर वो प्रोसेस कर रहा है उसको। और अच्छा हाँ, यहाँ पे कल एक चीज बताई थी किसी ने कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज पे वर्क करता है, बाइनरी। कल हमने थोड़ी सी बात करी थी इस पे, और कोई किसी को पता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। इन सब पे बात हो रही थी कल। तो अभी तक क्या था, हम एनालॉग सिग्नल बोल रहे थे, हमने कुछ प्रेशर क्रिएट करा, वो प्रेशर एक माइक के अंदर गया और माइक से उसके इनपुट में जब वो आया, तो यहाँ पे जो इंटरफेस का काम है उसने क्या करा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करा। अब जो प्रखर ने कहा था कि डिजिटल से एनालॉग होता है, तो अब क्या है, इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आउटपुट भी होता है हमारे पास यहाँ पे, कि यूएसबी पोर्ट लगाते हैं और वो यूएसबी पोर्ट हमारे किस में जाता है, कंप्यूटर के अंदर। तो यहां से क्या हो रहा है, एनालॉग से डिजिटल
एंड देन आउट यहाँ से डिजिटल से हमारे वापस इसके अंदर चले जाता है, तो यहाँ पे हमें वेव फॉर्म दिखने लग जाती है. तो क्या हुआ, एनालॉग आया, इनपुट गया और डिजिटल सिग्नल मिल गया. तो माउस चला रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी. तो उसके बाद डिजिटल सिग्नल के बाद ये डिजिटल सिग्नल वापस जाता है और ये आउटपुट में भी जाता है. डिजिटल सिग्नल से जो हमने कैप्चर करा है, हमें सुनना भी तो होता है वापस, जैसे हम डॉ में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हमें साथ साथ साइमल्टेनियसली सुनाई भी दे रहा होता है. जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे होते हो, किक विक लगाते हो, तो वो आपके डॉ के अंदर होती है और डॉ से आपको आपके स्पीकर्स आपके हेडफोन में आ रही होती है. तो अगेन फ्रॉम डॉ इट गोज इन टू योर आउटपुट. तो आउटपुट कहाँ होते हैं, पीछे होते हैं, और किसी किसी के यहाँ पे हेडफोन्स में भी होते हैं. तो अब आउटपुट किस पे काम करता है, आउटपुट अगेन इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, आपका स्पीकर इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, तो स्पीकर मूव करता है. तो स्पीकर क्या है, स्पीकर है एनालॉग. ये सबको समझ आ रहा है अभी तक जो हम बोल रहे हैं? हाँ. कि स्पीकर एनालॉग होता है. तो बेसिकली हो क्या रहा है, इतनी सारी ड्रॉइंग को हम मिटाते हैं एक बारी और ये समझते हैं कि ऑडियो इंटरफेस का काम है, माइक को लिया, माइक की वॉल्यूम डाली एनालॉग, उसको डिजिटली कन्वर्ट करा, डिजिटल सिग्नल हमारे कंप्यूटर के अंदर गया, कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल वापस आया और वापस से वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनालॉग में, और ये हमें मिल गया आउटपुट. आउटपुट कहाँ कहाँ आता है, हेडफोन्स में, स्पीकर्स में, जो इलेक्ट्रिसिटी समझता है. तो बेसिकली हम जो ऑडियो इंटरफेस होता है उसको हम बोलते हैं एडीए कन्वर्टर्स, एडीए कन्वर्टर, क्योंकि वो माइक से एनालॉग सिग्नल लेके उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है ताकि हमारे स्पीकर को समझ, हमारे लैपटॉप को समझ में आए और लैपटॉप में जो हम किक डाल रहे हैं, स्नेयर डाल रहे हैं, उसमें सब कुछ बना रहे हैं, रिकॉर्ड करके प्रोजेक्ट को सेव कर रहे हैं और अगले दिन ओपन कर रहे हैं, तो वो चीज वहां पे सेव होगी डिजिटल फॉर्म में. बट उस डिजिटल फॉर्म को दोबारा हमें सुनने के लिए स्पीकर तक इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी. स्पीकर डिजिटल समझता नहीं है, स्पीकर तो सिर्फ और सिर्फ एनालॉग लैंग्वेज समझता है, तो उसको फिर से इंटरफेस एनालॉग में कन्वर्ट करता है. इसलिए ए टू डी एंड देन फ्रॉम डी टू ए, तो ए टू, ये ऐसे कैसे भी बाउंस कर सकता है, डी से ए में, डी से ऐसे. और आपने देखा होगा डायरेक्ट इनपुट, जो हम कल बात करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट भी होता है, जिसमें हम अगर हमारे पास लेटेंसी ज्यादा आ रही है तो हम अपने इंटरफेस में डायरेक्ट इनपुट सेट कर सकते हैं. उससे क्या होता है, ए टू डी और फिर डी टू ए जाता ही नहीं, सीधा ए टू ए चले जाता है, ए टू ए हो जाता है उसमें, कि हमने बोला वो हमारे माइक से डायरेक्ट हमारे हेडफोन से स्पीकर में आ गया. ये ऑडियो इंटरफेस जिन पे होंगे उनको दिखेगा वहां पे डायरेक्ट इनपुट का ऑप्शन. तो यहाँ पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, मैं चार्ट देख लेता हूँ एक बारी. इट टेक्स एनालॉग सिग्नल एंड कन्वर्ट्स टू डिजिटल सिग्नल, किसी ने लिखा हुआ है. और किसी को कोई डाउट है इस चीज में, कि मतलब कैसे हमने जो ये बात करी, ये सबको समझ आ गया? और इनफैक्ट ये हमारे लैपटॉप में भी हो रहा होता है, सब कुछ हमारे लैपटॉप में भी होता है, जो हमारी डीएसी लगी होती है, डिजिटल ऑडियो कन्वर्टर लैपटॉप में भी, जो हमारे अभी भी आप लोग जो बात करो उसमें आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे माइक्रोफोन लगा हुआ, वो एनालॉग सिग्नल लेता है और फिर लैपटॉप के अंदर भी एक चिप लगी होती है जो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है. बट फर्क क्या होता है, क्वालिटी का डिफरेंस होता है उसकी. हाँ. कि जैसे हमारे फोन के अंदर भी है, कि हम फोन के अंदर जब गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, तो दैट इज ऑल डिजिटल इन्फॉर्मेशन. तो वो कन्वर्ट होके आपके फोन के स्पीकर से आ रही है, जब यूट्यूब पे आप कुछ प्ले करते हो, तो वहां पे भी डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल सब कुछ हो रहा है, वहां पे भी एडीए कन्वर्टर्स है उसके अंदर. तो हर जगह ये चीज काम करती है. और अभी हमने ना इसको अभी हमने समझा कि बस कन्वर्जन हो रही है, अभी हमें कन्वर्जन समझ आई है. उसके बाद यहाँ पे किसी ने बोला था कि पावर देता है, फैंटम पावर. तो आपने देखा होगा आपके पोर्ट्स के साथ में यहाँ पे प्लस 48 वोल्ट लिखा होता है. तो वो प्लस 48 वोल्ट बेसिकली क्या है, कि जब हम सिग्नल देते हैं माइक के पास, जैसे मोस्टली कंडेंसर माइक्रोफोन में, तो वो 0.0001 वोल्ट कुछ इतना कम होता है पावर उसकी. तो हमें क्या होता है, हमारा जो कंडेंसर माइक होता है उसको बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है, तो हम इसको इनटू में 1000 के करीब बढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट 1 वोल्ट के करीब बढ़ाते हैं, जिससे कि ये इसको पावर मिल सके. तो बेसिकली इसको हम ज्यादा एलोंगेट नहीं करेंगे, 48 वोल्ट क्या, ये क्या है, बस फैंटम पावर भी जो समझना होगा तो हम इसे प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे बाद में. पर फैंटम पावर इज बेसिकली कि आपका जो कंडेंसर माइक्रोफोन होता है उसको पावर चाहिए, तो उसकी पावर को इनटू में 1000 करने के लिए हम फैंटम पावर दबाते हैं, और फैंटम पावर से फिर वो क्या बोलते हैं, हमें वो लेवल सुनाई देता है. वरना अगर आप फैंटम पावर बंद करोगे तो भी आपको बहुत थोड़ा सा सिग्नल दिखेगा, बट वो इतना माइन्यूट होगा कि आपको नॉइस से सुनाई देगा, अपनी आवाज ही सुनाई नहीं देगी उसके. और जिसको भी ये डाउट है, तो मोस्टली इंटरफेस के अंदर ऑलरेडी फैंटम पावर का ऑप्शन होता है, अलग से नहीं खरीदना होता. हाँ, अलग से मत खरीदना. बहुत लोग हमसे पूछते हैं अमेज़न पे कि भैया 1500 का 2000 का फैंटम पावर मिल रहा है, इसमें ऑलरेडी आपका 2i2 2i4 जितने भी 8 से लेके 8 भी का काफी जो इंटरफेस होता है उनमें आप चेक करोगे तो फैंटम पावर ऑलरेडी होती है, तो एक्स्ट्रा बाय मत करना. उसके बाद हम यहाँ पे एक और मैं उस लिंक को, इसको लिंक को शेयर कर सकते चैट में. कौन से लिंक को? इस केबल्स के लिए लिंक था, एक ऑडियो केबल्स जो होती हैं, हम एक बार ऐसे नेट पे सर्च कर रहे थे जब हम ऑडियो केबल्स की बात कर रहे थे. ऑडियो
केबल्स वैसे उसमें लिंक दे दे अगर चैट में आ सकता है तो कौन सा वाला लिंक वो वाला क्लास वाला तो यहाँ पे किसी को पता है आरसीए केबल्स और ये जो हम बात कर रहे थे कैसे कैसे दिखती हैं किस किस टाइप की होती हैं आरसीए केबल हो गई एक्सएलआर पता थी अच्छा किसी को यहाँ पे केबल समझ नहीं तो बताओ वरना फिर हम डॉ के पास जाते हैं सीधा अगर किसी को टेक्निकल समझना है तो हम इसकी थोड़ी सी बात करेंगे अगर नहीं हाँ। समझना तो हम सीधा डॉ पे चलते हैं हाँ भाई थोड़ी सी कर दो थोड़ी सी कर लो ओके ओके और कोई किसी को मतलब है कि मतलब है ना क्योंकि मोस्टली लोग हो सकता है यहाँ पे डॉ के लिए आए हो कि डॉ पे रिकॉर्ड कैसे करते हैं और हम इसको थोड़ा सा एलोंगेट कर रहे हैं फालतू में बट ये काम आएगा क्योंकि वो डॉ में रिकॉर्ड करने के लिए माइक को कनेक्ट करने के लिए वायर तो चाहिए ही आपको वायर चाहिए तो एक बार बता दो काफी सारे लोग हैं आज तो अगर किसी को भी आउट ऑफ 20 बोल दो आप लोग कि अगर हाँ करें केबल्स की नहीं या ब्रो केबल्स हां भाई हां भाई करो ठीक है चलो तो बेसिक मतलब हमने अब सबको पता है कि एनालॉग और वर्सेस डिजिटल वाला हमें पता है कि एनालॉग केबल क्या होता है देखो यहां पे लिखा है डिजिटल कल से हम यही दो वर्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं एनालॉग और डिजिटल एनालॉग और डिजिटल है ना तो ये सबको अब समझ आ चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला जितना भी पार्ट है वो एनालॉग है डिजिटल वाला मतलब जितना भी 01 वाला पार्ट है फिर इसके बाद हम जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो बेसिक ऑफ केबल्स में भी दो टाइप की केबल होती है एनालॉग और डिजिटल अब आप लोगों के घर पे ईथरनेट केबल सबको पता होगा ईथरनेट केबल लैन वाली वायर लैन वाली वायर होती है जो हम कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हैं फॉर इंटरनेट वो वाली हाँ प्रखर लेके ही बैठा दिखा रहा है प्रखर यहाँ पे तो ईथरनेट केबल जो होती है वो हमारी डिजिटल होती है बट जो आपकी जितनी भी XLR केबल है और ये सारी है वो सब होती है क्या बोलते हैं आपकी एनालॉग केबल अब एनालॉग डिजिटल तो अपने आप में बहुत बड़ा है डिजिटल इज वेरी वाइड आप डिजिटल के कितना भी पढ़ लो उसमें कम है बहुत सारे नए नए उसमें आते रहते डांटे करके अभी नया वो आया क्या बोलते हैं जिसके अंदर डिजिटल के अंदर आप वो कर सकते हो कि मतलब एक साथ 128 मतलब 128 चैनल्स कनेक्ट कर सकते हो एक केबल से तो वो बहुत ज्यादा यूज होती है और इवन मतलब लाइव शोज में आप जैसे डीजे शोज में जाते हो या फिर आप कहीं भी लाइव कॉन्सर्ट में जाते हो वहां पे आप वो एक सिंगल वायर भेजते हैं पहले उनको मतलब अगर स्टेज पे 100 लोग खड़े थे 100 लोगों के लिए 100 XLR केबल आती थी अब सिर्फ एक केबल जाती है स्टेज से तो वो उन्होंने वो डिजिटल केबल कर सकती है मतलब डिजिटल केबल में अलग ही मतलब एक्सपैंड कर सकते हो डिजिटल केबल में काफी सारे हैं आपकी यूएसबी भी डिजिटल होती है कहीं ना कहीं आपकी एचडीएमआई केबल भी डिजिटल होती है काफी सारी जो कार्तिक ने बताया डांटे ये सारी केबल्स हैं और डांटे स्पेशली वहाँ यूज में आती है लाइव में तो हम इतना डिजिटल के बारे में नहीं समझेंगे अभी हम बेसिक अपने कैसे इंटरफेस माइक क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने अभी मतलब माइक लेना होगा या कुछ भी लेना होगा और वो कंफ्यूज हो जाते होंगे स्टूडियो मॉनिटर्स लेने होंगे और उन्हें समझ नहीं आता स्टूडियो मॉनिटर कनेक्ट कैसे करेंगे तो बैलेंस के और अब क्या होता है एनालॉग के अंदर आपने किसी ने ये टर्म सुना बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड कितने लोगों ने सुना वाला कि बैलेंस सिग्नल अनबैलेंस सिग्नल एनालॉग केबल भी दो चीजों में डिवाइडेड है एनीवन एल्स किसी ने बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड का डिफरेंस पता है किसी को नहीं मुझे नहीं पता और किसी को पता किसी ने यही बुला दिया ठीक है कोई और किसी पे भी जिसने किसी ने स्टूडियो मॉनिटर्स ले रखे हैं गौरव यूट्यूब पे कोई है जो पूछ रहा यूट्यूब पे एनीवन कोई भी हाँ ना बोल दो बस अगर नहीं पता कोई नहीं सीधा आगे बढ़ते हैं सर नहीं पता ठीक है ओके तो एनालॉग में अभी हमने क्या करा था हमने क्लासिफाई कर रहे थे कि पहले दो टाइप की केबल है एक है एनालॉग एक है डिजिटल ये सबको समझ आ गया मतलब टू टाइप्स हैं पहले दो टाइप्स हैं एनालॉग और एक है डिजिटल है ना केबल हमने यहाँ पे लिख दिया ए एक ए एंड डी डिजिटल अपने आप में बहुत वाइड है डिजिटल में बहुत सारी केबल्स आ सकती हैं ईथरनेट यूएसबी डांटे जो जो हम बोल रहे हैं बीएनसी बहुत सारी मतलब अलग 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 बहुत सारी हैं इसको हम दो में क्लासिफाई करते हैं बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड मैंने यहाँ पे अन भी लिख दिया तो अनबैलेंस्ड बैलेंस अब बैलेंस्ड के अंदर अभी हम ऐसी अभी आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं दो तीन टाइप की केबल होती है XLR केबल इज बैलेंस्ड केबल इसके अंदर TRS केबल होती है एक फिर अनबैलेंस्ड के अंदर RCA होती है हम इससे ज्यादा इसमें बात नहीं करेंगे ज्यादा या फिर TS केबल ये इससे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इस बहुत सारी इसमें भी केबल्स हो सकती हैं लेकिन ये तीन या चार केबल हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं RCA मोस्टली वो वाली केबल होती है जो आपने देखी होगी याद है किसी ने बचपन में कैसेट वाले गेम खेले या फिर अपना टीवी कनेक्ट करा है तो उसमें ग्रीन येलो और वैसे वाली तो उसके अंदर आपने देखा होगा आरसीए के अंदर ऑप्शन आता है आपके पास कि आप उसमें येलो वायर लगा सकते हो रेड वायर लगा सकते हो
और व्हाइट वायर लगा सकते हो, ये देखा किसी ने अपने पुराने टाइम में होता था कंप्यूटर टीवी के अंदर? हाँ, देखा है तो वो एग्जैक्ट केबल ऑलमोस्ट वैसी केबल इज आरसीए केबल। आपके जितने भी होम थिएटर्स होते हैं स्पीकर्स होते हैं आप उसमें भी देखोगे उसमें आरसीए वाले पोर्ट होते हैं वो ग्रीन रेड और येलो दो लगाने के लिए। एक्सएलआर ऐसी होती है कि जिसके अंदर तीन डॉट्स से होते हैं, एक साइड ऐसे तीन डॉट होते हैं और एक साइड उसमें ऐसे मेल वाले डॉट निकल रहे होते हैं तीन, जैसे हमारे इसमें निकल रहे हैं ऐसे तीन डॉट से आगे को। और फिर TRS इज बेसिकली जो आपके हेडफोन जैक्स नहीं होते जिसमें आप देखते हो कि ऐसे एक टिप होती है फिर उसके मतलब उसके अंदर ऐसे नीचे ही देखते हैं, इसमें एक घंटा बनाता बनाने से अच्छा हम फोटोज देखते हैं सीधा। तो पहले हम बैलेंस के बारे में पढ़ लेते हैं फिर फोटोज देखते हैं। तो बैलेंस इसमें लिखा है कि बैलेंस और अनबैलेंस दो टाइप की केबल होती है। फिर इसके बाद माइक लेवल, इंस्ट्रूमेंट लेवल, लाइन लेवल लिखा है। हमें बस इतना समझना है, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। जो लाइन लेवल है वो होता है बहुत ही कम, तो हम उसको बढ़ाने के लिए माइक लेवल पे ले जाते हैं। माइक लेवल, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। जो माइक लेवल होता है, जैसे हमारे माइक का जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है, उसको हम लाइन लेवल पे ले जाते हैं। जब हमने बात करी थी कि हमारा जो माइक है कंडेंसर उस पर बहुत कम पावर होती है, तो उसको ऊपर ले जाने के लिए हम 48 वोल्ट डालते हैं। 48 वोल्ट से क्या होता है लाइन लेवल पे आ जाता है। हम ये वाला लिंक भी डाल देंगे इस चार्ट में, आप पढ़ सकते हैं। जो बैलेंस और अनबैलेंस केबल है ना, इसको दो कैटेगरी में इसलिए डिवाइड कर रहा है अभी। इसके बारे में अगर डेप्थ में घुस गए जो जिस प्रिंसिपल पे वो काम कर रहे हैं तो बहुत वाइड हो जाएगा। बट आपको ये चेक करना है कि जो भी आपका स्पीकर ले रहे हो या फिर आप माइक ले रहे हो, तो मोस्टली वो आप यही देखना स्पीकर के पीछे लिखा होता है बैलेंस केबल रिक्वायर्ड, तो वहां पे अनबैलेंस केबल मत सर्च कर देना। मतलब आपको हमने ये चीज बताई इसलिए क्योंकि अगर आप बैलेंस चीज में अनबैलेंस केबल वाली लगा दोगे और वो अनबैलेंस केबल आपके कोई और इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के ऊपर से जा रही है तो वो उसमें नॉइस ऐड कर देगी। तो जस्ट आपको ये ध्यान रखना है अगर आपकी बैलेंस्ड केबल है तो आप सिक्योर हो कि उस वायर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो आपको इतना तो पता होगा कि जब भी करंट वायर में से पास होता है तो उसके आसपास वो मैग्नेटिक इफेक्ट बन जाता है। 10th में था तो अगर आप बैलेंस केबल लेते हो तो आप उस इफेक्ट को, जो वो इफेक्ट से नॉइस ऐड होगी फालतू में नॉइस ऐसी, इसको और थोड़ा बेसिक करते हैं। आप सबको पता है कि ऑडियो जो आपकी वायर्स होते हैं, बिजली होती है, जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर एक खुद के साउंड होती है। अगर हाई वोल्टेज में आपको साउंड आती है, ये आप सबको पता है, आपने हाई टावर्स और हाई इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर के आसपास गए हो तो खर्र आवाज आती है, आपने नेट पे देखा आवाज आ रही होती है ना। तो मतलब आप देखते हो ऊपर इवन जो आसमान से बिजली की आवाज होती है बिजली के अंदर एक, तो ऐसी आपकी जो केबल्स होती हैं, अगर आप कभी देखोगे अपने फ्रिज के आसपास जाओगे तो वहां पे भी एक हमिंग सी साउंड सी आ रही होती पूरे टाइम। तो होता क्या है, अगर हम नॉर्मल, अगर हम अनबैलेंस केबल ले लें, अगर अनबैलेंस केबल लेंथ में ज्यादा होगी, अनबैलेंस अभी हम बात करते हैं अनबैलेंस कौन सी, जो हमने बात करी है यहाँ पे, अनबैलेंस केबल ले लोगे तो आप इसे पढ़ सकते हो खुद। बट अनबैलेंस केबल क्या करेगा, वो जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर्स या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपके आसपास है उनकी नॉइस अपने में ऐड कर देगा। और जो बैलेंस्ड केबल होती है उसमें नॉइस कम से कम जाती है, बहुत ही मिनिमम होती है, और वो इतनी सिक्योर होती है कि उसमें जितनी भी नॉइस जाएगी उसको पूरा एलिमिनेट करने की ट्राई करता है। और अगर अनबैलेंस ले लोगे तो आप बोलोगे यार मैंने माइक तो बहुत एक्सपेंसिव ले लिया, इंटरफेस तो बहुत एक्सपेंसिव ले लिया, पर वायर ले लिया आपने अनबैलेंस्ड, और वो आपकी होके जा रही है लैपटॉप की वायर की चार्जिंग केबल से और उसमें हमिंग नॉइस आ रही है। तो इसलिए वो भी आपको चेक करना कि जो आपका इक्विपमेंट है, माइक है, स्पीकर्स है, अगर वो बैलेंस केबल सपोर्ट करते हैं तो आपको उसी के लिए ऑप्ट करना है। आप उसके लिए अनबैलेंस्ड मत ले लेना, फिर वो आपके किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस से उसमें नॉइस ऐड हो सकती है अननेसेसरी और आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे इसको। तो यहाँ पे हम बस इतना बता रहे हैं आप लोगों की, आप अगर बैलेंस केबल लेते हो तो आप देखना XLR होगा या फिर TRS होगा। और TRS को हम इतना सा आगे और समझते हैं कि TRS में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है दो केबल्स में, आप चेक कर लेना चाहे नेट पे, अभी अमेज़न पे सर्च करके देखना। कि TRS केबल ना दोनों सेम दिखती है, बस फर्क क्या होगा, एक के अंदर अगर आपके पास सबके पास अपने 3.5 mm जैक है ना, उसमें भी चेक कर लो अपने ईयरफोन्स में, उसमें आपको एक में दो ऐसे दो पिन दिखेंगी, दो ब्लैक डॉट्स दिखेंगे, दो ब्लैक लाइंस, और एक में सिंगल दिखेगी। तो अगर सिंगल वाली है आपकी, तो सिंगल वाली क्या होता है उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं टॉप को टिप, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। हाँ, तो इसमें लिखा है जैसे टिप रिंग एंड स्लीव, तो इसलिए इसका नाम होता है TRS। तो जिसमें भी तीन सिग्नल होते हैं, XLR के अंदर भी क्या होता है, अगर आपने स्कूल में पढ़ा था, हम ज्यादा नहीं जाएंगे, उसके अंदर ग्राउंड होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो जिनमें भी तीन चीजें होती हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, ग्राउंड, पॉजिटिव, नेगेटिव। और जो अनबैलेंस्ड होती है उसमें बस इतना होता है कि उसमें ग्राउंड होता है और उसमें पॉजिटिव होता है, उसमें नेगेटिव नहीं होता। और जो अपने ईयरफोन्स देख रहे हैं ना, इसमें
फोर्थ भी है तो माइक के लिए होता है। फोर्थ वाली माइक के लिए होती है वो, मतलब जो जब हम हेडफोन्स के माइक में मिलते हैं तो फोर्थ एक और रिंग होती है वो माइक के लिए होती है। अच्छा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा तो कोई यहाँ पे रोक के हमें बता दोगा, किसी को भी डाउट हो रहा है कि हमें क्या बात कर रहे हैं, किसी को भी लग रहा है कि ये तो बहुत ऊपर से जा रहा है। नहीं नहीं बेसिक है, नहीं ये तो समझ में आ रहा था, ऊपर नहीं जा रहा है। या ब्रो या वी कैन अंडरस्टैंड। ऑलराइट तो इसके बाद बस आ रहा समझ आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। तो आप बस एक चीज याद रखना, अब अगर हम यहाँ पे देखो सर्च करते हैं कोई भी एक स्टूडियो मॉनिटर सर्च करते हैं, पीछे भी लिखा होता है मतलब लाइक मैं KRK सर्च कर लेते हैं, उसके पीछे तो KRK लिखा होता है, रॉकेट हर एक मॉनिटर के पीछे लिखा होता है, हर एक स्टूडियो मॉनिटर इनके पीछे जितने भी, अगर आप देखो एक फर्क होता है, एक होता है प्रो ऑडियो इक्विपमेंट्स जिनको हम बोलते हैं और एक होते हैं होम वाले इक्विपमेंट जो हमारे हाई फाई इक्विपमेंट्स होते हैं वो, जैसे हमारे घर के होम थिएटर स्पीकर्स और ये सब। तो आप इसके जूम करियो इसको, जूम पे जूम। अच्छा ये पुराने वाले, रुक जा रुक जा, बैक कर दे। इसमें हम स्वीट वाटर लग देते हैं, यहाँ पे स्वीट वाटर में अच्छी फोटोज दिखती हैं सीधा। अच्छा अब आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो बैलेंस्ड इनपुट दिखा रहा है, बैलेंस्ड इनपुट। तो इसके लिए जैसे इसके पोर्ट के नीचे ही लिखा हुआ है बैलेंस्ड इनपुट, तो इसके लिए आपको, और ये पोर्ट कौन सा कोई बता सकते हैं, पोर्ट कौन सा है, इस पोर्ट में कौन कौन सी केबल जाएंगे किसी को पता है? भाई XLR और TRS। ये मतलब 6.5 जा सकती है इसमें ये। हाँ तारे सही कह रहे हो, ये एक हाइब्रिड पोर्ट है, इसके अंदर XLR भी चली जाएगी प्लस बीच में आप देखोगे तो एक होल भी है, इसमें TRS भी चली जाएगी, तो ये कंपैटिबल है दोनों चीजों से। बट आपको TS केबल इसमें लग जाएगी, TS केबल, बट उससे हमारा अनबैलेंस सिग्नल जाएगा। और अगर वो वायर मेरे लैपटॉप की चार्जिंग केबल या मेरे होम अप्लायंस की किसी भी वायर से एक्सटेंशन बोर्ड से होते हुए जा रही है तो नॉइस ऐड हो जाएगी। तो इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि आप जब भी XLR या कोई भी वायर लो, मतलब कोई भी आप वायर लो उसको कनेक्ट करने के लिए, तो आप बैलेंस लो। और बैलेंस में आपके पास कौन सी आती है, XLR और TRS। अब इन दोनों में से इसमें कौन सी लगेगी, इसमें तो दोनों लग सकती है, तो आप कोई भी ले सकते हो। अब यहाँ तो आप दोनों लग सकते हो, बट ऑन द अदर साइड आपके इंटरफेस में कौन सी लगेगी, इंटरफेस में इम्पोर्टेंट है XLR। हम इंटरफेस में आउटपुट के लिए कौन सी लगेगी, XLR। ये क्या है, नहीं जो आपने पहले बताया था ना वो गेम्स में पहले आता। नहीं नहीं गेम की बात नहीं कर रहे, अभी हम प्रो ऑडियो में आ गए, हम बड़े हो गए। ये कौन सा पोर्ट है, एक अभी हमने ये समझा कि नहीं ये है, तो हम TRS केबल भी ले सकते हैं, TRS टू TRS केबल, या फिर हम एक XLR टू TRS केबल भी ले सकते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए। और एक साइड हमें मेल पोर्ट चाहिए होगा तभी वो स्पीकर के अंदर जाएगा आपके पास, जिसके पास भी हेडफोन ऑक्स नहीं। इसको हम एक बेसिक उसमें समझते हैं कि आपने ये देखा होगा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को, आप सबने ये देखा होगा, इसको मैं पिन कर रहा हूँ अपने आप में यहाँ पे, एक सेकंड पिन। आपने आपने क्वार्टर इंच देखा होगा यहाँ पे, ऐसे ये वाला आता, देख रहे हो इसमें एक टिप है एक रिंग है और टिप रिंग स्लीव, इसमें तीन है राइट। तो सबके हेडफोन्स के साथ जो आगे यहाँ पे हेडफोन के आगे क्वार्टर इंच लगती है एक, तो इसको क्वार्टर इंच बोलते हैं, ऑक्स नहीं बोलते इसको। ऑक्स तो 3.5 वाली टू 3.5 ऑक्स केबल जो गाड़ी के अंदर लगती है, कार के अंदर वो ऑक्स दे दे। अब देखो प्रखर भी दिखा रहा है, प्रखर एक बार, प्रखर को पिन कर रहा हूँ, प्रखर एक बार दिखा दे। हाँ तो इसमें ये प्रखर के पास है TRS वाली, और ये जिसके जिसके दूसरी है वो है ऑक्स वाली जिसमें 3.5 mm जैक वाली लग जाती है। और अभी जो हमने फोटो शेयर करी हुई थी, एक बार कार से स्क्रीन शेयर कर ली, इसके लिए कोई बता सकता है हमें हम कौन सी केबल ले सकते हैं, इसको इस स्पीकर को अगर हमें अपने इंटरफेस से कनेक्ट करना है 2i2 2i4 ऑडियंट कोई भी इंटरफेस से, लाइक TRS टू XLR। बढ़िया। और XLR फीमेल मेल, XLR मेल, XLR मतलब ये वाली, ये देखो। तो अब देखो इसको मैं फिर हम एक बार स्क्रीन स्टॉप कर रहे हैं, आपको दिख रही होगी देखो इसमें मेल है और यहाँ पे TRS में यहाँ पे इधर मेल है, तो TRS में तो दोनों फीमेल मेल सेम होता है, XLR में आपको दिख जाएगा जिसके अंदर पेन्स और होती हैं और जिसमें दूसरी साइड पे वहाँ पे होल्स होते हैं। तो
बेसिकली इसमें यही है कि क्या बोलते हैं, XLR आप लगाओगे अपने स्पीकर के अंदर और TRS पोर्ट डालोगे आप अपने इंटरफेस के आउटपुट और में। ये बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड कैसे पता लगेगा आपको, कितने कितने वो डॉट्स दिख रहे हैं इसके अंदर या फिर इसमें कितनी वो दिख रही है। हमारे पास एक और केबल पड़ी थी जिसमें बैलेंस नहीं है, जो एक अनबैलेंस्ड है, वो गंदा एग्जाम्पल है, मतलब वो हमने गलती से ले ली थी, तो ऐसी गलती आप मत करना क्योंकि उसके अंदर ये दो नहीं है, उसके अंदर एक है। तो अगर आप बोलते हो ना कि मेरे नॉइज आ रही है और ये क्यों हो रहा है मेरे इंटरफेस में, इंटरफेस से मेरे स्पीकर्स में नॉइज आ रही है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ, पहली चीज आपकी केबल अच्छी नहीं है, वो आपकी अनबैलेंस्ड केबल है। तो यहाँ पे किसी का डाउट है, किसी के साथ ऐसा हुआ है किसी ने अनबैलेंस केबल ले ली उसको पता ना हो? नहीं, तक मॉनिटर पे स्विच नहीं किया। ये वाली भाई मेरे साथ हुआ था, नॉट दैट केबल बट एक सेकंड। और ये देखो, ये वाली देखो, ये है XLR फीमेल, XLR फीमेल टू TS है ये, TS इसके अंदर देख रहे हो, इसके और इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर डिफरेंस ये है कि एक में एक पे एक रिंग है और इसमें दो रिंग है, दो रिंग। अब कोई पूछ रहा है कि TS कहाँ यूज होती है, तो TS जो केबल है इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट केबल। हाँ, जैसे कार्तिक ने बोला वो इंस्ट्रूमेंट केबल, और वो मोस्टली इंस्ट्रूमेंट में ही कनेक्ट होती है, गिटार के साथ, गिटार के अंदर। हाँ, तो बस ये चीज आप याद रखना, आप इंस्ट्रूमेंट केबल कभी लो तो कोशिश करना कम से कम लेंथ में छोटी हो, क्योंकि जितनी लंबी होगी उतनी ज्यादा वो ट्रैवल करेगी आपके मॉनिटर्स, आपके स्पीकर्स के आसपास पड़ी रहेगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैप्चर करेगी, ये भी ट्राई करना, उतना नॉइस। आसपास कोई आपकी लैपटॉप चार्ज केबल या फिर कोई और भी कोई भी केबल ना, ठीक है, वेयर टू यूज TS। हाँ, तो यू कैन यूज TS इन योर, TRS क्यों नहीं यूज करते उसमें भाई? TRS यूज क्यों नहीं करते उसके अंदर, उसके ना उसको क्या बोलते हैं, ज्यादातर अभी तक वो जितने भी गिटार आप इलेक्ट्रिक गिटार देखोगे और ये सब देखोगे उसमें आप TRS यूज कर सकते हो, मैंने तो करी है, चल जाती है, बट उसमें मोस्टली उसमें खुद ही लिखा होता है कि यूज अनबैलेंस सिग्नल। क्यों नहीं करते उसमें, मैंने खुद में बोल रहा हूँ, मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं करी, बट मोस्टली अनबैलेंस मुझे पता लगती वो है, जितना मुझे पता है उसमें ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जब गिटार होता है उसमें मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज और ऐसा कुछ सीन होता है कि क्या बोलते हैं, मैं खुद श्योर नहीं हूँ इस चीज के बारे में, इसलिए मैं जानबूझ के बताना नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ये चीज, बट मोस्टली जो मैंने देखा है ये यही होता है कि जो गिटार और इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे TS पे काम करते हैं, बट मैं आई विल गेट बैक टू दिस कि मैं खुद रिसर्च करूंगा इस पे एक बार सही। और गिटार से अगर आप चाहते हो कि एक बैलेंस सिग्नल निकले तो उसके लिए आता है DI बॉक्स, और अगर ये फंक्शन DI बॉक्स वाला कोई भी यहाँ इंजीनियर बैठे, ये DI बॉक्स का फंक्शन आप गिटार में घुसा दोगे तो आपका वो जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना गिटार से बैलेंस सिग्नल क्यों नहीं निकलता, ये DI बॉक्स का फंक्शनिंग पढ़ो, गिटार अगर आपका तो दोनों को कंबाइन कर दो तो उससे बैलेंस सिग्नल निकल जाएगा। बाकी इसके ऊपर वैसे तो ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना उसमें बहुत सारे मतलब अनइवन हार्मोनिक्स और इसका कुछ सीन होता है जिसकी वजह से उसके अंदर हार्मोनिक्स एक्स्ट्रा होते हैं और बहुत सारी केबल, मतलब उसके अंदर जैसे आप गिटार होता है, गिटार के अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स होती हैं और मल्टीपल स्ट्रिंग्स जब आप प्ले करते हो तो वो एक मतलब स्टेडी सिग्नल नहीं निकलता उसमें, हर एक अनइवन सिग्नल होता है, तो वो सिग्नल जब आता है तो वो हम एक बैलेंस केबल में नहीं ले सकते क्योंकि बैलेंस बेसिकली जाता है एल और आर में यूज होता है स्टीरियो ऑडियो एक मोनो सिग्नल भेजने में, बट गिटार में क्या होता है इतनी सारी स्ट्रिंग और इतना सारा वो सिग्नल आता है। बाकी वही है, मैं खुद इस चीज में इतना मैं डाउटफुल हूं अभी तो मैं बता नहीं सकता। जस्ट टू सेव योर टाइम मैंने जस्ट अभी गूगल आउट कर लिया ये चीज। हां बता सेज की इसलिए होती है बिकॉज जो टिप होती है और ग्राउंड होती है वो स्लीव ही होती है इसकी, दैट मींस की लाइक जो टी है वो उसका पॉजिटिव होता है और एस होता है उसका ग्राउंड होता है। जो क्या होता है जब एम्पलीफायर से हम कनेक्ट करते हैं तो काफी ईजी होता है लाइक सिग्नल, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ मतलब वही मैंने भी खुद रिसर्च थोड़ी सी करी, ट्रैवल तो मेरे को पता नहीं चला कि क्यों ऐसा होता है कि वो गिटार्स और ये सब TS पे क्यों काम करते हैं, बट अब जो भी है इस चीज को हम एक बार अलग से फिगर आउट करेंगे और ग्रुप में बात करेंगे इस चीज की। उसका बेसिकली एक पॉजिटिव सिग्नल होता है दूसरा ग्राउंड होता है, एक पॉजिटिव सिग्नल होता है दूसरा ग्राउंड होता है, जैसे हमने बात करी थी पॉजिटिव और ग्राउंड, और उसमें बैलेंस्ड में होता है पॉजिटिव नेगेटिव ग्राउंड। तो DI बॉक्स बेसिकली क्या करता है, DI बॉक्स लेता है अनबैलेंस सिग्नल, जैसे आपने मान लो यहाँ पे गिटार है, गिटार आपने एक मीटर की वायर ले ली, दो मीटर की ले ली स्टेज पे, छोटी वायर ली क्योंकि उसमें नॉइज ज्यादा आ सकती है, तो आपने वो वायर कनेक्ट करी और वो वायर आपने DI में कनेक्ट करी, DI क्या करेगा उसका एक और सिग्नल अपने आप बनाएगा और उसको आपका जो आउटपुट होगा वो XLR बना देगा, तो मतलब वो अनबैलेंस को बैलेंस करता है। इसकी वर्किंग भी बहुत लंबी है, इसका अगर वर्किंग की बात करेंगे पूरा सेशन चला जाएगा इसी। बाकी अगर किसी को वर्किंग समझनी है यहाँ पे देखो लिखी है, अगर किसी को इजीली समझ आती है तो बढ़िया है, नहीं आती तो हम ग्रुप पे बात कर लेंगे इसकी, या फिर इस पे एक वीडियो डेडिकेटेडली उस टाइम हम भी रिसर्च करेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं काम करते है, और फिर उसके ऊपर ये वाली हम बना सकते हैं वीडियो। बाकी आप ये पढ़ सकते हो कि DI बॉक्स कैसे काम कर सकता है और वो फेजिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, आप इससे पढ़ सकते हो, या फिर आप
जिस तरह आपका वो नॉइस कैंसिलेशन वाले सैमसंग के एक्सपेंसिव ईयरफोन्स आते हैं उसी प्रिंसिपल पे वो काम करता है, बस इतना ही बोलते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स भी इस पे काम करते हैं कि बैलेंस वाले इस पे, तो आप ये चीज पढ़ सकते हो। उसका डिजिटल केबल जो हमने बात करी थी वो ये सब होती है, जैसे आपने सुना होगा यूएसबी, अब आजकल थंडरबोल्ट आती है, थंडरबोल्ट जो नया जनरेशन है जो यूएडी के प्लगइन्स काम करते हैं, जिस पे यूएडी के इंटरफेस काम करते हैं, वो सारे थंडरबोल्ट 3 पे करते हैं। और 3 इज बेसिकली टाइप सी जो अब आता है, ये पहले टाइप बी केबल टाइप की होती थी अलग सी थोड़ी सी, अब टाइप सी में उन्होंने थंडरबोल्ट इंप्लीमेंट कर दिया, तो उसी के थ्रू ही हम कनेक्ट कर पाते हैं अपने फास्ट इंटरफेस। तो इसमें देखो मिडी केबल्स, जो पुराने वाले मिडी कीबोर्ड होते थे, ये क्या होगा, कुछ नहीं ये होते थे, इसके अंदर ऑप्टिकल केबल्स और बीएनसी केबल। आपने बीएनसी ना थोड़ी सी अगर किसी को याद हो कि हमारे पास पहले वो आते थे जो टीवी नेटवर्क वाले आते थे, अभी भी डिश, जिनके घर डिश टीवी टाटा स्काई लगा उनसे यही केबल डिश से कनेक्ट, और डिश से यही कनेक्ट होता है, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है पर ऐसी ही होती है, मतलब अगर रेजोनेट कर पा रहे हो उसके साथ कि वो डिजिटल सिग्नल भेज रहे होते हैं वो भी। फिर ये AES ABU ऑलमोस्ट वैसी ही दिख रही है XLR, बट ये डिजिटल केबल है। और फिर इसके देखो हमारी Cat5e जिसको हम ईथरनेट केबल टाइप की बोलते हैं, वैसे LAN वाली केबल। पावर केबल्स तो फिर उन्होंने अलग बताया हुआ कि पावर केबल्स होती हैं, और ये सब वो है कि मतलब स्नेक्स, मतलब जब स्टेजेस पे लगती हैं, बड़े बड़े स्टेजेस पे जब हम बहुत सारी केबल्स की सारे तार आप सोल्डरिंग, बाकी ये किसी को अगर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की दुकान खोलनी हो, अपनी बिजली का काम करना दिवाली पे, तो वो ये देख सकता है। ये वैसे आनी चाहिए क्योंकि मैं तो अपने साथ सोल्डर साथ में लेके ट्रैवल करता हूँ, कहीं XLR केबल टूट जाए तो वहीं सोल्डर मार दूंगा। हाँ किसी ने लिखा है, प्रिंस ने लिखा है कि आई गेस बैलेंस में जब फेज इन्वर्ट होता है तो उसमें समटाइम नॉइस के साथ दूसरी फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाती है, कुछ ना कुछ ये चीज होगा, तभी तभी हाँ यही ऑलमोस्ट यही है, यही चीज है। तो मतलब ये पढ़ सकते हो आप लोग, इसका एक बारी में चार्ट में हम डाल देते हैं यहाँ पे, जूम की चार्ट में लिंक डाल देते हैं, जूम की चार्ट में इसका लिंक पड़ा है, आप लोग जिसको भी सेव करना बुकमार्क कर लेना, काफी अच्छी वेबसाइट है। किसी का डाउट है इसमें, वरना फिर हम थोड़ा बहुत डॉ पढ़ते हैं। क्योंकि हमने काफी फास्ट कराई ये चीज, और हमने काफी हम इसको इतना एक्सपैंड करना नहीं चाहते थे, हम चाहते तो और थोड़े डाउट्स क्लियर कर सकते थे इस चीज पे, बट फिर ये पूरा सेशन आज का केबल्स पे हो जाता। बढ़े फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते चलो फिर आगे। हाँ भाई ओके, तो ये वाली वेबसाइट का भी हम लिंक डाल देते हैं, इसके साथ भी प्ले कर लेना, मतलब जितना भी वैसे बढ़िया है, इसके अंदर आप म्यूजिक थ्योरी और ये सारी चीजें भी देख सकते हो। ओके सो बेसिकली यहाँ पे किस किस को पता है टेम्पो क्या होती है, ग्रिड क्या होती है, और बार्स एंड बीट्स ये सब क्या होता है, टेम्पो बार्स बीट्स पता है। कोई ऐसा ही यहाँ पे जिसको बिल्कुल ही नहीं पता हो यहाँ पे, जो मतलब कोई भी बिल्कुल जस्ट म्यूजिक स्टार्ट कर रहा है जिसको ये नहीं पता टेम्पो क्या होती है, ग्रिड क्या होती है, तो हम इस चीज पे पहले इस पे देखते हैं बेसिक की डॉ से पहले की डॉ है क्या, मतलब कोई बता सकते डॉ क्या होता है, डॉ की फुल फॉर्म क्या डिजिटल, ठीक है, और उसका यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब किस क्या, मतलब बेसिकली हम डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन से कर क्या रहे होते हैं, और मोस्टली कुछ नए साउंड क्रिएट कर रहे होते हैं और साउंड्स को जॉइन करने का काम होता है वहाँ पे, अरेंजमेंट, हाँ अरेंजमेंट का काम होता है, बोल रहा हूँ अरेंज ऑडियो अरेंज कर रहे हैं, और अभी तो काफी सारे मतलब अभी तो हर कोई सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले भी नहीं कर सकता, तो उसमें सभी के प्रीसेट्स होते हैं जिससे हम बस डिजाइन कर सकते हैं नए साउंड्स। मिडी कीबोर्ड की हेल्प से काफी, मिडी कीबोर्ड की हेल्प से कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं डॉ की हेल्प से, एक तो भी और बताओ प्रिंस ने कहा है मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग, मल्टी ट्रैक हो गया, चलो मल्टी ट्रैक सारे ऑडियो रिलेटेड ऑपरेशन आई कुड से। अच्छा तो अभी इसमें आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, जैसे पहले क्या होता था जब टेप्स होती थी, तो टेप्स तो हमने अगर कट कर दिया उसमें, किसी ने सुना होगा नॉन लीनियर और लीनियर एडिटिंग, कि अगर आपने कोई चीज कर दी तो आप अंडू नहीं कर सकते थे पहले, कि मतलब अगर आपने कोई टेप रिकॉर्डर होता था, टेप रिकॉर्डर में आपने कुछ भी गलत रिकॉर्ड कर दिया तो लोग उसको काटते थे, फिर वहां पे टेप लगाते थे और फिर अगला नेक्स्ट बढ़ते थे उस पर आगे, तो क्या होता था वहां पे हमेशा एरर रह जाता था, थोड़ा सा एक मतलब ब्लिप
क्लिक साउंड रह जाती थी तो पर वो चीजें इसमें नहीं होती, इसमें हम ऑलमोस्ट आराम से एडिटिंग वर्क करते हुए अब इतना ईज आउट है कंट्रोल जेड दबाते हो प्लस हम मैं एक कंट्री में बैठा हूँ मेरा फ्रेंड दूसरी कंट्री में बैठा है और हम अपने साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं कितनी इजी है मैं घर बैठे बैठे तो इसमें आपको सबसे पहले जो डिजिटल ऑडियो हम समझ रहे थे वो हम यही कह रहे थे कि डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन के अंदर कोई भी ऐसा काम होता है कि जो ऑडियो फाइल्स है हम उसको इफेक्ट कर रहे हैं हम उसको एडिट कर रहे हैं हम उसको अरेंज कर रहे हैं ये तीन चीजें होती है उसमें बेसिक अगर बिल्कुल इसमें समझे कि अगर जैसे हरप्रीत है अगर हम सबको हरप्रीत को समझाना है कि ये एक डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन क्या है तो उसके अंदर हमने अभी तक बात करी थी कि एनालॉग सिग्नल आया वो आया और वो कन्वर्ट हुआ इतनी सारी चीजें हमने सीख ली उसके अंदर बट अब हो क्या रहा है कंप्यूटर के अंदर वो एनालॉग सिग्नल जाके हमें ऐसे वेव फॉर्म शेप में दिख रहा है उस वेव फॉर्म को हम एडिट कर रहे हैं मतलब बीच में कट्स डाल रहे हैं उसके अंदर उसको हम एडिट कर रहे हैं उसको हम और आगे उसके अंदर और चीजें डाल रहे हैं डुप्लीकेट कर रहे हैं उसको और उसको हम क्या कर रहे हैं इफेक्ट कर रहे हैं तो आपने सुना होगा हरप्रीत की ईक्यू होता है रिवर्ब होता है ऐसे कुछ इफेक्ट्स होते हैं प्लेंजिंग कोरेसिंग और सब तो हम वो इफेक्ट कर रहे होते हैं उनको तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं ऑडियो को लिया उसको कट करा एडिट करा डुप्लीकेट करा कुछ भी उसमें एडिशनल चीजें डाली उसको हमने इफेक्ट करा और हमने ऑडियो इफेक्ट से उसको इफेक्ट कर रहे हैं अब अच्छे वे में कर रहे हैं बुरे वे में वो दैट इज मिक्सिंग का पार्ट कि हम उसको गलत वे में कर दिया हमने ईक्यू तो हमें ईक्यू के बेसिक्स नहीं पता था हमें ईक्यू गलत तरीके से यूज करके उसे खराब कर रहे हैं तो बेसिक नटशेल में यही है कि ऑडियो को इफेक्ट करना मतलब ऑडियो वर्क स्टेशन ऑडियो का वर्कप्लेस है वो जहाँ पे हम ऑडियो को खेलते हैं ऑडियो के साथ एक जस्ट बेसिक सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम उसके साथ काफी कुछ कर सकते हैं ऑडियो के साथ काफी कुछ एंडलेस है तो कल हम जब म्यूजिक थ्योरी पढ़ेंगे तो भी हम आगे मतलब काफी नोट्स और फ्रीक्वेंसी जो हमने कल थोड़ी सी बात करी थी फ्रीक्वेंसी नोट्स वो वहां पे समझेंगे लेकिन अभी जो हमें बेसिक एक डॉग कोई भी काम करता है सबने आपने भी अर्पित ये सुना होगा बीपीएम सुना होगा वर्ड हाँ जी तो बीपीएम सबको पता है कि बीपीएम क्या होता है बीट्स पर मिनट या फिर आपका जो हार्ट होता है वो भी उस पर काम करता है बीट्स पर मिनट पे कि एक आपकी सबकी अलग अलग लेवल पे कर रहा हो किसी का ज्यादा स्पीड पे कर रहा है किसी का कम स्पीड पे कर रहा है तो ये सामने सबने सुना है कि 72 होता है कि एक एवरेज जो होता है कि सबका 70-80 के बीच में और जो मतलब क्या बोलते हैं जितने भी प्लेयर्स होते हैं या एथलीट्स होते हैं उनका थोड़ा और कम होता है क्योंकि वो इतना ज्यादा मतलब खेलते कूदते रहते हैं कि उनकी मतलब हार्ट की जो पंप की स्पीड होती है कम होती जाती है मतलब अगर कम है तो ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है मतलब वो हार्ट के वे में उसमें अगर ज्यादा तेज है तो भी गड़बड़ है तो ऐसी गाने में भी है कि आप उसको कम ज्यादा अपनी स्पीड को कर सकते हो बट वहाँ गड़बड़ नहीं है वो एक म्यूजिक का स्टाइल है हाँ वहाँ पे गड़बड़ वाला सीन नहीं है वहाँ पे बेसिकली आपका अब देखो अब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे ऑक्सीमीटर लगा रहे तो बेसिकली आपको ये समझना है कि बीपीएम सबसे पहले आपके ट्रैक के अंदर एक बीपीएम करके होगा या टेम्पो करके होगा तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना टेम्पो एंड बीपीएम इज सेम थिंग मतलब एक सेकंड के अंदर कितनी बीट्स बन रही है हम उसकी बात कर रहे हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि उस गाने की स्पीड क्या है टेम्पो हाँ तो बीपीएम इज जैसे हम कल बात करते हैं एम्पलीट्यूड जो होता है लाउडनेस होता है बीपीएम इज टेम्पो एंड उसके बाद इसकी स्पीड वो टेम्पो मतलब स्पीड गाना कितना तेज तो लो बीपीएम या लो टेम्पो इक्वल्स टू लो स्पीड और जितना ज्यादा हम ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा उसकी टेम्पो हाई हो जाएगी लो बीपीएम लो स्पीड जैसे आपके माइंड में अगर आपको कोई सॉफ्ट सॉन्ग बनाना है तो ऐसा नहीं है कि आप फास्ट बीपीएम में नहीं बना सकते बट सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि बीपीएम क्या सेट करना है वो एक हम एक म्यूजिक को एक वो देता है एक स्टाइल देता है कि काफी सॉफ्ट रखना है एनर्जेटिक बनाना है तो क्या हम 150-140 बीपीएम यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले बीपीएम का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप गाना बना रहे हो कि आप क्या बनाना चाहते हो कैन यू एक्सप्लेन हाउ द डीबीएफएस स्केल रिफ्लेक्ट्स ऑन एनालॉग सिग्नल प्लीज तो डीबीएफएस जो है वो फुल स्केल जो है वो डिजिटल में ही काम करता है वो एनालॉग में करता ही नहीं है एनालॉग में वीयू मीटर्स होते हैं हेलो see in view meter what is happening inside your DAW so view there's view meter so view meter work on a different principle so we have to tell you who the whole thing out vs meter and view meter works so we'll do that in next session or maybe on WhatsApp group or something okay so abhi hum kahan pe the tempo tempo mein kya difference hota hai sir
BPM और tempo में हाँ क्या difference होता है मतलब it's the same thing मतलब same चीज है और दर्शन आप बता देना कुछ भी if you are not understanding just tell us हम वहाँ पे उसको same चीज को वापस से repeat कर लेंगे actually I can understand a little bit Hindi but it'll be easier if you understand okay okay बस मतलब most of the thing is like most of the people here are like speaking Hindi so we'll just speak both of the languages कि वाला थोड़ा बहुत आपको will tell in Hindi and also will speak the same thing in English also so basically अब getting started to music इधर हम सबसे पहले अभी हम BPM tempo से पहले ये देखते हैं कि there are drums bass chord melodies ये आप सबने सुना होगा कि drums होते हैं bass होती है and there is chord there is melody right single track is made up of ये single element drums bass chord melody अब तक आप गाना सुनते थे तो in song there are different elements कि उसमें ड्रम्स भी होते हैं उसके अंदर बेस भी होती है उसके अंदर कॉर्ड भी होती है तो हमें एक ऑडियो फाइल जब देखते हो एक सिंगल सिग्नल में होती है बट इन दैट देयर आर मल्टीपल ट्रैक्स ड्रम वोकल्स मेलोडीज और ये सब तो इन दिस वेबसाइट यू कैन प्ले विद दैट कि मतलब अगर हम ये प्ले कर रहे हैं ड्रम्स तब को साउंड आ रही है ओके सो ड्रम आ रही है So basically what is happening is कि पहले हमने इसमें एक ड्रम डाला so this is a drum beat maybe we don't like this bass so हमने कोई और चीज चली तो बेसिकली हमने एक ट्रैक बनाया है अभी जस्ट एक सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट से ड्रम्स बेस कॉर्ड्स एंड मेलोडीज तो ये समझ में आया कि सिंगल ट्रैक इज मेड अप ऑफ मल्टीपल ट्रैक्स जिसको भी कैटेगराइज कर रखा है इन ड्रम्स बेस कॉर्ड्स एंड मेलोडीज में सो इतना सा ये कि एक सिंगल ट्रैक मल्टीपल ट्रैक से बनता है जिसमें उसको हम सेग्रीगेट करते हैं ड्रम्स में कैटेगराइज करते हैं फिर एक कैटेगराइज करते हैं बेस में फिर एक कैटेगराइज करते हैं कॉर्ड्स में और एक कैटेगराइज करते हैं मेलोडीज में अब उसको भी आप और सब कैटेगराइज कर सकते हो लाइक इन ड्रम्स वी हैव किक स्नेयर हाई हैट्स ब्ला 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 इन बेस वी हैव 808 एंड सब बेस इन कॉर्ड्स वी कैन सी वी हैव गिटार एंड पियानो और इन मेलोडीज वी कैन से कि कोई एनएक्सएस की मेलोडी या कोई कोई मे बी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंट स्केल में मेलोडीज बनी है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स से बनी है तो बेसिकली व्हाट वी आर टेलिंग इज कि अगर आप ड्रम्स में हो तो आप ड्रम्स को आप जाके नेट पे लिख सकते हो हाउ टू मेक ड्रम्स तो व्हाट यू विल लर्न इज कि यू विल लर्न ड्रम को कैसे हम बनाते हैं ड्रम कैसे प्रोग्राम करते हैं जिसको हम कहते हैं ड्रम प्रोग्रामिंग तो अगर आपको ये चीज समझ आ रही है कि गाने जो होते हैं इट इज मेड विद मल्टीपल ट्रैक्स तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आप यूट्यूब पे जाओ तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग हाउ टू मेक सॉन्ग अब आप सर्च कर सकते हो हाउ टू प्रोसेस ड्रम्स या फिर हाउ टू मेक ड्रम्स तो लर्न योर ड्रम्स कि आप थोड़े बहुत मतलब आज आप एक कोशिश करना कि जितने भी नए लोग हैं एक डॉ डाउनलोड करो उसके अंदर ड्रम की 5 बीट्स बनाओ मतलब बस किक स्नेयर हाई हैट ये 3 चीजें लगा के किक क्लैप स्नेयर कुछ भी अपने ड्रम्स के 5 ड्रम्स बनाओ उसके बाद किसी को थोड़ी सी भी म्यूजिक थ्योरी आती है तो वो बेस इंस्ट्रूमेंट्स तो आपको पता होगा कि प्लगइन्स होते हैं कुछ जिनके अंदर बेस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक बेस गिटार होता है अगर आपके पास बेस गिटार आपको प्ले करना आता है बेस गिटार डायरेक्ट प्ले कर सकते हो बट अगर आपको वो नहीं आता तो यू कैन मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके डॉ के अंदर होगा यू कैन जस्ट पुट की बेस प्लगइन्स अभी हम दिखाएंगे भी एबल्टन में कैसे होता है कहाँ पे होता है तो आप वहाँ पे बेस इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब यूज कर सकते हो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉर्ड्स कैसे बन सकती हैं तो यू कैन जस्ट सर्च फॉर एनी ट्यूटोरियल्स कि हाउ टू मेक कॉर्ड्स देन यू कैन सर्च हाउ टू मेक मेलोडीज तो उसको लाइक इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि हाउ टू मेक म्यूजिक जस्ट मतलब उसको भी ब्रेक डाउन कर दो इसमें इस पार्ट के अंदर हमें कि पहले ड्रम्स बनाने हैं फिर बेस बनानी है कॉर्ड्स बनानी मेलोडीज बनानी है तो जब आपको ये 4 चीजें समझ आ जाएंगी तो यू आर ऑलमोस्ट डन विद लाइक 50% ऑफ द जॉब की मतलब आपको एक आपको ट्रैक बनने लग गया उसके बाद आपको अरेंजमेंट सीखनी है उसके बाद आपको एफएक्सेस सीखने कैसे काम करते हैं और 80-90% काम हो जाएगा उसके बाद साउंड डिजाइनिंग ये सब चीजें अलग है हर एक प्रोड्यूसर जो होता है वो कोई ना कोई इसी चीज में से सिंगल एलिमेंट से स्टार्ट करता है लाइक सम टाइम आई स्टार्ट फ्रॉम ड्रम्स में ड्रम्स से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले ड्रम प्रोग्रामिंग करता हूँ देन आड आया बेस सम टाइम आई स्टार्ट फ्रॉम कॉर्ड्स की कॉर्ड्स बना ली फर्स्ट पियानो में देन उस पर सिंथ डाल दिया तो आप किसी भी सिंगल चीज से ना स्टार्ट कर सकते हो जिससे आप इंस्पायर हो कि मैंने आपको ये नहीं बनना यू हैव टू मेक अ होल सॉन्ग आपको जस्ट एक सिंगल हमको अपनी आवाज आ रही है ना किसी का माइक ऑन है आपको आपको ये नहीं करना कि आपको पूरा गाना बनाना है आप अगर मोटिवेटेड नहीं हो आप सिर्फ ड्रम्स बनाओ
आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड्स बनाओ, उसी से आपको वो इंस्पायर करेगा, यार ये ग्रुप काफी सही लग रहा है, मैंने काफी सही ड्रम बनाया, अब मैं इसके लिए इससे कनेक्टेड बेस बनाता हूँ। तो आपको पूरा सॉन्ग नहीं बनाना होता, सिंगल एलिमेंट से शुरू कर सकते हो आप, तो आपको काफी वो इंस्पायर भी करेगा और इसी तरीके से आप गाने को बना भी पाओगे। इसमें कोई भी सिंगल वे नहीं है कि आप किस में से जा सकते हो, ये सबका अपने ऊपर है। लाइक समटाइम मैं ड्रम से, आप अपना माइक एक मिनट वो कर लो म्यूट, ड्रम आपसे हमें वापस से अपनी आवाज आ रही है? नहीं नहीं उनसे नहीं आ रही शायद। तो आप किसी भी वे से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपको अगर पसंद है कि आपको कॉर्ड्स बहुत पसंद है, तो आप कॉर्ड्स सबसे पहले कॉर्ड्स बना सकते हो, देन उसमें ड्रम्स ऐड कर सकते हो। मेरे को पर्सनली 808 बेसिस बहुत पसंद है, तो सबसे पहले मैं बेस से शुरू करता हूँ, फिर ड्रम्स पे जाता हूँ, या फिर ड्रम्स पे शुरू करता हूँ, कॉर्ड्स पे ड्रम्स से शुरू करता हूँ, देन बेस पे जाता हूँ, एंड देन कॉर्ड्स पे आता हूँ। कोई सिंगल वे नहीं, मल्टीपल वेज है, और आप हर ट्रैक जो बनता है ना वो कभी कभार कुछ अलग चीज से बनता है। जैसे कभी कार्तिक प्रोग्राम कर रहा है ड्रम्स, में दूसरे रूम में बैठा, उन्होंने बोला ये क्या ड्रम बनाया, सही है इसमें मेरे दिमाग में 808 आ रही है, फिर हमने आके 808 डाली और क्या सही लग रहा है, फिर उसने लीड डाली, कोई ऐसे कुछ भी एक ट्रैक बन गया, छोटा सा स्मॉल स्निपेट सी बन गई ट्रैक की। तो कोई सिंगल वे नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल वेज है एक ट्रैक को बनाने के। अच्छा ये बात हमारी क्लियर हो पा रही है? कई बार मुझे लग रहा है थोड़े बहुत लोगों को लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं मुझे समझ में आ रही है। और सबसे पहले तो हमने ये बताया आपको कि ड्रम्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स क्या होती है, मेलेडीज क्या होती है, फिर हमने बताया कि एक ट्रैक ये सारी मल्टीपल चीजों से मिलके बनता है। गाना कैसे भी बन सकता है, आप पहले बीट से स्टार्ट कर सकते हो, ड्रम से, आप कॉर्ड से स्टार्ट कर सकते हो, आप मेलेडी से स्टार्ट कर सकते हो, कॉर्ड से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको बेसिकली इनके साथ प्ले करना है, आप जहाँ से भी इंस्पायर्ड होना शुरू करते हो उधर से आप स्टार्ट कर सकते हो। हरप्रीत समझ आ रहा आपको? या एयरटेल में I actually encountered this yesterday, like when you load up a drum on a single track enable 10 and route it to another track nearby it, without like routing it to the master track directly. Okay, like on the first track the drum level reaches minus six dB, but I have no effects on the second track. I just routed the audio output to the second track and it reached near to zero, and when I routed it to the next track again it crossed zero. And the same time, I didn't have any effects on any tracks. How did this happen? Like I can't figure it out. Okay, so basically what is happening is, if you know a little bit of concept of phase, so let's say this is your sine wave. So if you make a, aapne like when you have, in school you have heard ki mirror image, if there is two mirror images, like almost same, so it will be like, you can see, like, achha, main kya bol raha hun, kuch bhi bola ja raha. So in sine wave, basically if you have two sine waves, let's say there are two sine waves, and they both are in same, like almost same, like mirror image. Phase, so what will happen is this will become like double. It's like, so when I load up to the second track, one, like the drum beat doubles. So basically what you're doing is you're taking one signal, you're making exact replication into the another audio track, then another track. No, I don't do that. You are routing it, right? Yeah, I just routed it to the next track. That means the same audio will play on the next track. No, but what Ableton does is it keeps the same signal. It keeps the same signal. It gives it to master. Then it send the another signal copy to this track. Then it send the another copy to this track. And then this track is going to master. This track is going to master. Same thing happen in send also. Like if you make an audio track, you send it to a send track. So basically you're sending one track to a master, and then you're sending another copy to this track, to the send. And the send is going to master. The master again. And the volume. So basically what is happening is you have like two sine waves. And then if there are two sine waves, the next signal, the whole thing will come out like to be double. So the difference is like if you have a double signal, it will be 3 to 6 dB of a difference. Like if there are two same sine wave, so the output will be almost 3 to 5 dB. Like the increase will be 3 to 5 dB. This will even happen if I select the output only to the next signal without... In Ableton, there's an option to route the output to the next track without doing to the master, right? See, we have to check that out. Like, we'll just check that out. So, let's do it, like, after this session, like, after this is done. Yeah, okay. Okay. Just, like, just wait for, like, this, the whole thing. Like, we'll just explain the Ableton.
and then we'll cover like input and output section, and then we'll just talk about it. Yeah, okay. So यहाँ पे किसी को confusion हो रही थी इस चीज के बारे में, क्या बात कर रहे हैं drums कैसे बन रहे हैं, melodies क्या हैं, और फिर जब वो साथ में play होती है तो हमारा पूरा एक track बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ये आपको समझ में आया, काफी सही। अब ना एक बार ये हम ये एबलन की वेबसाइट से, अगर जैसे हरप्रीत भाई को काफी कुछ मतलब बेसिक ही पे ही है अभी वो, तो हम इससे जस्ट एक बेसिक से एक ड्रम पैटर्न प्ले करके देखते हैं। ये इतना स्टटर क्यों कर रहा है? नो सेट कर, बहुत सेक्स। अब मैंने क्या बताया था कि ड्रम्स भी डिफरेंट कैटेगराइज कर रखा होता, उसमें किक होती है, क्लैप होता है, मे बी स्नेयर होती है, मे बी ओपन हाई हैट होती है, क्लोज हाई हैट होती है। तो अब हम इसमें उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे वी हैव किक, और आप देख रहे होगी कि पूरा जो टाइम है, ये पूरा टाइम फोर बार्स में डिवाइडेड है। एक सेकेंड में ड्रॉ कर दू, ये जो फुल एक ये हमारे एक वन बार, ये भी चार स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइडेड है। तो बेसिकली जो लाइंस होती है ना, जो आपको लाइंस दिख रही है, ये लाइंस इनको ग्रिड्स भी बोलते हैं, ग्रिड्स। तो अगर हम ये कंसिडर करें, ये पूरा एक बार है, तो इसको भी फोर पार्ट्स में डिवाइड करा है, वन टू थ्री फोर। और अब हम इससे किक क्लैप क्लोज हाई हैट एंड ओपन हाई हैट डाल के हम इससे कोई एक लूप बना के देखते हैं। अच्छा, तो बेसिकली बार का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है कि वो बार का कॉन्सेप्ट उत्कर्ष क्या बता रहा है? तो वैसे जो बार्स होते हैं, एक बार जैसे उत्कर्ष ने यहाँ पे लिखा है, वैसे मतलब उसको मत समझो आप इसको समझो कि बार जो होता है वो डार्क लाइन होती है। हाँ, ये वाली डार्क लाइन होती है। तो बार आपको जनरली डार्क लाइन से, आपके हर डॉ में डार्क लाइन से वहां पे बनी हुई डार्क लाइन, उसके अंदर इस डार्क लाइन के अंदर ये फोर ग्रिड के अंदर डिवाइड हो रखा है। बार के अंदर ग्रिड्स होती है, लाइक उसको लोग जेल्स बोलते हैं, ग्रिड्स बोलते हैं इन लाइनों को। तो इसको हम एबलटन के अंदर भी चेंज भी कर सकते हैं, हम फोर से इसको एट भी बना सकते हैं, एट से इसको थ्री भी बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम इसके ग्रिड्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि थ्री बाय फोर पे गाना बना, या फोर ऑन द फ्लोर पे बना, फोर बाय फोर। तो मोस्टली ये टाइम सिग्नेचर होते हैं, ये टाइम सिग्नेचर होते हैं, और कि यहाँ पे वन टू थ्री फोर बार है, देन वो फिर से रिपीट होगा। बट अगर वो वन टू थ्री के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, देन वी कैन से कि ये पर्टिकुलर ट्रैक थ्री बाय फोर पे है। थोड़े से आप लोग कंफ्यूज हो रहे यहाँ पे, तो अभी हम बस इसको सिंपल रखते हैं कि जो डार्क वाली लाइन है, दिस इज बार, एंड इस बार के अंदर अभी फोर ग्रिड्स हैं। तो अभी हम बस यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि जब हम इंस्ट्रूमेंट कुछ भी किक्स डालते हैं, स्नेयर डालते हैं, कुछ भी डालते हैं हम यहाँ पे, तो हम जैसे फोर ऑन द फ्लोर होता है, तो फोर ऑन द फ्लोर क्या होता है कि हम पहले ग्रिड पे पहला, फिर दूसरे बार पे, फिर तीसरे बार पे, एंड देन फोर्थ बार पे, हम दोनों हम सब पे एक 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 किक लगाते हैं। और फिर हम इसकी टेम्पो क्या करता है, हर टेम्पो डिटरमाइन करेगी गाना कैसे साउंड करेगा। कि अगर टेम्पो आपने जनरली अगर हाउस म्यूजिक सुना होगा, तो वो ढप 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 फोर ऑन द फ्लोर म्यूजिक पे होता है। तो फोर ऑन द फ्लोर हाउस म्यूजिक हर एक जॉनर मोस्टली उन्होंने कैटेगराइज करा हुआ होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं रूल। बट लाइक 100 से लेके 110 से लेके 130 तक हाउस होता है, 140-160 फॉर डबस्टेप एंड ट्रैप। थोड़ा आप नीचे आओगे 80-200 या 70-200 वाला वो हिप हॉप होता है, एंड लाइक दैट बहुत सारे अलग अलग जॉनर हर एक उसमें काम करते हैं, मतलब कुछ एक टेम्पो के अंदर बट ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप क्रिएटिव होने के लिए कुछ भी कर सकते हो, मतलब म्यूजिक में मतलब रूल्स इतने फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट देयर आर स्पेसिफिक जॉनर्स जो इनके अंदर ज्यादातर काम करते हैं। तो अगर हम इसको 120 के करीब ले जाते हैं, एंड वी विल जस्ट लिसन कि कैसे साउंड कर रहा है। और हमने हर सेकंड पे जो भी किक प्ले हो रही है, उस पे वी हैव एडेड द क्लैप। तो एक वो काफी ग्रूव सा बन गया, मतलब एक पर्टिकुलर हम ड्रम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बेसिकली अभी हम, और ड्रम्स के अंदर हम सिंगल 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 चीज को यूज कर रहे हैं, और उसको वहां वहां पुट कर रहे हैं जहां पे वो ग्रिड पे सेंस बना रहे हैं। क्योंकि अभी हम ग्रिड के कहीं बाहर नहीं जा सकते, हम बोलते हैं ना कि तू ग्रिड से बाहर चला गया, बीपीएम से टेम्पो से बाहर चला गया। तो यहाँ पे ग्रिड्स हमें जस्ट एक हेल्प कर रही है हमारे एलिमेंट्स को ऑन द टाइम प्लेस करने के लिए, टाइम पे प्ले करने के लिए। अगर आप देखो, अगर हम इसकी स्पीड स्लो कर देंगे, तो ये इट विल साउंड डिफरेंट, इट वोंट साउंड लाइक हाउस।
और ऐसे हम स्पीड फास्ट कर देंगे टेम्पो की. और एक सेकंड, अब इसकी लेट्स सपोज बीपीएम में कर लेते हैं, बट थोड़ी ड्रम प्रोग्रामिंग चेंज कर लेते हैं. तो वही ड्रम्स थे, वही क्लैप है, वही हाई हैट है, बट अभी थोड़ा हिप हॉप, थोड़े हिप हॉप टाइप उसमें आ गया. तो इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप कोई भी टेम्पो में बना सकते हो और आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो. आपको ये यूज करना पड़ेगा, आपको तभी समझ में आएगा. हम जितना भी आपको बता देंगे कि यहाँ लगाओ, कि वहां लगाओ, कि यहाँ लगाओ, उतने ज्यादा आप रूल्स में आ जाओगे और आप एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दोगे. और स्टार्टिंग में आप जब तक बैठोगे नहीं डॉ पे, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तो वो चीज होगी नहीं. ये चीज अगर हम आपको बता देंगे किक फर्स्ट पे मत लगाओ, थर्ड पे लगाओ, फोर्थ पे लगाओ, तो आपके लिए वो हो जाएगा कि अब तो इन्होंने ये बताया, मैं यही करूंगा. इसलिए हम ऐसा सच कुछ बता नहीं रहे, बस हम ये बता रहे कि ड्रम के अंदर भी चार कैटेगरीज है जिसको हम एबल्टन की हेल्प से एक बिगनर समझ सकता है, क्योंकि जब वो इस एबल्टन की वेबसाइट से इजिली समझ सकता है. डॉ खोलते हैं तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, दैट्स व्हाई अभी हमने ये यूज करा. तो मतलब इजीली आप इसको बस इस तरीके समझो कि आपके पास बार है, आपके पास टेम्पो है, और आप बार्स के अंदर अगर थोड़ा सा भी चेंजेस करोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट रिदम्स बना सकते हो. दिस इज मतलब अलग अलग रिदम्स है कि फोर ऑन द फ्लोर, फिर हिप हॉप में ऐसे टाइप की होती है, तो आप बार्स के साथ प्ले करो, आप उन रिदम्स के साथ प्ले करो, आप ग्रिड्स के अंदर प्ले करो. ये प्ले कर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने सेम साउंड, अगर हम यहाँ पे जो ये साउंड बनी है इसको रेप्लीकेट करते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे बनाई है, इसका एक बेसिक हम यहाँ पे रेप्लीकेट कर लेते हैं. एंड इन्होंने स्नेल क्लैप लगाई है और फिर पूरे पे इन्होंने हाई हैट लगा दी. अब हम हर बार 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 सैंपल सैंपल सिलेक्शन रोते रहते हैं, सैंपल सिलेक्शन देख लो, सैंपल सिलेक्शन कर लो. अब वो हल्का बहुत वो चीज टॉपिक अब ये देख रहे हैं कि सेम पैटर्न है बट सैंपल्स अलग है. सेम है, दोनों में किक यूज हो रही है बट सैंपल्स अलग है. तो आप लोगों ने सबने सुना होगा जैसे अभी उत्कर्ष बताया सैंपल सिलेक्शन, तो आपको बताओ कि एक अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है, लाइक आपके ड्रम्स होते हैं, जो रियल वाले ड्रम्स होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट साउंड करते हैं. वहीं पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनते हैं, हिप हॉप म्यूजिक सुनते हैं, कई बार वो डिफरेंट साउंड कर रहा होता है, उसकी किक अलग होती है, स्नेयर होती है, वो सेम उसकी तरह नहीं होती जैसे रियल वर्ल्ड में एक ड्रम करता है साउंड. तो अगर हम ये सेम रिदम सेम टेम्पो, देखो दोनों की टेम्पो 85 है, एंड विल प्ले इट, तो इसमें थोड़ी सी अलग साउंड कर रही है. एंड एट द सेम टाइम व्हेन वी प्ले दिस, तो आप डिफरेंस देख रहे हो, मतलब किक स्नेयर उन सब में क्या डिफरेंस है. मतलब वो सेम होके भी किक थोड़ा अलग साउंड कर रहा है, उसमें एक अलग टेक्सचर, अलग टिम्बर, उसके अलग साउंड है. और जो मैं नीचे वाले जैसे ड्रम पैटर्न सुन रहा हूँ ना, तो नीचे वाले सुनते मेरे माइंड में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि इसमें मैं गिटार डालूं, और मैं ऊपर वाला ड्रम पैटर्न सुन रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली वो यूज हो रखी थी किक, तो उसमें मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं उससे हिप हॉप बनाता हूँ. तो ये कहीं ना कहीं आपको ना हेल्प भी करती है कि आप जो सैंपल यूज करते हो कि उसका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आप क्या डालोगे, वो आपको उससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप उसको एक अकूस्टिक सॉन्ग लेके जाना चाहते हो, मे बी पॉप या फिर कोई भी जो अकूस्टिक कोई भी रॉक मेटल टाइप, या फिर आप एक हिप हॉप लेके जाना चाहते हो उसको, तो उसके सैंपल से काफी फर्क पड़ता है कि आप उसको किस तरह बनाना चाहते हो और आपका सॉन्ग की टोनालिटी क्या. और एक गाने में दूसरे गाने में एक ये बहुत बड़ा फर्क होता है कि वो सैंपल्स अलग यूज करते हैं हर कोई, इतने लाखों सैंपल्स हैं, उसमें से कोई प्रोड्यूसर कोई अलग उठाता है, कोई प्रोड्यूसर कोई अलग उठाता है, क्योंकि ग्रिड तो सब पे वही है, किक तो सब पे वही है, प्लेसिंग तो सब पे वही है, कहीं थोड़े बहुत अलग करते हैं, बहुत गानों में डिफरेंट होती है, बट एक जो दूसरी चीज अलग बनाती है वो है सैंपल. अच्छा आप एक चीज पूछनी थी कि क्या हम लॉस तो नहीं कर गए आप लोगों को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ अभी बोल नहीं रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग अभी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं. नहीं सब कितने लोग के लिए नया है और हम सब शांति से सुन रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ये वर्कशॉप है, लाइक इट्स नॉट लाइक अ ट्यूटोरियल कि हम लोग एकदम प्रैक्टिस करके आए कि हमें ये चीज बोलनी है, ये चीज बोलनी है. तो इट इज लाइक कि आप लोग हमें जो जितना इनपुट दोगे उस हिसाब से हम चीजें बता पाएंगे. आप हर कोई ना अपना माइक अनम्यूट करके बता दिया करो कि वो ये तो हम कि आप समझ में आ गए, तो हमें लगता है हम बोले जा रहे हैं, हम कई बार कुछ बोलते हैं और हमें इनपुट नहीं मिल रहा, तो हम भी लॉस्ट हो जाते हैं क्या बता रहे हैं क्या. हाँ कि हमें तो कोई
मेरा माइक और वीडियो इसलिए बंद है जस्ट बिकॉज़ मेरा स्टटर करती है वीडियो लाइक जो स्क्रीन शेयर कोई नहीं म्यूट और वो रखो बट जब भी कोई डाउट आए या फिर लगे कि हम लोग लॉस्ट हो गए हम कुछ भी बोले जा रहे हैं हमें वहीं पे रोक के बोल दो कि ये चीज आप गलत बोल रहे हो या फिर ये चीज आप हमें समझ नहीं आई आप बताओ फिर से एक बार क्या बोल रहे हो क्योंकि आप कोई बोलता नहीं था ऐसे लगने लग जाते कि कोई सुन ही नहीं रहा है कोई सुन ही नहीं रहा है नहीं नहीं सब सुन रहे हैं मैं भी तुम्हें सुन ही रहा हूँ बस इतना है कि आप बताने लगे तो फिर बीच में लिंक नहीं तोड़ना चाहते यहाँ एक बार कंप्लीट हो जाएगा पूरा सेक्शन फिर क्वेश्चन करेंगे ठीक है क्योंकि अभी लोगों के क्वेश्चन भी हैं तो लाइक अभी दर्शन का भी एक क्वेश्चन है तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चन देते जाओ और हम बोले भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या हो रहा है उसमें से लेवल क्यों बढ़ रहे हैं तो सेम चीज अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक केक अभी हम सैंपल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हरप्रीत जैसे आप जब धीरे धीरे डालना शुरू करोगे आपने सुना होगा सैंपल पैक्स होते हैं कि आप ये सैंपल पैक डाल सकते हो ये चीजें डाल सकते हो तो सेम चीज होती है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट में एक अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट थोड़े थोड़े अलग साउंड करते हैं इवन बोथ ऑफ देम आर किक्स कि जैसे वन ये भी किक है और ये भी किक है वहां कोई गाने चला रहा है तो बेसिक डिफरेंस हम यही बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक केक और एक अकूस्टिक केक में डिफरेंस क्या होता है जिससे कि आपको पता हो कि हाँ एक अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट ऐसा साउंड करता है और एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ऐसा साउंड करता है सेकंड इज लाइक कि अकूस्टिक अकूस्टिक स्नेयर की तरह बट ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक हाउस वैसे म्यूजिक की तरह फिर इसमें देखो आप पढ़ भी सकते हो हाई हैट क्लोज हैट किसी को समझ नहीं आता क्लोज हैट क्या होती है आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो और अब हम ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं लेट्स सपोज हरप्रीत भाई चाहते हैं कि वो एक सॉफ्ट सॉन्ग बनाए तो और वो एक्स वाई जेड बंदे का एग्जांपल ले रहा है मेरे को गाना इस तरह बनाना है तो पहले वो गाने में सुनो कि किस टाइप की किक यूज हुई है अगर आप उस गाने में अगर अकूस्टिक किक यूज हुई है और आप इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हो तो आपका ये क्वेश्चन घूमता रहेगा यार मेरा ट्रैक यार वैसा नहीं साउंड कर रहा कि स्टार्टिंग में बंदा बोलता है कि कम से कम इस तरह तो साउंड करवा पाऊं मैं अपना गाना और मेरा सारा सॉन्ग साउंड ही नहीं कर रहा है वैसे तो उसमें बड़ा पंगा ये आ जाता है कि आप सैंपल जो यूज करो वो अलग है तो बिगिनर्स के साथ सबसे ज्यादा यही दिक्कत होती है कि वो जब अपना गाना बना रहे होते हैं उनको समझ नहीं आता कि अकूस्टिक किक यूज कर रहे हैं या फिर अगर अकूस्टिक भी नहीं हुए इलेक्ट्रॉनिक सैंपल्स यूज कर रहे हैं तो कौन से सैंपल्स किस गाने के किस हिसाब से यूज कर रहे हैं मतलब अगर आपने सुना हुआ डबस्टेप जॉनर होता है आप डबस्टेप की अगर किक या स्नेयर उसमें यूज करते हो हिप हॉप में तो ऐसा नहीं कोई रूल है कि आप नहीं यूज कर सकते बट कई बार क्या होता है 90% ऑफ टाइम वो कई बार जाती नहीं है अच्छी साउंड नहीं करती बट वहीं पर आप देखोगे ट्रेविस स्कॉट और ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं वो लोग कुछ भी ट्राई करते हैं और वो अच्छा भी साउंड करता है तो आप ट्राई जरूर करो बट आप ये देखो कि वो आपके गाने के साथ अच्छे से जेल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लोज हैट इलेक्ट्रॉनिक ओपन हैट ये सारी इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ पे अकूस्टिक है 3 और 4 इज अकूस्टिक एंड 1 and 2 इज इलेक्ट्रॉनिक तो यहाँ पे बस यही है कि मतलब आप देख रहे हो मतलब ये काफी मतलब अकूस्टिक वो है यहाँ तक किसी को हाँ बोलो बोलो अगर जो गाने की फील होती है उसके हिसाब से हमको ड्रम्स या फिर कोई भी सैंपल चूज करना पड़ेगा कोई भी सैंपल हाँ कोई भी सैंपल के हिसाब से जैसे अभी हम एक बहुत वो बहुत सही एग्जांपल से समझते भी हैं कि अभी हम तब से बड़बड़ कर जा रहे हैं क्या सीन है इसका कोई अकूस्टिक सॉफ्ट सॉन्ग बताइए जो कल कहीं पर अभी प्ले कर रहा कोई भी लगा दे स्टीवन विल्सन लगा दे स्टीवन विल्सन अकूस्टिक ट्रैक्स है इसके ये प्ले कर दे पहले एक बार एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी ओके अबे हमारा वो कर रहा है जहां उनकी नजर हो आप वही नजर आओ विद गूगल एड्स ये आपका एड इंटरेस्टेड खरीदारों को दिखाए ताकि बिजनेस की गाड़ी चलती जाए गूगल एड्स इंटरेस्टेड खरीद अब इसमें आप हाई हैट सुन रहे हो ध्यान से और स्नेयर सुन रहे हो कौन से प्ले हो रही है स्नेयर अकूस्टिक है सारा अकूस्टिक है हाँ और अभी यहाँ पे मैं कोई और ट्रैक प्ले करता हूँ लेट्स सपोज कोई कोई भी मतलब इसी इसमें रेल में अगर हम कोई वो लगा दे हाँ हम भी लगा दे देखो उसमें भी क्या है हिप हॉप टाइप का ही होगा धप धप
अब इसके अंदर जो किक और स्नेयर यूज हो रही है वो काफी अलग है, मतलब है वो किक ही बट उसकी इलेक्ट्रॉनिकली मेड है तो उसका एक टेक्सचर अलग आ जाता है, फील अलग है गाने की। इसकी आप स्नेयर सुनोगे ध्यान से, एक बार मैं बार बार प्ले करता हूँ। ऐसी आपको अकूस्टिक में नहीं मिलेगी। हाँ ऐसे अकूस्टिक में आपको बनेगी, काफी अकूस्टिक से प्रोसेस करके बनानी पड़ी है, प्रोसेसिंग का खेल है, ये प्रॉपर एक इलेक्ट्रॉनिक स्नेयर थी तो आपको समझ में आया फील के वो कहाँ गाना कितना स्मूथ लगा, सॉफ्ट लग रहा था या कितना एग्रेसिव गाना है। आपको अभी ये बताया कि और कि ये अकूस्टिक ऐसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक ऐसी होती है, उसमें भी हम इलेक्ट्रॉनिक में बोलते हैं कि लोफाई वाली टाइप की किक है या ट्रैप वाली किक है। अभी आपने दो जॉनर तो सुने ही होंगे, लोफाई और लोफाई ट्रैप। हाँ जी हाँ जी। तो बेसिकली आप गाना सुनो, और हर बंदा चाहता है स्टार्टिंग में जब बंदा प्रोड्यूसर बनता है ना उसके दिमाग में अभी ये नहीं होता कि वो क्रिएटिव हो जाए और सबसे अलग स्टैंड आउट करो, उसके दिमाग में होता है कम से कम मैं इस तरह बंदे इस बंदे जैसा गाना तो बना लूं सबसे पहला जो उसका अचीव करना होता है। और वो बंदा उस गाने को अचीव करने के लिए ना वो ये नहीं ध्यान दिलवाता कि उसका गाना जब वो सुन रहा है तो उसमें किक कौन सी यूज हुई है, अच्छा अच्छा ये तो बेस गिटार नहीं है तो 808 है, अच्छा 808 को भी इतना डिस्टॉर्ट करा हुआ है, ओ शिट तभी इतना हार्ड साउंड कर रहा है। और वहां पे हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मेरे को स्क्रिलिक्स जैसा ट्रैप बनाना था, एग्रेसिव एकदम बैंगर ट्रैक, और मैं वहां अकूस्टिक स्नेयर किक वो यूज कर रहा हूं, कर सकता हूं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं बट पहले एक बार चीजें समझ लूं कि मेरे को वो बनाने के लिए क्या चाहिए, उसके बाद तो यार दूसरों से स्टैंड आउट करने के लिए आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी कि जो बंदे नहीं कर रहे वो करूं। पहले हमारा बंदे का एम होता है कि इस तरह साउंड कर लूं, दूसरा फिर एम होता है कि सबसे अलग होना है मेरे को, तो बंदा फिर एक्सपेरिमेंट करने लग जाता, कुछ भी कर सकता है उस एक्सपेरिमेंट में। अकूस्टिक किसने डबस्टेप में डाल दिया, डबस्टेप किसने अकूस्टिक में डाल दिया, फिर अकूस्टिक किसने लोफाई में, मतलब एज अ बिगनर या फिर जहां पे जितने भी इंटरमीडिएट या कोई भी है सबको पता है कि जितने ज्यादा गाने सुनोगे, हम कल भी ये बात कर रहे थे, उतनी ज्यादा आपको सैंपल सिलेक्शन समझ आएगी। आप हर जॉनर सुनो, जैसे अभी स्टीवन विल्सन लगाया था, आप स्टीवन विल्सन के बहुत अच्छे गाने वो सुनो, आपका जो भी फेवरेट बैंड है लिंकिन पार्क कोई भी आप उनको भी सुनो, आप ईडीएम भी सुनो, आप हिप हॉप भी सुनो, हर एक जॉनर सुनो और आप ट्राई करो, उसमें आप समझो कि अच्छा उसमें अकूस्टिक किक क्या होती है, ये स्नेयर होती है। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा कि अकूस्टिक किक और इसमें फर्क क्या है तो आप जाके यूट्यूब पे लिखो ड्रम्स और बस देखो ड्रम लाइव शो, ऐसा कुछ भी लिख दो तो वहाँ पे ड्रम्स आपको रियल ड्रम्स जो होते हैं उनकी दिखेगी वीडियोस, तो आपको समझ आएगा अच्छा रियल ड्रम ऐसा होता है। फिर आप जाके लिखो हिप हॉप में हिप हॉप ड्रम प्रोग्रामिंग, तो आपको हिप हॉप के ड्रम्स दिखेंगे, अच्छा हिप हॉप में ऐसे साउंड कर रहे होते हैं। तो आप ऐसे ऐसे जाके इंस्ट्रूमेंट सुनो, लेकिन यहाँ बहुत लोग अगर वो असमें उन्होंने आज तक रियल में एक वो नहीं सुना होगा कि रियल में एक वॉयलिन कैसे काम करता है या एक चेलो कैसे साउंड करता है, तो वो जाके यूट्यूब पे सुन लो। अब हम सब लोग जाके वहां तो जा नहीं सकते, ऑर्केस्ट्रल किसी जाके ऑर्केस्ट्रल जगह पे जाके ऑर्केस्ट्रा सुन के आ रहे हैं तो सब पे हमारे पास इतनी लेवरेज नहीं है, तो हम जाके ये कर सकते हैं कि यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हाउ ऑर्केस्ट्रा लाइव, तो ऑर्केस्ट्रा सुनो कि कैसा साउंड जब आप ये चीज सुनोगे। जैसे अभी कार्तिक वॉल्यूम का एग्जांपल दे रहा है, तो जब आप उसको लेट्स सपोज आप डिजिटली प्रोग्राम कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट को, जब आपको पता ही नहीं है वो असली में कैसे प्ले होता है, उसमें असली में पिच बेंड्स कैसे होती है, जैसे वॉल्यूम किस तरह इस तरह प्ले होता है, तो आप उसको डिजिटली फिर क्रिएट करना भी मुश्किल हो जाता है, और जहां फिर वो कहीं ना कहीं अच्छा साउंड नहीं कर रहा होता, या फिर कोई बंदा बता देता है कि यार ये अलग है, तो उसको करवाने के लिए हम भी कई बार प्रैक्टिस करते हैं कि यार कई ट्रैक सुनते हैं। जैसे मैं एक बार वॉयलिन वाला कोई ट्रैक है मेरा, मैं वो बना रहा था, तो उससे पहले मैंने R&D करी कि वॉयलिन असली में प्ले कैसे होता है, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट करा यार अब मैं अपने ट्रैक में वॉयलिन डालता हूँ और उसको इस तरह प्रोग्राम करूँ कि ये रियल साउंड करे, बट वो कुछ और ही बन गया और वो अच्छा बन गया। तो यहाँ तक सबको कुछ भी कोई डाउट या कुछ भी है जहाँ पे आप पूछना चाहते हो कोई भी चीज? नहीं नहीं यहाँ तक बड़ी सुनता है। कोई कुछ बोल रहा है, कंफ्यूज है कोई? एक डाउट है मेरा। बोलो बोलो। हाँ बताओ। अभी है ना एक बीट बनाई है एंड अरेंजमेंट सब हो गया है, लेकिन वो है ना एक पावर आता है ना बीट में, वो आ रहा नहीं है, फील आ रहा नहीं है। आप पावर आप किस सेंस में, कोई जॉनर को आप नेम कर सकते हो जो आप जिसमें पावर चाहते हो? ड्रिल बनाया मैंने। ठीक है, आपने एक ड्रिल बीट बनाई है, बट आपकी ड्रिल बीट जो है वो आपकी एक रेफरेंस जो आप बाकी गाने सुन रहे हो वैसी पावरफुल नहीं आ रही।
तो उसमें सबसे बड़े मेन तीन चीज बस जो हो सकती है वो आपकी हो सकती है, एक तो सैंपल्स जो हम बोल रहे हैं सबसे पहले कि आपने सैंपल्स जो साउंड चूज करी है वो मे बी वैसी नहीं है जैसी उन ट्रैक्स में रेफरेंस ट्रैक में, इसलिए वो वहां पे इतना पंच नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर आप एक अच्छी केक जैसे आप एक हाउस वाली केक अगर दूसरे जॉनर में डालते हो तो वो ओवरऑल पंच चेंज हो जाता है गाने का, ओवरऑल साउंड चेंज हो जाती है। तो आप पहले देखो, अगर आपने देखो आपने R&D करी होगी तो आपने ड्रिल के सैंपल्स डाले होंगे और ड्रिल साउंड्स जैसे हाई हैट्स और ये सब यूज करा होगा, तो ऑलमोस्ट आपको साउंड वैसे ही कर रहा है। तो अगर आपका सैंपल सिलेक्शन इस टाइम सही है, अगर आपके सैंपल्स सही हैं, तो हो सकता है लेवल्स में गड़बड़ हो, आपने अच्छे से लेवलिंग ना कर रखी हो, मिक्स अगर आप लेवल्स पे, हाँ लेवल्स पे ध्यान दो या फिर पूरे मिक्सिंग ओवरऑल मिक्सिंग पे ध्यान दो। मिक्स लेवल सही है तो हो सकता है आपने जो 808 बनाई हो इतनी अच्छी तरह से प्रोसेस ना करी हो या फिर इतनी अच्छी तरह से ना बनाई हो जिस वजह से वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं आ रहा है उसके अंदर। एक मतलब होता है मैं आगे हाँ जब हम 808 की वर्कशॉप लेंगे तो उसमें आपको समझाऊंगा कि सब का कितना इंपॉर्टेंस होता है उसमें देखना और किस तरह देखते हैं। बट अगर ये सारी चीजें सैंपल लेवल और जो आपकी 808 होगी, आइए सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका ड्रिल हो गया तो वो इम्पैक्टफुल नहीं बनेगा। ये तीन चार चीजें आप चेक कर सकते हो, सैंपल सही यूज कर रहा हूँ, लेवलिंग सही हो रखी है और उसके वो जो मैं 808 बना रहा हूँ स्पेशली क्योंकि ड्रिल में एज अ बीट प्रोड्यूसर वो 808 बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दे रही होती है, तो वो 808 अच्छे से प्रोसेस्ड है यानी या एक मैं जस्ट एक सॉफ्ट 808 यूज कर रहा हूँ एक लोफाई ट्रैक की, तो वो हो सकता है इशू हो रहा होगा। यूजली ड्रिल में जो होता है लंबी 808 यूज होती है, क्यों? क्योंकि हमें 808 को ग्लाइड करना होता है, हम 808 को ग्लाइड कर से क्या तो जनरली आप देखना अगर आपने अगर स्मॉल 808 यूज करी है तो ग्लाइड इतने अच्छे से होगी नहीं, तो लॉन्ग 808 यूज करना, 808 किक्स को आराम अच्छे से साइड चेन करना, इवन आप चाहो तो स्नेयर को भी साइड चेन कर सकते हो 808 से, एंड अपने ओवरऑल पूरे गाने को भी लोग वोकल्स को भी साइड चेन करते हैं कई बार किक के साथ। तो आपको ध्यान रखना कि आपका किक स्नेयर पहले अच्छे से पंच करे, उसके बाद अगर आपका ये सब कुछ सही, अगर आप अच्छे से मिक्सिंग आपको आती है और आपने सारे बेसिक्स कर लिए हैं तो बस आप अपनी प्रोसेसिंग देखो कि कुछ कुछ चीजों में प्रोसेसिंग कम तो नहीं है, मेरे 808 इतनी पॉप आउट नहीं हो रही, तो उसमें सैचुरेटर्स और कंप्रेशन और आप वीडियोस देख सकते हो उत्कर्ष ने डाली हुई है 808 के ऊपर, वो चीजें ट्राई आउट कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें सही हैं और बस लाउडनेस की कमी है तो लाउडनेस की कमी आपकी मास्टरिंग चेंज पूरी कर सकता है, अगर आपका मिक्सिंग अच्छी है। मिक्सिंग अच्छी नहीं है तो मास्टरिंग खुद ही खराब होती चली जाएगी। तो मिक्सिंग के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, गाना लो दूसरा वाला रेफरेंस वाला, उसको डाउनलोड करो अपने एबलटन के अंदर, अपने डॉ के अंदर डालो और उसको एटलीस्ट -10 -12 या फिर सेम लेवल पे लाके चेक करो कि दोनों अब कैसे साउंड कर रहे हैं। अगर दोनों अब साउंड सेम कर रहे हैं, क्योंकि मिक्सिंग पे मास्टर्ड वाला ट्रैक जब डाउनलोड करो काफी लाउड होगा, तो उसकी पहले उसको कम वॉल्यूम पे लाओ, सेम लेवल पे लाके सुनो, अगर अभी भी पंच का डिफरेंस है तो मतलब कहीं ना कहीं आप मिक्स सही कर सकते हो, कहीं ना कहीं सैंपल्स सही कर सकते हो। कई लोग मैंने देखे स्टार्टिंग में ना ये नहीं करते कि ट्रैक को डाउनलोड करा या फिर अपने स्पॉटिफाई को एबल्टन से लिंक करा, उसमें चेक करा कि मेरे उस जो भी रेफरेंस ट्रैक है जो अच्छा प्रॉपर स्टूडियो में मिक्स हो रखा है उसमें बेस कितना है, मिड्स कितना, हाइज कितना है और वो कैसे साउंड करा, उसमें कैसे सैंपल यूज हुए, वो कितना किस तरह उसको, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप उसका एक्सट्रैक्ट करके अपने गाने में पुट इन कर सकते हो। पर ये वाली जो मेन चीज होती है ना जो सेल्फ लर्निंग, ये बंदा ज्यादा कम करता है बस, और यूट्यूब पे जाता है हाउ टू मेक ब्ला 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 ब्ला। ये जो ट्रैक है जो आपका रेफरेंस ट्रैक है, लेट्स सपोज मैं एक बूम बॉक्स टाइटल जैसे अभी इसको ट्राई करते हैं, अभी ज्यादा रेफरेंस है अभी वरना ये हो जाएगा टाइम भी वो हो गया नहीं एक में करेंगे बिली आइलिश का बड़ी अप सही जा रहा है ये वाला। तो मेरे को बिली आइलिश के जो प्रोड्यूसर है उसका भाई, उसकी एक बहुत बढ़िया चीज ये लगती है कि वो उसकी साउंड मतलब ओवरऑल ट्रैक थोड़ा मफल्ड रखता है बट सारा पंची भी रहता है। हाँ मतलब वो क्या नाम है उसका, बिली आइलिश का उसका नाम क्या प्रोड्यूसर का नहीं बता मुझे नाम क्या उसके भाई का काफी सही होता है उसकी मिक्सिंग भी अच्छी होती है, उसकी क्रिएशन भी बहुत तगड़ी है और वो पता नहीं माचिस की साउंड लेके मतलब अलग अलग फोली साउंड लेके वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो हाँ काफी सही है। तो वो उसका भाई बहुत सही प्रोड्यूस करता है और इवेंचुअली उसके मिक्सिंग और हर चीज जो भी मास्टरिंग है वो भी बहुत सही है, तो बढ़िया है। इसमें उल्टे ही आ रहे थे YouTube पे, हमारी इमेज उल्टी आ रही है पता नहीं मेरा रोके कुछ हो रहा होगा, यहाँ सही आ रही है Zoom पे पता नहीं छोड़ छोड़। तो अब थोड़ा सा वापस से इस पे आते हैं और फिर जितने भी डाउट्स हैं एंड में करते हैं, तो हम इसको कम्प्लीट करते हैं जल्दी से। तो बीट्स आपको यहाँ पे पढ़ सकते हो कि बीट्स क्या होती है, कि मोस्टली पीपल कॉमनली यूज बीट टू मीन पैटर्न और ये बट यहाँ पे बता रहे हैं कि बीट्स जो है उसको दो टर्म्स में यूज करा जाता है कई बारी, कि प्लेड बाय ड्रम्स अ थिंग यू मेक व्हेन यू क्रिएट एंड प्ले पैटर्न्स इन द लिसन इज अ बीट, बट कंफ्यूजिंग देयर अनदर यूज ऑफ द वर्ड बीट व्हिच इज मींस अ रेगुलर रिपीटिंग पल्स दैट अंडरलाइन्स अ म्यूजिकल पैटर्न। सो बेसिकली उतारे बीट जो होती है रिदमिक
हम बीट को हम वो भी कहते हैं कि अरे बीट बड़ी अच्छी लग रही है, तो हम उस रिदम की उसकी बात कर रहे होते हैं, और कई बार हम बीट्स ग्रेड और बार इन सब में भी उसको रेफर कर रहे होते हैं। टेम्पो स्पीड ऑफ द ट्रैक सब सुपर ही लिखा हुआ है। हाँ टेम्पो तो आप लोगों को समझ आ ही गया है कि हम अगर कोई भी किक लगाएंगे या कुछ भी पैटर्न बनाएंगे तो वो टेम्पो पे बहुत मैटर करेगा। जैसे देखो इन्होंने लिखा भी है कि ट्राई करो 1593 पे लगाने के लिए, तो हमने 1593 पे लगाया, 13 पे लगाया, और उसके बाद 120 पे वो कह रहा है करो इसको ट्राई। 120 पे काफी हाउस वाला बन गया। तो ये तो हम ऐसे ये ट्राई कर सकते हैं और आप लोग चेक कर सकते हो। अब हम एबल्टन की तरफ वो बढ़ते हैं, बट इस वेबसाइट को आप काफी अच्छे से चेक कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो एबल्टन खोलने से पहले आप ये वेबसाइट खोल के थोड़ी बहुत बेसिक चीजें ट्राई करो, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जस्ट इजीली एक्सेसिबल है। ये जो हमने बात करी थी देखो टेम्पो एंड जॉनर, तो यहाँ पे लिखा है कि डब जो होता है, डबस्टेप हिप हॉप इन इन मोस्टली इन इनके अंदर रहता है, और ये आप बाहर जा सकते हो, इसको मत फॉलो करना। बट मोस्टली आप देखोगे ड्रिल जो होता है वो 143 पे बनता है, 144 पे बनता है। हिप हॉप जो होता है मोस्टली आप इसका डबल भी कर सकते हो। हाँ एक चीज और, आप टेम्पो को डबल भी कर सकते हो, लाइक आप सेम चीज एक 80 पे बना सकते हो, वही सेम चीज आप 160 पे भी बना सकते हो। बस वो होगा कि वो फास्ट होगा, तो आपको अपनी जो किक 808 स्नेयर है वो आपको सही जगह पे लगानी पड़ेगी, वो भी हम ट्राई भी करेंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूज हो रहा है अभी तक? नहीं नहीं ये बिल्डन चलते हैं अभी तक कोई नहीं है। एक लास्ट चीज इसके अंदर और रह गई है कि जैसे इन्होंने ये बनाया हुआ है, इसके बाद लास्ट चीज है बैक बीट्स है, उसके बाद हम एबल्टन पे चलते हैं। और इसमें लिखा बैक बीट्स क्या होती है, क्रिएट द फोर ऑन द फ्लोर। अच्छा फोर ऑन द फ्लोर सबको पता चल गया कि क्या होता है, मतलब हर बार पे 1 2 3 4 पे एक 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 किक लगाएंगे हम, हर फोर्थ पे किक लगाते हैं, यानी कि एक यहाँ पे, उसके बाद चार बार छोड़ के एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दिस इज फोर ऑन द फ्लोर। फिर उन्होंने लिखा है कि एड नोट्स ऑन द क्रिएट फोर ऑन द फ्लोर एड नोट्स ऑन द क्लैप ऑन 5 and 13, तो हमने 5 पे और 13 पे क्लैप लगा दी, एक सेकंड क्लैप। इस पैटर्न को बैक बीट बोलते हैं, बोल रहे हैं इस स्टाइल को बैक बीट बोलते हैं। तो कभी भी आपको ये सुनाई देगा 1 thak thak, तो ये बैक बीट पैटर्न है। उसके बाद वही है, मतलब जितना ज्यादा हम इस पे जाएंगे इसके अंदर बार्स हैं, उसके अंदर ये सब है कि बार्स क्या होते हैं, आप ये सब सारी चीजें चेक करना। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने डॉ के अंदर। यहाँ पे लिखा है वैसे YouTube पे लाइव मत जाया करो इफ यू कांट गिव इट अटेंशन जेन्युइन एडवाइस, बिकॉज कल मैं चार बार एक ही सवाल कर रहा हूं, but हाँ ब्रो, वो कल YouTube पे लाइव जो हम गए थे ना, तो चैट ब्रो YouTube पे लाइव है जस्ट बिकॉज़ कि ये क्या है, वो स्ट्रीम डायरेक्ट वहां पे सेव हो जाएगी, उसके बाद फिर हम सीधा वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं यहां पे कोई और बाद में देख सकता है, बाकी चैट खुली है अगर कोई सही में कोई डाउट कर रहा है कि एक सेशन साउंड सिलेक्शन पे भी करना ठीक है। हाँ बट ये इसीलिए लाइव स्ट्रीम वहाँ पे, क्योंकि जस्ट बिकॉज कल हमारे साथ हो गया था कि हम उसको पता नहीं चैट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो हम फिर हमने जल्दी जल्दी में चैट खोली नहीं, बट आज सब ओपन है वो। अच्छा चलो फिर अब एबल्टन का करते हैं, और यहाँ पे आई थिंक कुछ लोग एफएल वाले हैं, एबल्टन वाले हैं, तो अगर आप एबल्टन पे स्विच करने वाले हो या फिर आपको बस जस्ट सीखना है कि आप डॉ जैसे हरप्रीत है उनको डॉ सीखना है तो कैसे काम करता है, तो हम उसकी बेसिक बेसिक चीजें बात कर लेते हैं। हमने सीखा हाँ बताओ फ्री डॉ डाला था वो LMS नाम है उसका, LM बता नहीं ब्रो नाम तो नहीं सुना, वो एक फ्री है मतलब। अच्छा बहुत ज्यादा एफएल स्टूडियो जैसा है। ओके हां ब्रो, मतलब डॉज बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे डॉज आते हैं, मतलब लाइक आप बहुत सारे नाम सुने आपने, क्यूबेस, लॉजिक, एफएल और स्टूडियो वन, प्रो टूल्स, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डॉज हैं, सब एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं कि आप उसमें ऑडियो एडिट कर सकते हो, ऑडियो बना सकते हो, मेडी क्लिप्स डाल सकते हो, सारी चीज़ें। तो अब हम बात करते हैं और ये स्टार्ट करते हैं कि ये सब चीज़ें हमने जो बात करी है अभी टेम्पो और ग्रिड पहले, वो कहाँ कहाँ दिखती है। तो टेम्पो जो होती है एबल्टन में, जो एफएल वाले उनको पता होगा, अपनी उनके साइड में ऊपर टॉप पे सेंटर के साइड में दिखती है, ऐसी यहाँ पे टेम्पो यहाँ पे दिखती है, जैसे इस पे लिखा है 120। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, हम इस पे क्लिक करके, डबल क्लिक करके डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं 110, या फिर हम माउस रख के उसको ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप ये देख रहे हो नीचे, अगर एक चीज देखोगे आप यहाँ पे
टेम्पो जब चेंज हो रही है तो इसका टाइमिंग भी चेंज हो रही है, क्योंकि अगर स्लो टेम्पो होगा तो गाना जो होगा वो स्लो प्ले होगा। तो देखो अगर हम इतने से बार के अंदर अराउंड 33 बार के अंदर ही 4 मिनट कवर हो रहे हैं, बट वहीं पे हम अगर इसको एक्सटेंड करेंगे और अब हम 70-80 पे आ जाएंगे तो 33 बार मतलब इस बार पे सिर्फ 1 मिनट कवर होगा। ये कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा ना किसी को, मतलब कि टेम्पो जितनी कम होगी उतना गाना लंबा होता चलेगा, स्लो हो जाएगा गाना। नहीं फिर उसके बाद हमने ग्रिड की बात करी थी तो हमने बोला था कि ये बार होता है, 1, 2 is 1 bar, 3 is 1 bar, 4, 5 ये एक एक बार है। इसमें हम देखो अभी हमें सिर्फ 2 दिख रहे हैं इसके अंदर, हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे अब हमें 4 दिखने लग जाएंगे, 4 के अंदर स्प्लिट हो गए। एक सेकंड, ये हमारा 4 के अंदर स्प्लिट हो गया। अब इसके बाद हम और जूम इन करेंगे तो और ज्यादा स्प्लिट हो गया। तो हम ऐसी जगह जूम इन करते जाएंगे तो एक बार बहुत ही छोटे छोटे और बार्स में बन सकता है, कि जैसे हमें हाईट बनानी होती है बहुत स्पीड में, ऐसे बहुत स्पीड में, तो हम उसको हाईट्स को हम बहुत ही छोटे छोटे ग्रिड्स में डालते हैं। मतलब इसको हम कैसे समझते हैं, हम इसको बोलते हैं जैसे दिस इज 1/4, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एक बार के अंदर 4 ग्रिड्स हैं, फिर 1/8 तो 8 ग्रिड है, 1/16 तो आपने देखा होगा जनरली लोग हाईट्स 1/16 1/32 पे बना रहे होते हैं कई बार। ये चीज किसी को ऐसा लग रहा है कि एकदम ऊपर से जा रही है तो बता देना। नहीं, फिर कई बार आपने सुना होगा कि जो जैसे तबला होता है या फिर कोई भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक होता है 7/8 पे बनता है, 7 अलग अलग उस पे बनता है, टाइम सिग्नेचर होते हैं एक चीज। तो टाइम सिग्नेचर बेसिकली ये होता है जैसे हम जो मोस्टली वेस्टर्न म्यूजिक होता है जनरली वो 4/4 पे बनता है, यहाँ पे 4 on the floor। तो 4 on the floor क्या है कि मतलब देखो मेट्रोनोम देखना कैसे बज रहा है, हर बार पे देखना 1 से लेकर 2 तक देखना, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 फिर चेंज हो रहा था, तो 1, 2, 3, 4 पे एक अलग से चेंज होके 2, 3, 4 चेंज, मतलब पहला जो टोन होता है वो थोड़ा हाई होता है उसके बाद सेम होता है, चेंज 2, 3, 4 अब इसको 3 करके देखते हैं। अब 3 कर देंगे तो देखो यहाँ पे जो हमारे ग्रिड है वो भी चेंज हो गई, देखो 1, 1.2, 1.3 यहाँ पे देखना, 1, 1.2, 1.3 बट पहले क्या था 1, 1.2, 1.4 भी था, यहाँ पे एक और था 1.4, ये सबको यहाँ पे समझ आ रहा है, यहाँ पे 1.4 भी था। ओके अब क्या हो रहा है, जैसे हम इसको 3/4 करेंगे तो अब मेट्रोनोम देखो कैसे काम करेगी, 1, 2, 3, 2 ये देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 जैसे करके उसको बना रहे होते हैं तबले में, तो तबला की साउंड या कोई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बेसिकली ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। इसका डबल 7/4 अगर हम यहाँ पे कर देंगे, 7/8 हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो अगर हम 7/8 कर देते हैं तो बेसिकली एक बार के अंदर 8 ग्रिड्स बन गई, फिर वो 8 ग्रिड के अंदर भी 7 में डिवाइड हो गई, तो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हो आप। बट जो मोस्टली जनरली हिप हॉप और मोस्टली ट्रांस जो हम सुनते हैं वो 4/4 में होता है, कहीं थोड़े बहुत हो जाए तो 3/4 में होते हैं, और फिर बाकी इंडियन क्लासिकल तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे खेल रहे होते हैं। एक टूल करके एक बैंड है वो भी बहुत अलग 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 मतलब उसमें खेलता है, क्या बोलते हैं टाइम सिग्नेचर में, और लोग टाइम सिग्नेचर चेंज भी कर लेते हैं ट्रैक के बीच, ऐसे राइट क्लिक करके, हाँ लोग टाइम सिग्नेचर चेंज करते हैं आपकी अपना, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर टॉप पे, यहाँ पे इसमें आ रहा होगा, यहाँ पे इसमें टाइम सिग्नेचर, मैं इसकी ऑटोमेशन तक बना सकते हैं हम इसके अंदर, इसमें कट टाइम, इसमें लूप की मार रहा है, दिखाइए एक बार तो इसकी ऑटोमेशन ना, तो टाइम सिग्नेचर की बनती तो है क्योंकि मैंने बनाई हुई है पहले, वो ऑटोमेशन ऑन कर दे, ऑटोमेशन ऑन नहीं है, साइड वाली साइड से उसके लेफ्ट में, इसमें एक सेकंड, इसमें ना अंडू का यहाँ पे एक तो हमारा जूम खुला ना ऊपर, तो हमें वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। किसी को डाउट है क्या, मैं इसमें चैट में देख रहा हूँ कि वो कह रहा है कैन यू कम अगेन, तो किसी को डाउट है तो बताओ एक बारी, कोई बोल रहा है? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है। अच्छा ये मतलब 4 on the floor वाला मतलब क्या, इसमें टाइम सिग्नेचर चेंजेस कर सकते हो इसमें, बट मेरे को यहाँ पे ये रहा यही पे होता है सेटल पेस्ट इसमें कट टाइम टू न्यू सीन, ऐसे क्यों आ रहा है इसमें, आप देखोगे अगर हम यहाँ पे करते 3/4 और यहाँ पे करते 4/4 तो आप देखो क्या होगा,
तो वहां पे अलग बचता है कि मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं 4 पे और इससे पहले 3/4 तो मतलब बहुत तो करते हैं ऐसा कि वो बीच में एकदम से झटके से चेंज कर देते हैं या फिर बहुत स्मूथली चेंज करते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि टाइम सिग्नेचर यहाँ पे इस पार्ट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो अपना इंसर्ट टाइम सिग्नेचर। फिर इसके बाद ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा सेशन व्यू का है कि हम इसके अंदर क्वांटाइज कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट की हम बात नहीं करेंगे, कभी हम एबल्टन सही से पढ़ेंगे तो हम यही बात करेंगे। तो हमें बेसिकली ये जानना है कि हमें टेम्पो यहाँ पे होती है डॉ के अंदर बेसिक में, ये मेट्रोनोम है और ये आपके 4 ऑन द फ्लोर और इस सब पे डिपेंड करेगी आप क्या सेट कर रहे हो। फिर स्पेस बार से आप प्ले बटन दबाते हो और पॉज भी आप स्पेस बार से कर सकते हो या फिर आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो आपके 3 वो बने हैं यहाँ पे, प्ले पॉज और रिकॉर्ड बटन, समझ में आ रहे ना ये? हाँ हाँ आज सर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है तो प्ले पॉज बटन तो हम सबने अपने फोन के यस गुरु गुरु कुछ कह रहे हैं, गुरु ने रेज करा है, बाकी बता देना अगर डाउट हो, गुरु आप माइक ऑन करके बोल देना। तो अब हमने क्या करा, अभी सबसे पहले जिसको अगर एबल्टन नहीं आता या फिर अपना कोई भी और डॉ चलाता है वो क्या कर सकता है यहाँ पे ना, जैसे आप एबल्टन खोलोगे, अगर आप पहली बार एबल्टन खोलोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, एबल्टन यहाँ पे हेल्प व्यू आ रहा होगा, यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा। तो बेसिकली एबल्टन में हम सबसे पहले अभी तो हमने टेम्पो देख लिया, लेकिन जब एबल्टन स्टार्ट होता है तो ऐसा कुछ दिखता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से क्रॉस बटन दबाते हो, आपको एक सेशन व्यू दिखता है, इसको हम बोलते हैं सेशन व्यू। आप इसके यहाँ पे देखोगे आप हॉरिजॉन्टली वर्क, ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनी है। तो हमें बेसिकली हमें ऐसे चलना है लेफ्ट टू राइट, तो हम अरेंजमेंट व्यू में जाएंगे। अरेंजमेंट व्यू क्या होता है, गाना जब बनता है वो ऐसे बनता है आगे आगे आगे, मतलब 0 टाइम से स्टार्ट होता है 0 सेकंड और ऐसे आगे आगे मूव करता है। कभी भी गाना ऐसे उल्टा नहीं बनता, हमेशा लेफ्ट से लेकर राइट में जाता है अरेंजमेंट। अडॉप खोलोगे उसमें ऐसे दिखेगा, तो हम इसको बोलते हैं अरेंजमेंट व्यू। तो अरेंजमेंट व्यू का सीन क्या है, आप इसको सबसे पहले जो आपका सबसे बढ़िया फ्रेंड है एबल्टन के अंदर वो है ये वाला सेक्शन इन्फो व्यू, लेफ्ट कॉर्नर में जहाँ पे हमारा माउस है वहाँ पे देख सकते हो। ओपन नहीं होगा आप यहाँ से इस एरो पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। इन्फो व्यू क्या करता है, आप जहाँ पे भी माउस रखते हो, जैसे आपने इधर माउस रखा, इसने बोला अरेंजमेंट व्यू, इधर रखोगे सेशन व्यू, मिडी ट्रैक क्या होता है, मास्टर ट्रैक क्या होता है, तो छोटी छोटी इनकी एक्सप्लेनेशन है। तो आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही आप कहीं पे माउस रखो और वो आपको बता देगा कि अच्छा हाँ इसमें इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। अच्छा ओके गॉट इट, सॉरी बाय मिस्टेक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड रॉ मेलोडी। अच्छा अभी इसके बारे में बात करते हैं, बट अभी हम पहले सीखते हैं। अच्छा यहाँ पे सबको पता है सैंपल पैक्स क्या होते हैं, किसी को ऐसा तो नहीं किसी को पता नहीं सैंपल पैक्स क्या होते हैं? पैक्स क्या होते हैं जिसको नहीं पता वो बता दो, कि काफी लोग तो म्यूट ही कर रहे हैं, बोलो आप। पता है ब्रो, पता है। ठीक है, तो हम एबल्टन में पैक्स कैसे डालते हैं, हम एबल्टन में पैक्स यहाँ किसको नहीं पता, गुरु को नहीं पता सैंपल पैक्स क्या होते हैं। तो सैंपल पैक्स ब्रो बेसिकली ऐसी साउंड्स हैं, जैसे आप अपने डॉ के अंदर खुद साउंड बना सकते हो। तो बहुत तो क्या करते हैं वो अपने घर पे अपने स्टूडियो में ड्रम्स रिकॉर्ड करे, उनको किक को रिकॉर्ड करा, स्नेयर को रिकॉर्ड करा या फिर गिटार की मेलोडी को रिकॉर्ड करा और वो उसको ऑनलाइन बेचते हैं या फ्री में डालने के लिए दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं एक छोटा सा पैक बनाते हैं, जैसे अगर ड्रिल बीट है या हिप हॉप बीट है तो हिप हॉप में वो 4 या 5 किक दे देंगे, 4 या 5 साथ में स्नेयर दे देंगे, हाई हैट दे देंगे, ऐसे थोड़े बहुत साउंड्स दे देते हैं। तो अगर वो आपको सैंपल पैक अच्छा लगता है, आपको लगता है हाँ ये वाली साउंड मेरे को अपने गाने में चाहिए, आप वो पैक डाउनलोड करते हो, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें मिलती हैं आपको, किक स्नेयर क्लैप, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितने का ले रहे हो वो, ये फ्री डाल रहे हो, फ्री डाल रहे हो थोड़ी कम चीजें मिलेगी, ज्यादा पे करोगे तो उसमें कई बार अराउंड 1000-1000 सैंपल्स होते हैं उसके अंदर, 2000 सैंपल होते हैं, तो GBs बढ़ जाते हैं, उसके साइज बढ़ जाते हैं। तो सैंपल पैक इज बेसिकली की अलग अलग जॉनर्स के अलग अलग ट्रैक में हमने बात करी थी ना, किक होता है, ओपन हाई हैट होता है, क्लोज होता है, तो उसको बोलते हैं सैंपल। और अगर मल्टीपल सैंपल लेके एक पैक बना दो तो उसको बोलते हैं सैंपल पैक, जिसको हम बेचते हैं, जैसे कार्तिक ने बताया, फिर आप खुद के भी बना सकते हो किक मुंह से रिकॉर्ड करके, फिर अगर आपके सही में ड्रमर रिकॉर्ड करके आप सिंथेसाइजर से डिजाइन करके एक सैंपल बना सकते हो, उसको आप नेट पे बेच सकते हो, और मल्टीपल सैंपल्स बना के एक पैक बना के उसको नेट पे बेच सकते हो या फिर फ्रेंड के साथ फ्री में शेयर कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं एबल्टन में डालते कैसे हैं। जैसे एफएल वालों को पता होगा अपने वो पैक्स में जाके उसको ऐसे ड्रैग कर देते हैं तो साइड में लेफ्ट साइड में आता है। इसमें भी देखो यहाँ पे ना ये ब्राउजर विंडो होती है, तो अभी हम पूरी ब्राउजर विंडो की बात करते हैं, लेकिन ब्राउजर विंडो में हम देखते हैं सबसे पहले हम सैंपल पैक्स कैसे डालते हैं। तो ऐड फोल्डर में जाते हैं हम यहाँ पे, और जैसे ई ड्राइव में गए, हमने ई ड्राइव में एक रखा हुआ है यहाँ पे साइमेटिक का ट्रैप स्टार्टर पैक। तो जिसको सैंपल पैक नहीं पता वो जाके साइमेटिक्स सर्च करना, साइमेटिक्स पे बहुत सारे फ्री के सैंपल पैक्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। लूप मास्टर है, फिर आपके स्प्लाइस है जहाँ पे आप अराउंड 800-900 रुपए देके
हर महीने के 100-200 साउंड डाउनलोड कर सकते हो, बट वो अभी हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि अगर कोई इंटरमीडिएट है उसके लिए अच्छा है वो, वरना अभी आप स्टार्टिंग में क्या आपको बहुत सारे सैंपल ट्राई करने हैं, आपको भी सैंपल सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप 100 सैंपल जल्दी से यूज कर लोगे और आपका फालतू में वो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। तो उसमें हर महीने आपको लिमिट मिलती है कि आप 100-200 सैंपल ले सकते हो, तो आप अभी स्प्लाइस मत चलाना, बट जो अभी गाने अच्छे खासे बना रहा है रोज वो ले सकता है उस स्प्लाइस को। तो आप यहाँ पे साइमेटिक्स वेबसाइट सर्च करके फ्री सैंपल पैक्स डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने देखो ऐड फोल्डर करा और ये साइमेटिक्स यहाँ पे आ गया खुद ही, पहले नहीं था यहाँ पे, रिमूव कर देते हैं फिर से। ऐड फोल्डर, ई ड्राइव, जैसे मैंने ई ड्राइव में सेव करा हुआ है साइमेटिक्स, अब यहाँ पे साइमेटिक्स आ जाएगा। अब साइमेटिक्स के अंदर देखो यहाँ पे 808 है, यहाँ पे आपके वोकल लूप्स हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ पे साउंड्स हैं, मतलब अलग 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 इसकी क्या बोलते हैं, इसके अंदर हम फुल ड्रम्स जैसे यहाँ पे लूप्स भी होते हैं हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो अभी किसी को कंफ्यूजन हो यहाँ पे कि सैंपल पैक कैसे डालते हैं, सैंपल पैक क्या होता है? नहीं, बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज जो हमें होता है कि सबको चाहिए होता है कि हमें प्लगइन डालना है। मैंने भी बनाया है अपना सैंपल पैक ग्राउल का, उसका प्रमोशन कहाँ करते हैं? उसका प्रमोशन ब्रो लूप क्लाउड है, उसके अंदर कर सकते हो, ग्रुप्स पे डाल दो बहुत सारे, और स्प्लाइस रेडिट के काफी ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर, और डिस्कॉर्ड के भी काफी ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर एक दूसरे पे फॉलो अप कर सकते हैं, और बाकी कम्युनिटीज उस पे भी हैं टेलीग्राम पे भी। जैसे आप सैंपल पैक बनाओ अपने ग्राउल का, आप हमारे सर्वर पे डालो बेस जाके, वहाँ पे और प्रोड्यूसर ऐसे काफी है जो डबस्टेप, जैसे आप डबस्टेप ट्रैप बनाते हो वो भी बनाते हो, तो उनके भी हेल्प हो जाएगी। जो हिप हॉप बना रहे हैं भी एक्सपेरिमेंट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, एक दूसरे में हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। और फिर अभी पहला निकाल रहे हो प्राइस, मतलब आप उसको कमर्शियली सेल करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट फिर उसके लिए आपको अगर स्प्लाइस पे करना है तो बहुत सारे झमेले होते हैं, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना, आप हम आपको बता देंगे। मतलब पहले कोशिश यही करो कि अपना थोड़ा सा नाम बनाओ सैंपल पैक कम्युनिटी में, और अपने जितने भी ग्रुप्स हो सकते हैं उनमें दो, उसके बाद धीरे धीरे अगर आपका नाम बनता है अपनी कंपनी बनाते हैं उसको, तो फिर आप अगर आपका बड़ा नाम है आप स्प्लाइस पर डायरेक्ट जा सकते हो, स्प्लाइस पर अपने सैंपल पैक बेच सकते हो, लाइक कश्मीर सैंपल पैक्स और बड़े बड़े लूप क्लाउड लूप ये सारे वेबसाइट है, वहां पर जाकर अपने सैंपल्स दे सकते हो। तो अभी सबको सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सैंपल रेट सेट करना है, बफर साइज सेट करना है, वो सारी सेटिंग्स कहाँ पे होती है, और अपने हमारे प्रेफरेंसेस कहाँ पे होती है। तो प्रेफरेंसेस का सबसे इजी शॉर्टकट है कंट्रोल कॉमा, और अगर कंट्रोल कॉमा आपको याद नहीं रहेगा तो आप ऑप्शंस में जाओ, हर डॉ में ऑप्शंस के अंदर प्रेफरेंसेस होती है, सबसे नीचे एबल्टन में आपको मिलेगी। तो प्रेफरेंसेस के अंदर सबसे पहली चीज देखो, आप लुक फील आ रहा है तो इसको इन्होंने सेग्रीगेट कर रखा है लुक्स में, ऑडियो की सेटिंग्स में, टेम्पो एंड मिडी, मतलब मिडी कोई चीज कनेक्ट करते हो मिडी केबल से अपने मिडी इंस्ट्रूमेंट, वहां पे वो सब चीज है। फिर फाइल एंड फोल्डर्स में आपके कितने भी फाइल एंड फोल्डर्स, जहाँ पे आपके सैंपल पैक कहाँ से आएंगे, आपकी आपकी हर चीज कहाँ से आएगी वो सेट हो जाएगी यहाँ पे, आपके सेफ कहाँ पे होंगे यूजर लाइब्रेरीज वो सब, आपके वीएसटी भैया यहाँ पे आएंगे प्लगइन्स में, प्लगइन्स में आपके वीएसटीज आएंगे। रिकॉर्डिंग एंड वॉप लॉन्च थोड़ा सा एडवांस है कि आप रिकॉर्डिंग करते हो तो उसमें कौन कौन सी सेटिंग्स आप रख सकते हो, बेसिकली यहाँ पे आप बिट डेप्थ अपना सेट कर सकते हो, और भी वॉप सेटिंग्स होती है एबल्टन के अंदर काफी सारी, वो कर सकते हो। और यहाँ पे आपका लाइसेंस का जितना भी मैनेजमेंट होती है, आपको कोई नई कोई अपडेट आया, आपको कोई नया वो पैक डाउनलोड करना है एबल्टन का, तो आप फ्री में यहाँ से अपडेट ले सकते हो। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, हम सबसे पहले जो देखेंगे कंट्रोल कॉमा दबाया हमने, और कंट्रोल कॉमा दबा के प्रेफरेंसेस खुला। लुक फील में सबसे मेन चीज है थीम, और ये सबसे मेन चीज नहीं है, मतलब अगर फन के लिए आपको पसंद है डार्क करना है, लाइट करना है, डिफॉल्ट रखना है, आप कोई भी सेटिंग कर सकते हो इसमें। तो जैसे हम जनरली मिड लाइट या मिड डार्क के बीच में ही रखते हैं यहाँ पे। फिर इसमें कलर और ह्यू इंटेंसिटी ये सब भी चेंज कर सकते हो, तो काफी मतलब आप इसके अंदर अपने फील के हिसाब से चेंज कर सकते हो। फिर अगर आपका मान लो 720p डिस्प्ले किसी का यहाँ पे, कि उसको 1080 में कम चीजें दिखती है उसके प्लगइन में, और एबल्टन काफी जूम जूम इन सा हो रखा है। हाँ, और काफी जूम ऐसा सा हो रखा है आपका एबल्टन, आपको कम चीजें दिख रही है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा उसको कम कर सकते हो अपने हिसाब से। लाइक आप इसको अगर आपको चल रहा है तो 95 तक कर लो, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, हर चीज आपको थोड़ी स्ट्रेच दिखेगी, आपका ज्यादा स्पेस हो जाएगा, और जितना नीचे लेके जाओगे उतना ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा। हाँ, तो ये चीज आप अपने सेट कर सकते हो अपने डॉ के हिसाब से, मतलब इसके अंदर एबल्टन के साथ अपने स्क्रीन के साइज के हिसाब से। अब किसी किसी का 4K होता है, उसका खुद इतना ही वाइड होता है, उसको इतना वाइड नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा जूम इन कर सकता है। फिर इसके अंदर ऑडियो सेटिंग के अंदर, यहाँ पे हमने कल सैंपल रेट बफर साइज की बात करी थी, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, जैसे हमारे पास फोकस राइट और ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस के सब आ रहे हैं,
तो ऐसी आपके पास जो भी आपका इंटरफेस है वो सब चीजें यहाँ पे सेटिंग आएंगी। सबसे पहले ना आप लोग अगर विंडोज यूजर हो तो एजियो ड्राइवर ये मत करना, डायरेक्ट एक्स मत यूज करना, पावरफुल एएसआईओ डाल लेना, ये डायरेक्ट एक्स पावरफुल नहीं होता। एएसआईओ करके एक वो है, अगर किसी को ये याद ना हो तो हमें व्हाट्सएप कर देना कि ब्रो आप ड्राइवर कौन सा बोल रहे थे, हम आपको बता देंगे, या फिर ये वीडियो यूट्यूब पे देख लेना। एएसआईओ फॉर ऑल, फॉर एओएल एएएएलएल एजियो फॉर ऑल करके एक वो है वेबसाइट है, वहां पे फ्री में ये ड्राइवर डल जाता है। और जिनके पास भी इंटरफेस है वो अपना इंटरफेस का ड्राइवर डाले, उससे डल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना सैंपल रेट सेट कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे लाइब्रेरीज, जैसे हम बात कर रहे थे कहाँ पे सेव होगा लोकेशन लाइब्रेरीज की, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग में जाके आप अपना बिट डेप्थ जो हम कल बात कर रहे थे 16, 24, 32 यहाँ पे सेट कर सकते हो। 16 पे 24 डाल दो, मैं सेटिंग भूल जाऊंगा। सबको समझ आ रहा है ये वाला पार्ट? समझ में आ रहा है। प्लगइन कैसे ऐड करेंगे? हाँ, प्लगइन्स कैसे ऐड करेंगे? तो अभी हम क्या करते हैं, एक प्लगइन डाल के ही देखते हैं सीधा, कि कोई एक प्लगइन डालते हैं बढ़िया सी और देखते हैं कैसे डलती है। तो हम यहाँ चलते हैं वॉक्सेंगो की डालते हैं कोई। तो वॉक्सेंगो फ्री प्लगइन्स बनाता है, जैसे स्पैन आप लोगों ने सुना होगा, स्पैन करके एक प्लगइन है। अब जैसे मल्टी सैचुरेटर दिख रहा है हमें, तो हमें लग रहा है कि हमें यही डाल लेते हैं कि मल्टी सैचुरेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है AU है, AAX, ये सब टाइप्स हैं, VST2, VST3 करके टाइप्स होती है प्लगइन की। तो VST सबसे पुरानी वाली है, फिर VST2 और VST3 सबसे नई वाली है। तो अबे हमें क्या करना है, विंडोज की डालनी है। तो हम यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करते हैं और ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ये डाउनलोड हुआ, उसके बाद हमने इसको कर देना ओपन, इंस्टॉल करते हैं इसको। अब हमने इंस्टॉल करते हुए एक दो चीजें ध्यान में रखनी है जो अभी हमारे सामने विंडो खुली हुई है। अब आपका एबल्टन अगर 32 बिट में, 9 जो एबल्टन 9 था वो 32 बिट हाँ। था, तो आप 32 बिट पे टिक लगा सकते हो। बट अगर आप एबल्टन 11, 10, 12 करंटल तो आया नहीं, 11 तक यूज कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करो कि आप 64 बिट प्लगइन यूज करो। और अगर आप FL यूजर हो तो आप 32 भी यूज कर सकते हो, बट अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 है और आपका FL भी 64 है तो आप DAW 32 डालोगे चल जाएगा, सॉरी सॉफ्टवेयर 32 डालोगे चल जाएगा, बट एक्स्ट्रा CPU यूज होता है। बट Ableton में 32 बिट चलती नहीं है, अगर Ableton आपका 64 चलेगा ही नहीं। हाँ, Ableton में चलता है, FL में 32 बिट चल जाता है, Ableton में आपका ये AC पे चलता है 64 बिट पे। तो हमने VST1 डाला, हमने VST3 नहीं डाला क्योंकि मैं VST3 अभी बहुत सारी प्लगइन अभी भी VST3 पे नहीं आई है, तो हम जनरली VST पे रहते हैं। और फिर हम नेक्स्ट करा C प्रोग्राम फाइल कॉमन फाइल VST2, इसको हमने याद कर लिया। मैं यहाँ नहीं रखता पर यही डाल देगी, पर हम ऐसी एक हम डालने के लिए इसको हम अभी ना वो करते हैं, बाद में हम सेटिंग कर लेंगे इसकी। हम डी ड्राइव, हेलो, अगर हम सी ड्राइव में डालेंगे तभी काम करेगा क्या, फिर किस नहीं, 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 इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसको हम डेस्कटॉप पे डालते हैं। हम एक फोल्डर बना लेते हैं। अब मैंने अब ये स्टेज आ गई हमारी, अब मैं एक फोल्डर में गया और मैंने लेट्स सपोज अपनी हार्ड ड्राइव नहीं चूज करी, अपनी SSD चूज कर ली और मैंने वहाँ एक सॉफ्टवेयर एक बना दिया, माय ऑल प्लगइन्स करके एक फोल्डर बना दिया मैंने। और मैंने ये खोला और मैंने यही अपने ड्राइव में गया, सी ड्राइव में ही डालता चलो मैं, क्योंकि सी ड्राइव छोटी है मेरी। ई में गया, माई ऑल प्लगइन्स पर क्लिक करा, ओके कर दिया, माय ऑल प्लगइन वॉक्सेंगो का वहां फोल्डर बन जाएगा। नेक्स्ट इंस्टॉल। तो अब मैं फिनिश कर देता हूं और एक बार ना फोल्डर के अंदर देखते हैं क्या आया। ये आपको दिख रही है एक .dllc फाइल आ गई माय ई ड्राइव में फोल्डर के अंदर। अब ये हमारा काफी हद तक सेट हो चुका है कि अब हमारे फोल्डर में वो फाइल आ गई है, और अगर ये फाइल नहीं आती तो मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है। ये .dll फाइल आनी चाहिए, VST2 जो है वो .dll फाइल पे काम कर रहा होता है। अब हम ये क्या खुला हुआ है, एक सेकंड। अब हम काफी श्योर हैं कि अब हमारा DLL फाइल मेरे को दिख रही है, वो मेरा प्लगइन डल गया है। अब मैं Ableton क्लिक करूंगा, कंट्रोल कॉमा हिट करूंगा, प्लगइन्स में जाऊंगा। अब यहाँ पे बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, हमने क्या यूज करा, VST2। तो मैं VST2 पे जाऊंगा यहाँ पे और ब्राउज करूंगा एक कस्टम फोल्डर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है VST2 प्लगइन कस्टम फोल्डर। अब मैं जाऊंगा ई ड्राइव में और यहाँ से मैं ढूंढूंगा माई ऑल प्लगइन्स, मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट फोल्डर करके हिट कर दूंगा। अब रीस्कैन करना आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे अब आप कोई भी प्लगइन अगर नया डाल दो तो मेक श्योर करो आपने उसको रीस्कैन हिट कर दो। तो स्कैन कर रहा, देखो लोडिंग हो रही है, हो गया लोडिंग होगी। अब हमने आपको हमें श्योरिटी होगी यहाँ पे दिख भी रहा है, ई ड्राइव में ऑल प्लगइन फोल्डर सिलेक्ट हो गया, क्रॉस कर दो। अब Ableton में कहाँ दिखेगा, ये दिख रहा है प्लगइन्स, मुझे ये VST वाला ऑप्शन ही नहीं दिखता, ये VST जो दिख रही है या प्लगइन्स में VST
जैसे नॉर्मली क्या होगा जब आप आपको वीएसटी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है बटन में कहाँ पे प्रेफरेंसेस में आपके ओपन नहीं आपने प्लगइन ओपन किया तो उसमें भी एक वीएसटी का ऑप्शन आया ना ब्रो वो फोल्डर टू फोल्डर है कि मतलब हमने फोल्डर बना रखे हैं जैसे कि वीएसटी वीएसटी 3 के फोल्डर फिर मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी नहीं दिखता मैं प्रेफरेंसेस में आता हूं प्लगइन देखता हूं तो सब कुछ सही है जैसा आपने सब सेटिंग करके रखा वैसे ही दिख रहा है मेरा अभी अच्छा तो आपने उसके अंदर 64 बिट जब आप इंस्टॉल कर रहे हो ध्यान से देखना 64 बिट ही डाला है ना हाँ। आप एक वॉक्सेंगो की प्लगइन आप भी डाल के देखना आपको पता चलेगा तो हम ये देखते हैं आगे वॉक्सेंगो देखो हम प्लगइन्स में गए तो हमें यहाँ पे दिख हाँ। रहा है वॉक्सेंगो और हमने ये डाला हाँ। तो देखो ये प्लगइन खुल गया यहाँ पे हाँ, समझा तो कोई और ऐसा है जिसको यहाँ पे डाउट आया कि एबल्टन प्लगइन कैसे डलता है नहीं नहीं क्योंकि अभी धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट कम होते जा रहे हैं आधे लोग बोर हो गए अब तो आप लोग बता देना किसी को भी अगर बोर हो रहे हो या फिर कोई भी चीज है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये कवर नहीं हुई तो हमारा मेन मतलब यही था कि बहुत सारे यहाँ पे सिंगर्स और रैपर्स हैं देखो अभी यहाँ पे मोस्टली प्रोड्यूसर्स आए हैं बट हमें था कि ज्यादातर अभी इसमें आज जो ये सेशन होगा इसमें रैपर्स और म्यूजिशियन आएंगे जिनको डॉ में रिकॉर्डिंग टेम्पो ये सब नहीं पता होगा इसलिए हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था नहीं भाई ये तो बहुत अच्छा है चलो गुरु ने हैंड रेस गुरु वो है क्या भाई मैं दोनों हूं मैं प्रोड्यूसर रैपर दोनों हूं भाई हाँ बढ़िया ब्रो मतलब अगर आप दोनों चीजें करते हो तो हमारा यही था कि मतलब जितने भी लोग हैं जिनको अगर बिल्कुल डॉ ही नहीं पता तो हम चाह रहे थे कि उनको एटलीस्ट टेम्पो सेट करना रिकॉर्डिंग सेट करना ऑडियो ट्रैक्स मिडी ट्रैक्स ये सब बनाने आता है और इस वर्कशॉप में बेसिक कवर कर ले फिर जो आगे फ्यूचर में वर्कशॉप लेंगे हम उसमें हम वो चीज कवर कर पाएंगे एडवांस बेसिक आता हाँ जितने भी एडवांस वाले ना वो हमें बता देना कि भाई हमें तो नहीं सुनना ये सब हमें बस प्रोडक्शन करके दिखाओ तुम तो हम प्रोडक्शन करते हुए भी सेशंस बना लेंगे मिक्सिंग करते हुए बना लेंगे वर्कशॉप वाले मतलब वर्कशॉप्स बनाएंगे वैसी टाइप की जिसमें हमें पता है कि आप लोगों को पता है कि हमें ये नहीं समझाना पड़ रहा ब्रो ईक्यू क्या होता है कंप्रेशन क्या होता है इसलिए हम आपको सब चीजें पता है ले कवर कर रहे हैं वर्कशॉप की जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से जो काफी बेसिक फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा हाँ करेक्ट पहले एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाए इसलिए हम ज्यादातर अभी एडवांस पे गए ही नहीं कुछ भी चीज पे तो ठीक है अभी हमें समझ आ गया कि हमें आ गया सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमें पता है कि हमारे पैक्स यहाँ पे डलते हैं ऑप्शन में जाते हैं यहाँ पे हमारे प्लगइन्स डालते हैं VST 2 का यहाँ पे VST 3 का भी यहाँ से ब्राउज कर सकते हो अगर आपने VST 3 डाली है फिर हमें प्रेफरेंसेस में और भी बहुत सारी चीजें जो हम एडवांस में कवर कर सकते हैं या आप में से बता देना किसी को एबल्टन सही में अच्छे से सीखना है तो हम एक एबल्टन का प्रॉपर कोर्स या कुछ ऐसा एक यूट्यूब पे बना के डाल देंगे आपकी आवाज कट रही कौन कुछ कोई कुछ कह रहा है नहीं ब्रो माइक ऑन हो गया था गलती से इसलिए अच्छा नहीं नहीं एबल्टन पेड है या फ्री है भाई कोई मोस्टली डॉ तो ज्यादातर पेड ही होते हैं मतलब अगर एडवांस डॉ है तो पेड ही है तो एबल्टन पेड है बट बेस्ट पार्ट है कि उसका वो स्टूडेंट डिस्काउंट अगर आप स्टूडेंट है तो उस पर अप्लाई करके स्टूडेंट प्राइस पे ले सकते हो हाँ और एबल्टन में भी ना क्या सीन है कि काफी लोग एबल्टन सूट देखते हैं तो सूट में भी तीन वर्जन आते हैं मतलब स्टैंडर्ड वाला और उसके बाद एक आता है सूट वर्जन और फिर उसके बाद आता है लाइव तो बेसिक लाइट वर्जन सबसे लाइट तो कई बार फ्री भी मिल जाता है हाँ तो लाइट वर्जन तो फ्री ही रहता है मोस्टली के साथ फ्री मिल जाता है स्टैंडर्ड वर्जन थोड़ा सा महंगा है और सूट वर्जन सबसे महंगा होता है तो और इसके बाद सूट प्लस पुश भी आता है जो पुश इसके साथ एक हार्डवेयर आता है पुश 2 इसे आप ड्रम प्रोग्रामिंग एबल्टन पूरा ये सब चला सकते हो तो लाइट तो ऑलमोस्ट फ्री रहता है इसमें लेकिन आपके ट्रैक्स और प्लगइन्स ये सब कुछ ज्यादा होते नहीं है स्टैंडर्ड में काफी सारे प्लगइन्स होते हैं बस कुछ कुछ जो थोड़े बहुत होते हैं सैम्पलर सिंपलर जो एबल्टन के काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर वो नहीं भी होंगे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप थर्ड पार्टी डाल सकते हो बहुत सारे अगर आपको थर्ड पार्टी फ्री काफी मिल जाता है और आप चाहते हो मेरे को नहीं यूज करना हो तो आप स्टैंडर्ड खरीद सकते हो थर्ड पार्टी मिल जाते हैं फ्री बहुत सारे और बेस्ट चीज ये है कि एबल्टन की मैक्स फॉर लाइफ करके एक वेबसाइट है मैक्स फॉर लाइफ पर लोग ना जो क्रिएटर्स होते हैं वो फ्री में या फिर थोड़े से कुछ रुपए के लिए $1-2 के लिए प्लगइन्स देते हैं बहुत तगड़ी तगड़ी तो आप वो भी डाल सकते हो मैक्स फॉर लाइफ में यहाँ पे जाके मैक्स फॉर लाइफ सर्च करना और वो डायरेक्ट इसमें डल जाता है एबल्टन में प्लगइन्स और बहुत ही क्रिएटिव प्लगइन्स होते हैं बहुत ही गीकी लोग मतलब फुल ऑन जो कोडिंग भी करते हैं और प्रोडक्शन भी करते हैं वो अलग अलग बहुत ही क्रिएटिव प्लगइन्स बनाते रहते हैं वहाँ पे तो एबल्टन में वो भी चीज आती है और सूट वर्जन ऐसा जैसे प्रोड्यूसर वर्जन है शायद से उसमें एफएल में सब कुछ मिलता है उसके अंदर इसके अंदर सारे वर्जन सब कुछ होगा इसके अंदर वेव टेबल करके एक सिंथेसाइजर है सीरम जैसा वो सारी चीजें इसके अंदर कवर होंगी पर इनके प्राइसिंग कुछ ऐसे है कि मतलब ये नॉर्मली 35 का होता है ये कुछ 60 का है लेकिन स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के ये 33 का पड़ जाता है अगर आप कॉलेज स्कूल में हो और ये वाला आई थिंक 20 के अराउंड पड़ जाता है और अगर आपके पास लाइट वर्जन है ना कि आपने फोकसराइट खरीदा था और आप पे लाइट वर्जन है
और आप स्टूडेंट डिस्काउंट अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं हो आप स्टूडेंट, तो आप लाइट वर्जन से सूट में जा सकते हो थोड़ा कम पे करके। जैसे कई बार कई लोगों को पता नहीं होता, वो इंटरफेस खरीदते हैं फोकस राइट और उसके साथ लाइट वर्जन फ्री मिलता है, और लाइट वर्जन को क्लेम करने के बाद जब हम लाइट से सूट में अपग्रेड मारते हैं थोड़ा चीप में अपग्रेड मिल जाता है। तो काफी सारे तरीके हैं इसको थोड़ा चीप वे में लेने के भी। तो अभी गुरु एक क्वेश्चन पूछा है, सैंपल और ये बिट डेप्थ क्या होता है। तो बिट डेप्थ भाई हमने कल वाले सेशन में करा था, तो कल वाले सेशन में आप कल यूट्यूब पे जाके देख लेना, वरना अभी जब हम थोड़ा सा सेशन के कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई ग्रुप में ही समझाना चाहता तो ग्रुप पे समझा सकता, उसकी रिविजन भी हो जाएगी। हाँ, इसके बाद हम चलते हैं। अभी हमें समझ आ गया प्लगइन्स डल गई, हमें समझ आ गया टेम्पो कैसे सेट होती है, हमें समझ आ गया मेट्रोनोम कहाँ पे है। अभी ये करते हैं, अभी ये करते हैं, इससे पहले हम समझते हैं कि टाइप ऑफ ट्रैक्स कहाँ पे होते हैं, कितने टाइप ऑफ ट्रैक होते हैं बिल्डिंग के अंदर। तो टाइप्स ऑफ ट्रैक कोई बता सकता है कितने टाइप के ट्रैक्स होते हैं, मतलब हर एक डॉम में जनरली? ऑडियो मिडी, ऑडियो मिडी और ऑटोमेशन, ऑटोमेशन तरीका है पर वो ट्रैक नहीं है। अच्छा हाँ, लेकिन एफएल वालों के लिए ऑटोमेशन ट्रैक बन जाते हैं ना, ऑटोमेशन ऑटोमेशन वालों के लिए ट्रैक्स बन जाते हैं उसमें। हाँ ठीक है ठीक है, एफएल में ऑटोमेशन ट्रैक्स बनते हैं। और तो देखो उसमें थोड़ा सा उसमें ऑटोमेशन ट्रैक भी होता है बेसिकली, पर वो उसके अगर आप सिर्फ ऑटोमेशन ट्रैक रखोगे तो खुद की कोई आवाज नहीं होती एफएल में भी, वो जस्ट एक सिग्नल सेंड कर रहा होता है। हर डॉ में बेसिकली ना चार ट्रैक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रैक होते हैं फोर। इन फोर के अंदर एक होता है ऑडियो ट्रैक, जहां पे आप ऑडियो फाइल्स डालते हो लाइक किक के सैंपल्स, अपनी वोकल रिकॉर्ड करते हो, वो सब ऑडियो फॉर्मेट है। फिर एक होता है उसके अंदर मिडी ट्रैक, जहां पे आप मिडी इन्फॉर्मेशन भेजते हो लाइक अपने मिडी कीबोर्ड के थ्रू, या फिर आप पियानो रोल के अंदर पियानो क्रिएट करते हो, वो सब मिडी ट्रैक के अंदर आते हैं। मिडी का होता है म्यूजिकल इंटरफेस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ये कोई इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें आप मिडी कीबोर्ड से कनेक्ट करके या फिर पियानो रोल में कर सकते हो। फिर एक होता है सेंड्स, जो आपके एबल्टन में भी होते हैं और एफएल में भी होते हैं, राउट करते हो जिन पे आप सेंड सिग्नल्स और ये सब बना सकते हो ग्रुप। बेसिकली सेंड्स एक खाली ट्रैक ही है, अपने सिग्नल ऑक्सिलरी, सेंड्स जस्ट एक खाली ट्रैक है जस्ट उसमें हम अपने सिग्नल की कॉपी भेजते हैं। हाँ। और उस ट्रैक पे रिवर्ब लगी होती है, तो जिस जिस पे हमें रिवर्ब चाहिए हम फटाफट एक मतलब सिर्फ रिवर्ब नहीं होते, कुछ भी इस पे इफेक्ट लगा सकते हो, कर सकते हो। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप फटाफट अगर आपको तीन चार ट्रैक पे रिवर्ब लगानी है तो सब पे रिवर्ब डालने से बढ़िया है सेंड ट्रैक पे रिवर्ब लगाओ, और हर ट्रैक को बोल दो कि थोड़ा सा तू सेंड में चल जा। इसको एक्सप्लेन करते हैं अभी, ऐसे मतलब एक्सप्लेन कर, अभी इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। और लास्ट चीज होती है मास्टर। तो कितने टाइप के ट्रैक हो गए, पहला है ऑडियो, दूसरा है मिडी। ऑडियो में क्या है कि हमारी रिकॉर्डिंग होगी, ऑडियो के अंदर हमारे सैंपल पैक्स आएंगे जो सैंपल वेव फाइल फॉर्मेट में या फिर MP3 फॉर्मेट में होंगे, ये सब आएंगे ऑडियो ट्रैक में। मिडी ट्रैक में क्या आएंगे, पियानो रोल और हमारा मिडी प्ले कर रहे हैं तो मिडी की इन्फॉर्मेशन आएगी। सेंड रिटर्न ऑक्स बस, ये जनरली अलग अलग जगह पे अलग अलग टर्म्स में यूज हो रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे उत्कर्ष बताता है कि ऑडियो ट्रैक लेते हैं या मिडी ट्रैक लेते हैं, उसको हम एक बस में बिठाते हैं कि चलो बेटा बस में बैठो सारे के सारे, और ये सिग्नल लेके चलते हैं सेंड पे, और सेंड क्या करता है वो सिग्नल ले जाता है मास्टर पे। बट अभी हम इसको थोड़ा और एडवांस में समझेंगे, बट अभी इतना सा है कि हमने एक सेंड ट्रैक लिया और इसको इजीली हम इस ट्रैक पे भेज रहे हैं, उसकी जस्ट एक कॉपी बना के उस ट्रैक पे भेज देते हैं। तो सारे बच्चे ऐसे बैठते हैं इसके अंदर, बस के अंदर, और बस ले जाती है उनको एक जगह पे, और उस बस के अंदर कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो और इजीली काम हो जाता है। पर बच्चा फिर बंक मार लेता फिर मास्टर ऑडियो खराब। हां, और फिर मास्टर ट्रैक होता है जहां पे ये सारे के सारे तीनों के तीनों राउटेड है, मास्टर सब कुछ ऑडियो है, तो ये मास्टर है मतलब सब चीज का, ये इसके थ्रू ही हमें आउटपुट मिलता है, इसके थ्रू ही हम सब कुछ सुन रहे हैं बाहर। किसी का क्वेश्चन है, मास्टर की तरह सबको कंट्रोल करता है, सबको कंट्रोल कर रहा है। तो मास्टरिंग बेसिकली हम इसी में करते हैं ना, मास्टरिंग भी हम जनरली इसी में करते हैं। नोट्स का लिखा है किसी ने, नोट ट्रैक पूछ, किसी ने नोट्स लिखा है यहाँ पे, नोट्स का क्या मतलब है हमें समझ नहीं आया, कोई चैट में लिख रहा है नोट्स। उससे पहले सैंपल भी पूछ रहे, सैंपल रेट तो ब्रो कल वाली क्लास को देख लो, बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी लास्ट में कोई एक्सप्लेन कर देना। तो सबको ये समझ आया, कोई भी है यहाँ पे, अभी 11 बंदे हैं, किसी को भी, तुषार एसटीएम वीर है, किसी को भी यहाँ पे डाउट है, तुषार आईएम किसी को भी भाई एक डाउट, पता नहीं डाउट है या क्वेरी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जैसे कि हम जब मिडी बना लेते हैं तो उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना नेसेसरी होता है ताकि वो अच्छा मिक्स हो सके?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट उससे आप बस दो ही चीजें संभाल रहे हो कि आप अपना बस अपना कंप्यूटर की जो वो है परफॉर्मेंस थोड़ी सी लोड कम कर रहे हो, सीपीयू लोड कम कर रहे हो, और दूसरा अगर प्लगइन्स है, दूसरा अगर आपके पास कोई प्लगइन है मिडी में और मेरे पास वो नहीं है तो आप ऑडियो में उसको रेंडर करके भेज सकते हो तो मैं भी सुन पाऊँ। और अब तो ब्रो दोनों में आता है, क्या बोलते हैं, FL में भी फ्रीज होता है, Ableton में शुरुआत बहुत टाइम से ही फ्रीज है, तो हमेशा ना अपने मिडी फाइल्स या ये सब डायरेक्ट कन्वर्ट करके डिलीट मत करा करो। मैं तो नहीं करता क्योंकि फायदा क्या होता है, Ableton में यहाँ पे राइट क्लिक करके फ्रीज कर सकते हो तो वो सारी प्रोसेसिंग को फ्रीज कर देगा, तो ऐसे देखा FL में भी हो गया, मैं जब कॉन्सेंट्रेट करता हूं FL में भी होता है, उसमें भी आ गया, हां FL में भी 20 से आ गया वो चीज, तो फ्रीज से क्या होगा वो आपका सीपीयू लोड नहीं लेगा बट और वो क्या करेगा उसको पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पे फ्रीज कर देगा, आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे बट उसको प्ले कर रहा था ऑडियो फॉर्मेट में। और बेस्ट पार्ट क्या है, जब आपको हल्का सा उसमें चेंज करना हो तो राइट क्लिक अनफ्रीज, क्योंकि मैं ऐसे समझता हूँ कि ब्रो अगर आप देखोगे ना कभी पुराने गाने होते हैं लाइक आज के टाइम वो तनिष बागची सारे 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 रिमिक्स करे जा रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा, हम लोग बहुत इजीली अपने गाने डिलीट कर देते हैं, इजीली हम उसको संभाल के नहीं रखते, बट कभी ना कभी आपका कोई गाना है जो चल गया है आपको बाद में कभी 2 साल बाद याद भी आ रहा है रिलीज करने के बाद कि मैं इसको थोड़ा सा एडिट करके वर्जन निकालूंगा, तो अगर आपका मिडी फाइल नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार उसको रिक्रिएट करने, तो वो हमेशा संभाल के रखिएगा, आपका ब्लूप्रिंट होता है पूरे प्रोजेक्ट का अगर आपने उससे कुछ काम करा है, तो ये चीज आप संभाल के रखो, मतलब जितना हो सकता है तो फ्रीज कर लो, नो डाउट। चलो बढ़िया, तो अब हमें समझ आया, हां जी बताओ। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब एक डॉ में प्रोसेस करके और माय फ्रेंड हैड टोल्ड मी टू मिक्स मास्टर एट एन प्रो टूल्स, इज इट अ राइट वे? So basically people use Pro Tools for mixing and mastering generally क्योंकि all the studios have Pro Tools and all the like पुराने जितने भी engineers हैं like all the old school engineers they use Pro Tools और Studio One अब लोग use करने लगे हैं, तो it is good, मतलब तुम कर सकते हो ये चीज, बहुत सारे producer even DCAP एक बहुत अच्छा beat producer है, he do that कि he produce in FL or maybe Ableton, in fact, and then he send it everything to Pro Tools. आपने सुना होगा कि Martin Garrix भी अपने vocals Pro Tools में record करता है। तो प्रो टूल्स के ब्रो कुछ फायदे हैं, लाइक प्रो टूल इज वेरी गुड फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्रो टूल्स इज गुड फॉर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। अब इससे दो फायदे होंगे, पहली चीज यू वोंट लाइक मोस्टली क्या होता है प्रोड्यूसर क्या करते हैं, दे मेक सॉन्ग एंड देन अगेन दे डू स्टार्ट चेंजिंग, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करने लग जाते हैं। सो एक बार आपने गाना बना लिया, आप क्या करो उसको स्टेम्स में रेंडर कर लो, यू नो व्हाट इज स्टेम्स राइट तुषार? या तो जस्ट रेंडर, हाँ सर, ये चीज आप रेंडर कर लो, मतलब अपने हर एक ट्रैक को रेंडर कर लो स्टेम्स के फॉर्मेट, उसको स्टेम्स बोलते हैं, अगर हर एक क्लिप को मान लो अगर आप सोलो करके एक ट्रैक को रेंडर कर रहे हो और ऐसे सारे ट्रैक को रेंडर कर रहे हो तो दैट इज स्टेम्स। तो हम अपने सारे ट्रैक्स को एक एक ट्रैक को रेंडर करते हैं, मतलब रेंडर एक साथ हो जाते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पे आएगा मास्टर की जगह ऑल इंडिविजुअल ट्रैक, तो आपको इंडिविजुअल ट्रैक्स मिल जाएंगे हर एक ट्रैक का, एक एक इंडिविजुअल ट्रैक मिल जाएगा, और मास्टर करोगे तो सारा एक साथ सम होके आएगा। तो आप इंडिविजुअल ट्रैक्स को आपने रेंडर करा FL Ableton जो भी चलाते हो और अगेन आप Ableton में डालो उसको स्टेम्स की फॉर्मेट में, उससे दो चीजें होंगी, पहली चीज यू विल नेवर गो बैक टू कि यू हैव टू चेंज, क्योंकि हमारी आदत होती है टू बिकम परफेक्शनिस्ट कि हम चीजें चेंज करते रहे और हम गाने रिलीज नहीं कर पाते तो इस चक्कर में इससे बेस्ट है कि अपना गाना बनाया उसको रेंडर करो उसको स्टेम्स फॉर्मेट में डालो, अब उसमें बेसिक उसमें मिक्सिंग करने लगो उसकी लेवल सेट करने लग जाओ। बट ये अगर आप प्रो टूल्स यूज करते हो, आप Ableton यूज करते हो, आप FL यूज करते हो, आप क्यूबेस यूज करते हो, अगर आपको मिक्सिंग नहीं आती तो आप किसी भी डॉ पे मिक्सिंग नहीं कर पाओगे। हाँ तो आप सबसे बेस्ट है पहले कि आप गाना बनाओ, अगर आपको प्रो टूल्स पसंद है डेफिनेटली चलाओ प्रो टूल्स, मेरे को भी कई मामलों में बहुत अच्छा लगता है। पहली चीज प्रो टूल इज वेरी गुड विद इंटीग्रेशन इन स्टूडियोज, कि आप स्टूडियोज में जाओगे बड़े बड़े वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ जनरली प्रो टूल्स दिखेगा रिकॉर्डिंग के लिए और मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए, तो इट्स अ गुड डॉ। और पर ऐसा नहीं है कि आपको प्रो टूल्स ही चाहिए फॉर मिक्सिंग, आप किसी भी डॉ में मिक्सिंग कर सकते हो। प्रीत पवार पूछ रहे हैं अगर हम अभी स्टूडेंट है हाँ। तो ठीक है, पर अगर हम बड़े हो गए फिर कैसे लेंगे? भाई बड़े हो गए तो किसी और के पास जाओ उसका आईडी कार्ड चुराओ और फिर खरीद लो, किसी स्टूडेंट को ढूंढना पड़ेगा। भाई स्टूडेंट तो मिल जाएगा यार अपनी गली वली में, कहीं पे भी ढूंढ लेना कोई भी स्टूडेंट आसपास का, उसको बोलो कि भाई अपना आईडी कार्ड दे दो, नहीं तो एडमिशन ले लेते हैं। अपना एडमिशन ले लो ओपन स्कूल में 3,000 रुपए वहां पे। ब्रो क्या बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट हैं तो वो म्यूजिकल स्कूल के हो या फिर नॉर्मल किसी कहीं के भी, कहीं के भी एनी स्टूडेंट, स्कूल का स्टूडेंट, कॉलेज का स्टूडेंट, कोई भी जॉन आईडी कार्ड होना चाहिए बस। फिर उनको प्रूफ क्या देना पड़ेगा? खरीदने की, तो आप एक स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो या कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो वो आपको सस्ते में दे देंगे, किसी भी स्टूडेंट हो कोई भी स्ट्रीम में। Ableton ये नहीं कर, आप म्यूजिक के स्टूडेंट हो तो ही दूंगा,
किसी भी स्टूडेंट में, कोई भी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपको मिल जाएगा स्टूडेंट. अगर आपको फर्स्ट क्लास आपने ज्वाइन किया, फर्स्ट क्लास में हो और आपके पास आईडी कार्ड है तो भी मिल जाएगा. वैसे तो ब्रो स्टूडेंट डिस्काउंट अभी तक चलता है, मेरे को साल भर से ऊपर हो गया अपना क्लियर करे हुए, कॉलेज मेरा खत्म हो चुका है तो भी मेरा स्टूडेंट डिस्काउंट अभी चल रहा है भाई. पूरा पूरा चल रहा है. मेरे दोस्त ने मैकबुक अपनी लिया, उसने उस पे मेरे स्टूडेंट उस पे आईडी कार्ड भी चल रहा है. तो अगर आप लोग भी ऐसे हो अपने एप्पल. वन मोर डाउट. या डाउट, व्हिच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर रिकॉर्डिंग वोकल्स एंड प्रोसेसिंग इट? Bro, that's what we are telling, ki it's not like ki there is a best software for this. Ki matlab, you can just record in FL. Sabse badhiya recording will happen in FL or in Pro Tools or Logic. It's not like that. Bro, badhiya recording hogi in your DAW with your great environment. Agar aapke paas acoustic treatment hai, aapke paas ek achha mic hai, you can record in any DAW. You can even record in Audacity. Audacity ke andar aap record kar lo, aapka agar sab kuch badhiya se ho rakha hai, aap record Audacity mein karo jo ki free software hai, and then put it in Ableton. So it's not like, ये कभी भी कंफ्यूज मत होना. हम ये नहीं चाहते कि बेसिला पे जितने भी अच्छा लाइफ पे यहाँ पे कोई भी डॉ में ये चीज नहीं होती कि FL is better, Logic is better, उसका एल्गोरिदम बेटर है, उसका मास्टर बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है. सब बेटर है, बस आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से करना है. कई लोगों को स्टेम्स में रेंडर करके मिक्सिंग मजा आता है प्रो टूल्स में, कई लोगों को अपने गाने के अंदर ही मिक्सिंग करने में मजा आता है. सबका डिफरेंट वे है. यू कैन डू इट एनी वे. मतलब रिकॉर्डिंग भी इसी में करो, प्रोडक्शन भी इसी में करो, मिक्सिंग भी करनी है इसी में करो. अगर ज्यादा अमीर हो तो सब खरीद लो. कि ब्रो आपको बढ़िया यार, आप बहुत सही चीज प्रमोट कर रहे हो कि अपने आप पे बिलीव रखो बेसिकली, यू नो. डॉ से तो फर्क नहीं पड़ता. अगर मेरा अब मेरा डॉ से है ही नहीं, हमने कल ही बात करी है कि माइक से, एनवायरमेंट से, अकूस्टिक से, इन सब चीजों से फर्क पड़ता है. डॉ से फर्क नहीं पड़ेगा. डॉ तो बस एक वैसे कि मैं किससे ज्यादा कंपैटिबल हूँ. मेरे को GT5 ज्यादा पसंद है या फिर मेरे को कोई और गेम ज्यादा पसंद है, तो वो गेम की तरह कौन सा खेलना है. नहीं, ये भाई ने जो क्वेश्चन करा है ना, प्रो टूल्स वाला, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है भाई, बहुत लोगों का. इनफैक्ट मेरे को भी जब मैं 12 से निकला था तो मेरे को यही लगता था कि प्रो टूल्स में करूंगा तो भाई क्या ही हो जाएगा. मतलब मैं कह रहा हूँ प्रो टूल्स चलाओ, बहुत बढ़िया बात है. प्रो टूल्स चलाओ, 500 रुपए देके एक महीने की उसकी वो मिल जाती है सब्सक्रिप्शन, वो लेके चलाओ उसको. पहली बात तो फट जाएगी, चलाया नहीं जाएगा. क्योंकि उसमें कोई ट्रैक नहीं दिखेगा, मास्टर ट्रैक भी नहीं होता उसके अंदर. मिडी ट्रैक अलग होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक अलग होते हैं, वीसीए ट्रैक अलग होते हैं, सराउंड साउंड ट्रैक्स अलग होते हैं, 5.1 सराउंड पता नहीं, बहुत अलग होती है, ग्रुप अलग होती है, बस अलग होता है, ऑक्सिलरी अलग होता है, सब कुछ अलग है. तो उसमें पहली बात तो आप सब कुछ आपको दिखेगा ही नहीं, पूरा ब्लैंक स्लेट मिलेगी आपको, हर चीज बनानी पड़ती है उसमें, मिडी ऑडियो सब कुछ क्रिएट करने पड़ते हैं बिल्कुल ब्लैंक पे. ये जो आपको ये चार ट्रैक दिख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, ये दो, ये कुछ नहीं मिलेगा उसमें. ये भी गायब होगा, इनपुट आउटपुट बस ये मिलेगा उसमें आपको, और ये भी डिलीट होंगे. तो ये सब कुछ सामने होता है. हाँ, इसे मास्टर डिलीट नहीं कर सकते, मास्टर भी डिलीटेड होगा, कुछ नहीं मिलेगा उसमें, मास्टर बनाना पड़ता है. पर मैं ये कह रहा हूँ वो डॉ बहुत अच्छा है, अगर आपने इसको असलियत में बोर्ड के साथ चला लिया मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया डॉ है. बट इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप ट्राई करो, और अगर आपका वर्क फ्लो ये बैठता है कि मुझे प्रोडक्शन करनी है लेकिन फिर मैं चेंजेस करने बैठ जाता हूँ, तो मैं एक प्रो टूल ले लेता हूँ. प्रो टूल सस्ता ही है, प्रो टूल को 24,000 रुपए में पूरा बढ़िया वाला वर्जन मिल जाता है उसका. HD वर्जन जो आता है वो आपको चाहिए नहीं, वो मूवीज के लिए, गेम साउंड के लिए होता है. तो उसको लो और फिर पूरा सेशन प्रो टूल्स में डालो और फिर उसके अंदर मिक्सिंग करना शुरू कर दो. और उसकी मिक्सिंग जनरली बहुत अच्छी होती है. क्यों होती है? क्योंकि वो ना रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपको कि आप बस इतने नंबर ऑफ प्लगइन्स डाल पाओगे एक ट्रैक में, आप इतना ही इसमें वो कर सकते हो. उसके अंदर क्या होता है, उसे कंप्रेशन या EQ में आपको वो भी नहीं दिखता. मतलब कि आपको जैसे इसका विजुअलाइजर भी नहीं है उसमें, डिबेटेबल कुछ भी नहीं. डिबेटेबल नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छा इन द सेंस कि वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. तो बहुत लोग उसको इसलिए अच्छा कहते हैं कि उसके अंदर आपको चीजें कम है ना. अगर मैं Ableton में चीजें चेंजेस करने बैठ जाऊंगा तो फिर प्रो टूल्स में फिर मेरे पास वो चीजें का ऑप्शन नहीं है. प्रो टूल्स का बेस्ट पार्ट है, अगर आप कोई भी स्टूडियो जाओगे ना वहाँ आपको Ableton नहीं दिखेगा और बंदा कहता ओ अब क्या ब्लैंक, इसलिए प्रो टूल्स आना चाहिए. तो और हम तो चाह भी यही रहे कि मतलब जितने भी बंदे यहाँ पे है ना वो कहीं पे भी जाएं, स्टूडियोज में जाएं, कहीं पे भी जाएं. तो अब देखो हमें भी नहीं पता हम क्या बनाएं. मेरा कई बार हमें लगता है बेसिकली पे कैसे डालें, तो आप ही लोगों आप लोगों को हमें गाइड करते रहोगे कि भाई ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए. तो हम भी अगर सीक्वेंस लगाएं तो हम चाहते हैं जितने भी बंदे आ रहे हैं यहाँ पे, कोई भी कवर सॉन्ग आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट है, एटलीस्ट स्टूडियो में जाए तो उसको डर ना लगे कि मुझे बोर्ड समझ नहीं आ रहा या एनालॉग बोल गया, अनबैलेंस्ड केबल बोल गया, ये सब चीजें मुझे पता होनी चाहिए. कई लोगों को लगता है ये पीछे स्पीकर है, कई लोगों से मैंने ये देखा है ये स्पीकर है, जबकि पैनल है. तो बेसिक चीजें जितनी भी हम कवर कर सकते हैं हम कवर कर रहे हैं, किसी को भी डाउट हमसे पूछो. तो आप बस यही है कि आप कोई भी डालो. ऐसे तो मुझे लॉजिक भी बहुत पसंद है, मेरे पास एप्पल का भी लैपटॉप नहीं है बट लॉजिक बहुत सही है, क्योंकि लॉजिक बहुत सस्ता है. लॉजिक सिर्फ 15,000 रुपए का आता है, उसमें सब कुछ है, उसके अंदर सराउंड मिक्सिंग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. वो बहुत तो 15,000 रुपए के अंदर जितनी प्लगइन लॉजिक देता है उतना कोई नहीं देता. बट लॉजिक के लिए फिर उसका हार्डवेयर बहुत महंगा है, आपको एप्पल का लैपटॉप लेना पड़ेगा.
तो हर डॉ के अपने अपनी फीचर्स हैं, अपने अपनी वो है क्या बोलते हैं मतलब प्रोज एंड कॉन्स है। एबल्टन में आप वीडियो के साथ कर सकते हो काम, बट वीडियो ट्रैक एक बार मैं एबल्टन में स्टेम्स लोड करना, मैं एबल्टन में मिक्सिंग करता हूं, बट मेरे को मैं खुद बता रहा हूं मैं एबल्टन में स्टेम लोड करना, एबल्टन घबरा जाएगा i7 प्रोसेसर में। और एक बार FL स्टूडियो में i3 में स्टेम्स लोड करना, मेरे Core 2 में मैं स्टेम्स लोड करता था, Core 2 इजीली चलता था, 2GB रैम, अभी मेरे पास 16GB रैम i7 है, इसमें मैं स्टेम्स डालता हूं जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, पर एक सिंगल एबल्टन घबरा जाता है, उसको स्टेबल होना पड़ता है एबल्टन इस मामले में। हां जी मरकत करता है जब मिक्सिंग करते हैं, हमारे पास मिक्सिंग के लिए प्रोजेक्ट आता है जिसमें 100-150 ट्रैक होते हैं, तो एबल्टन रोने लग जाता है चाहे कितना भी अच्छा वो, वहीं पे FL में डालो FL का स्लो हो जाएगा यार। ये तो हर बंदा मानता होगा FL जितना तेज खुलता है उतना तेज कुछ नहीं खुलता भाई, FL खुलता पर टिंग और खुल गया है। Core 2 में भी इतना तेज खुलता है एबल्टन, इसमें भी कितना टाइम ले लेता है, इसमें एबल्टन भी टाइम लेता है भाई, FL वाला FL जितना तेज तो कोई डॉग खुल ही नहीं सकता, बहुत तेज है। सिर्फ नाम अलग है, FL सबसे इजी है, और इस बंदे ने सब कुछ कह के कह दिया FL सबसे इजी है, लास्ट में बोल गया FL सबसे इजी है भाई, सब इजी है, सब इजी है, कभी भूल नहीं सकता भाई, ने पैसे मिलते ना बोल लेके, क्योंकि FL का बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस देखा मैंने, अच्छी बात है, अच्छी बढ़िया बढ़िया। तो अब मैं हम ट्रैक्स की बात करते हैं वापस से, ऑलरेडी 2.5 घंटे हो गए और हम अपना वो कवर करते हैं एबल्टन, और फिर उसके बाद बातें करते हैं जितनी देर करनी है। तो ऑडियो ट्रैक जो है, अभी कोई यूट्यूब पे देख रहा होगा तो पागल होगा, किसी का यूट्यूब पे क्वेश्चन तो नहीं आ रहा 2.5 घंटे क्या कर, लोगों ने अपना फोन तोड़ दिया लिखा हुआ, अपना फोन फेंका मैंने 2 घंटे से ऊपर हुई लाइव स्ट्रीम, ताजा खबर, कोई अभी देख नहीं रहा कोई क्वेश्चन, वो लोग देख रहे हैं वन वॉचिंग है, पहले वॉचिंग एलन वॉकर भी FL पे बनाते हैं, हां भाई एलन वॉकर क्या अविची भी उस पे बनाता था। तो अब आते हैं ऑडियो ट्रैक्स पे, मिडी ट्रैक्स और इन सब की बात करें तो हमें पता चल गया 4 टाइप के ट्रैक होते हैं, एक वीडियो ट्रैक भी होता है, लेकिन वीडियो ट्रैक इसमें बहुत ही घटिया तरीके से काम करता है, तो आई डोंट प्रमोट इट। एक नॉर्मल जो आपका ऑडियो ट्रैक होता है आपकी ऑडियो इन्फॉर्मेशन रखता है, आपका मिडी ट्रैक जो होता है आपकी मिडी इन्फॉर्मेशन रखता है, एक बार ऑडियो में कोई सैंपल लोड करके। अब देखो हम जैसे एक सैंपल लोड कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट यहाँ पे कवर कर देते हैं, ये वाला पार्ट इज वॉल्यूम, जो सी है सी इज इक्वल टू सेंटर, और सी को अगर हम इधर जाएंगे इस तरफ लेफ्ट आ जाएगा, इस तरफ जाओगे राइट आएगा, एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट। ये होता है सोलो बटन, सोलो बटन कब काम आता है, अगर आपके बहुत सारे ट्रैक हैं एंड यू वांट कि एक स्पेसिफिक, मुझे अपनी सिर्फ वोकल सुननी है पूरे गाने के अंदर, मुझे सिर्फ अपना गिटार सुनना है, तो आप ये सोलो बटन दबाओगे, दिस इज की आपको ट्रैक को डीएक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट येलो बटन की आप चाहते नहीं यार ये वाला टेक अच्छा नहीं था, मैं एक्शन के लिए डिलीट नहीं करता, हाँ, बंद कर देता हूं। इसको बोलते हैं एबल्टन के अंदर ट्रैक एक्टिवेटर, और हमने आपको बताया था आप इन्फो व्यू में जाके चेक कर सकते हो, आप माउस रखोगे इन्फो व्यू बता देगा सोलो, और इसको हर डॉम में बोलते हैं रिकॉर्ड आर्म, आर्म रिकॉर्डिंग, ARM आर्म रिकॉर्डिंग, तो आर्म रिकॉर्डिंग हर डॉम में होती है, अगर आप किसी स्टूडियो जाओगे बोलोगे इसको आर्म कर दो ट्रैक को, तो बेसिक बोल रहा है इस ट्रैक को मेरे को रिकॉर्ड करना है, सिर्फ स्पेसिफिक ट्रैक को। फिर इसके बाद जो ये वाले लेवल्स हैं इस पे भी बात करेंगे, सेंट्स के ट्रैक हैं, तो अगर अभी थोड़ा सा क्लटर्ड हो गया होगा, मैं अगर ही मिटा रहा हूँ इसको यहाँ पे कहाँ से मिलता है, क्लियर, हाँ, तो ये समझ आया किसी को भी, मतलब एकदम से कहीं लग रहा हो कि इतने सारी चीजें बता दी, इसमें कई लोगों के डाउट्स हो गए वो पूछ लो, छोड़ना मत। हाँ तो ये हमने जैसे लेवल यहाँ पे कम करा ना, तो बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे टैब बटन दबा के से स्विच कर सकते हैं यहाँ से राइट साइड में, तो और टैब बटन दबाऊंगा तो भी स्विच हो रहा है, एक सेकंड रुकिए, टैब दबाए रखूं तो घबराता है, नहीं तो अभी टैब बटन दबाया तो देख रहे हो यहाँ पे भी लेवल कम हो गया, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे -30 36 सेट कर रहा हूँ, तो वहां पे जाएंगे तो वहां पे भी 36 हो गया, तो बेसिकली बस वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला सीन है और कुछ नहीं है, आप वहां पे देख भी सकते हो 3 लाइन ऐसे बनी है सीधी और एक बार ऐसे ऐसे खड़े हुए बनी है, तो बस यही सीन है इसमें। तो अब हम देखो इसको ऑडियो वाला है वो वॉल्यूम नॉब है ना, मतलब ये जो ब्लू वाला जिसमें आप 30 -30 हां करेक्ट। हां देखो यहां पे वॉल्यूम कम हुई तो यहां पे भी वॉल्यूम कम हो गया, आप इसको मिक्सर की तरह देख सकते हो, यहां पे मिक्सर की तरह कम हो गया यहां पे। अब देखो यहां पे हमने एक वो डाल दिया ऑडियो फाइल, ये एक ऑडियो फाइल है जो वेव फॉर्मेट में, आप देखो यहाँ पे लिखा भी है 140.wav। फिर इसके अंदर अगर हम कोई मिडी फाइल डालते हैं, लेट्स से कोई मिडी इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट कोई मिडी वो पड़ा पैक, इसके अंदर हम कोई मिडी फाइल डालते हैं जैसे ये, तो देखो यहाँ पे ना ये डलेगी नहीं, क्यों नहीं डलेगी, क्योंकि ये ऑडियो ट्रैक है, तो यहाँ पे नीचे लिखा आ जाता है कि
ऑडियो ट्रैक है इसके अंदर देखो यहाँ पे एक एरो वो बना रहा है, क्रॉस का एरर बना रहा है उसके सामने, ऐसे कैंसिल सा बना रहा है, कैंसिल बना रहा है जहाँ पे EDM लिखा है वो डालने नहीं दे रहा। क्यों नहीं डालने दे रहा? क्योंकि ये ऑडियो ट्रैक है, मिडी ट्रैक नीचे डलेगा इसके, क्योंकि नीचे देखो नीचे डल रहा है लेकिन नीचे भी ऑडियो ट्रैक है, बट नीचे क्यों डल रहा है? नीचे वो उसको कन्वर्ट कर रहा है मिडी ट्रैक में, हाँ वो खाली था। तो Ableton क्या करता है, Ableton काफी शार्प है कि अगर आप ऑडियो फाइल को मिडी, जैसे हमने मिडी ट्रैक बनाया और मिडी ट्रैक के अंदर हमने ऑडियो फाइल डाली तो डल जाएगी क्योंकि अभी तक वो खाली था, तो वो कहेगा ठीक है कोई नहीं, मैं आप तुम्हें ये वाला ट्रैक चाहिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, स्विच कर लेता हूँ। पर अब मैं अगर इसमें मिडी डालने जाऊंगा तो वो कहेगा अब नहीं डल सकती क्योंकि अब ये मिडी ट्रैक बन चुका है। अगर मुझे तब भी डालनी है तो कई बार मेरे को ऑप्शन देता है कि मिडी को पहले कन्वर्ट करो ऑडियो ट्रैक में, तो ये हर टाइम इस तरीके से इसमें आप चेंजेस कर सकते हो कि मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं डालना, मान लो ये ट्रैक ही नहीं है, ये कोई ट्रैक नहीं है और यहाँ पे खाली है, तो भी हम नीचे अगर ऐसे खाली पोर्शन में डाल देंगे तो भी खुद ट्रैक क्रिएट कर देगा, एडजस्ट कर देगा, खुद क्रिएट कर देगा, टाइम सेविंग है। तो अभी हम एक चीज समझते हैं यहाँ पे कि हमें अगर कोई भी वो बनाना हो, ट्रैक्स बनाने हो, अगर हम सारे ट्रैक डिलीट कर दे तो कैसे बनते हैं? देखो लास्ट ट्रैक हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि एक ट्रैक Ableton को चाहिए ही चाहिए, तो लास्ट ट्रैक डिलीट नहीं होगा। तो अब जो ये खाली स्पेस है, दिस स्पेस, इस स्पेस के अंदर आप राइट क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि हाँ इंसर्ट ऑडियो ट्रैक, इंसर्ट मिडी ट्रैक, इंसर्ट रिटर्न ट्रैक। तो हमने तीन ट्रैक समझा था और एक मास्टर समझा था। तो ऑडियो ट्रैक डालोगे तो ऑडियो सैंपल के लिए, मिडी ट्रैक डालोगे तो मिडी के लिए, और रिटर्न ट्रैक डालोगे तो ये नीचे बन जाएंगे ये सेंड। इस पर भी हम बात करते हैं क्या होते हैं। तो अब मिडी ट्रैक में हम, आपने सबको डाउट होगा पियानो रोल कैसे खुलता है, तो पियानो रोल कैसे खुलता है, हम कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे 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 कंट्रोल शिफ्ट एम और ये पियानो रोल खुल जाएगा। यहाँ पे आपका थोड़ा इस तरह खुलेगा, नीचे को ऐसे खुल, घबरा गया ये तो। आपका थोड़ा इस टाइप खुलेगा, आपको यहाँ पे नॉर्मली जैसे हम विंडोज में भी यूज करते हैं किसी चीज को एक्सपैंड करने के लिए, तो एक्सपैंड टूल से आप एक्सपैंड ऐसे एक्सपैंड कर सकते हो यहाँ से थोड़ा बहुत, और F11 जरूर हिट कर देना, F11 से फुल स्क्रीन होगी, F11 से पूरा वो पूरा फुल स्क्रीन में आ जाएगा आपका Ableton। तो यहाँ पे सबको समझ आया कि ऑडियो ट्रैक कैसे बनते हैं, मिडी ट्रैक कैसे बनते हैं, और यहाँ पे हम ऐसे रीजन सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक भी करेंगे तो आएगा इंसर्ट एम्प्टी मिडी क्लिप, और सबके देखो राइट में शॉर्टकट आ रहे हैं सबके, कंट्रोल शिफ्ट एम शॉर्टकट है, और इसको फिर मैं ड्रैग कर सकता हूँ ऊपर से पकड़ के, और फिर इसके अंदर हम पियानो के अंदर बना सकते हैं। अच्छा अब एक मेन चीज, जूम कैसे करते हैं, जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं? ऊपर माउस रखोगे जहाँ पे 2-3 लिखा है, ये 2-2.2, यहाँ पे माउस रखोगे, नीचे को ड्रैग करोगे, ऊपर को करोगे, तब जूम इन जूम आउट कर सकते हो, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली जूम कर पा रहे हो, और जहाँ नोट्स लिखे हैं, जहाँ पे नोट्स लिखे हैं वहां पे आप ऐसे जूम इन ड्रैग करोगे, ऐसे ऐसे आपका पूरा जूम इन जूम आउट कर सकते हो आप, कि मुझे ट्रैक थोड़ा जूम करके देखना है या फिर थोड़ा कम करना है। स्टॉक में इस तरह आ जाता है ना, ये आ जाता है इतना हाँ। छोटा, तो लोग बोलते हैं ये क्या हो गया, तो इस पर क्लिक करो, माउस को लेफ्ट या राइट घुमाओ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आप जाके बार बार यूट्यूब पे देख लेना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप ये चीज भूल जाओगे, तो आप Ableton में ये चीज अगर चलाना शुरू करते हो ये देख लेना। उसके बाद रिकॉर्डिंग कैसे होती है, ऑडियो ट्रैक को अगर हम देखो रिकॉर्ड बटन दबाएंगे तो रिकॉर्ड बटन से रिकॉर्ड होता नहीं है। देखो जनरली अगर मैं सिर्फ रिकॉर्ड बटन दबाऊंगा कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा, और देख रहे हो ये लाइन चल रही है, इसको हम प्लेहेड बोलते हैं, जो लाइन चल रही है, ये लाइन जो चल रही है ये वाली, तो इस लाइन को रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि क्या नहीं ऑन, हमने बात करी थी ऑन करना पड़ता है एक बटन, रिकॉर्डिंग, कौन सी रिकॉर्डिंग, एक नाम था उसका, डॉट वाली रिकॉर्डिंग बटन है वो, आर्म रिकॉर्डिंग, करेक्ट, आर्म रिकॉर्डिंग ऑन करी, अब देखो ये स्टार्ट हो गया, अभी इसमें हम इनपुट भी देते हैं, अब देखो एक सेकंड, हाँ अभी देखो आवाज आनी शुरू हो गई, अब इसके बाद रिकॉर्डिंग चल रही थी। हेलो चेक, वेलकम बैक टू बेसिला, व्हाट्स अप, तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, हेलो चेक, वेलकम बैक टू बेसिला, व्हाट्स अप, और यहाँ से हम रिवर्ब रिवर्ब जो हम सेंड करते हैं, वेलकम बैक टू बेसिला, व्हाट्स अप, ये तो वो लग रहा रामलीला, बेसिला बना भी ऐसी था, रामलीला से ही नाम आया था ना, बेसिला बना भी ऐसी था, चेक वेलकम बैक टू बेसिला, मैं हंस रहा था और वो रावण जैसी साउंड आ रही थी, मैंने कहा भाई वेलकम क्या बोलते हैं, रामलीला में आपका स्वागत है, तो बोल रहा बेसिला में स्वागत है, बेसिला बन गया वो। तो ऑडियो ट्रैक आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड ऑन करते हैं। सेम चीज मिडी में, हम मिडी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, मिडी इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए आपका मिडी कीबोर्ड कनेक्ट होना चाहिए या फिर ये वाला बटन ऊपर,
जहाँ पे कंप्यूटर, देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है साइड में लेफ्ट में इन्फो व्यू में, कंप्यूटर मिडी कीबोर्ड, कंप्यूटर मिडी कीबोर्ड लेफ्ट कॉर्नर में, क्योंकि अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो आपको सही फटाफट मिडी कीबोर्ड आए तो आप कीबोर्ड को भी अपना मिडी कीबोर्ड बना सकते हो नॉर्मल टाइपिंग। अब देखो इस पर रिकॉर्ड करना है, मैं रिकॉर्ड बटन दबाया, आर्म रिकॉर्डिंग स्टार्ट, वेलकम बैक। अरे भाई हां हेलो भैया, वो कीबोर्ड, कीबोर्ड को कैसे मिडी, सॉरी जो कीबोर्ड है ये अपना कंप्यूटर का, उसको मिडी के जैसा कैसे यूज कर सकते हैं? ये बटन दिख रहा है स्क्रीन पे, यहां पे जहां पेंसिल टूल है इसके पास में, मत जूम कर, वो नहीं होता फिर। अच्छा इसको आप देखो यहाँ पे ये वाला M या फिर M बटन दबा के ऑन ऑफ कर सकते हो, ये पियानो वाला बटन, M बटन, ये वाला बटन देखो पियानो, हाईलाइट कर दे। हाँ इसको ऑन करते हो तो देखो इस पे अगर माउस भी रखते हैं तो ये बोलता है कंप्यूटर मिडी कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड, ये देखो इन्फो व्यू देखो राइट में अपने कंप्यूटर मिडी कीबोर्ड, और अपने कीबोर्ड पे ए देख पा रहे हो, ए ए जो की है तो ए सी है, और जो डब्ल्यू है वो सी शार्प है, और फिर जो उसके अगली की है एस, जो कीबोर्ड पे देखो अपने ए तो था सी, डब्ल्यू था सी शार्प, तो एस है डी, फिर ई है डी शार्प, और ऐसे वो आगे बढ़ रहा है। तो वो बेसिकली आप प्ले कर लेना, तो आप देखो मैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कुछ भी बटन दबा रहा हूं मैं लैपटॉप पे, जी एच बी ये सब, तो ये देखो ये कुछ नोट्स बन गए यहां पे। हां मैंने एफएल पे था तभी मैंने सभी कीज के नाम लिख के चिपका लिए थे कीबोर्ड के ऊपर। हाँ मतलब उसमें इसमें ए जो है जैसे उत्कर्ष बता रहा है ए एस डी एफ जी एच, ये सारे व्हाइट नोट्स हैं, हाँ, और ऊपर वाले सारे ब्लैक नोट्स हैं, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई वाली जो लाइन है वो पूरी ब्लैक नोट वाली लाइन है, और ए एस डी एफ जी एच वाली लाइन सारी व्हाइट नोट्स। और इसमें एक चीज है जो एफएल में नहीं हो सकती कभी, शिफ्ट कर सकते हो उसमें। हाँ मैं वही बोलने वाला था, तो इसके अंदर जैसे अगर करते हैं एक मिनट, देखो हम अब देखो यहाँ पे अभी हमें ऑडियो ट्रैक मिडी ट्रैक समझ आ गया ना, अब यहाँ पे कुछ साउंड्स होती हैं, जैसे हम साउंड एबल्टन में फ्री में कुछ साउंड्स मिल रही हैं, कुछ ड्रम ट्रैक मिल रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या है जो एबल्टन ने खुद के इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए, गिटार इंस्ट्रूमेंट प्लग इन, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लग इन से बनाया उन्होंने, लाइक उसमें एनालॉग एक प्लग इन है, कोलिजन एक प्लग इन है, इनके अंदर उन्होंने प्रोग्राम करा हुआ है पियानो को, उन्होंने बहुत सारी मतलब वो बना रखे साउंड्स, गिटार पियानो वायलिन ये सारी चीजें। फिर ऑडियो इफेक्ट्स, वो इफेक्ट्स होते हैं जैसे हमें अगर ऑडियो इफेक्ट डालना है, देखो एबल्टन में कितना ईजी है कि ईक्यू पे गया, ईक्यू इसके ऊपर मैंने ड्रैग करा यहाँ पे आ जाएगा सामने, या फिर इसके नाम पे ड्रैग करा तो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर नीचे भी ड्रैग कर सकता हूँ ऐसे। तो एबल्ट अब अगर इसको एफएल से रिलेट करना है किसी को भी, तो एफएल में क्या होता था, आप एक ऑडियो ट्रैक बनाते हो पहले अपने इसके अंदर, जहाँ पे आपका वो किक वाले वो आ रहे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सीक्वेंसर होता है उसको, वो इसको फिर आप चैनल ट्रैक को करते हो अपने मास्टर से, मिक्सर से अपने वो करते हो कनेक्ट, वन नंबर देते हो आप 1 2 3 4 नंबर, मिक्सर भी यहाँ पे शायद से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे आप क्या आते हैं ईक्यू कंप्रेशन रिवर्ब आप प्लगइन डाल सकते हो। तो ये तीन स्टेप में होता है कि पहले आपको चैनल इसमें करना पड़ता है, इसमें क्या होता है कुछ भी नहीं, यहीं पे अरेंजमेंट हो जाती है, यहीं पे ऑडियो इफेक्ट डल जाते हैं लेयर्स में, और इसमें अनलिमिटेड ऑडियो इफेक्ट डाल सकते हैं जितना आपका सीपीयू लोड सपोर्ट करता है, इसमें 10-12 का कोई सीन नहीं होता, कितने भी डालो। एबल्टन बहुत ज्यादा फास्ट इस मामले में है कि क्योंकि एबल्टन लाइव के लिए बनाता है, लाइव म्यूजिक प्ले करने के लिए, तो सब कुछ सामने सामने होना चाहिए। तो देखो ईक्यू डाला, ईक्यू डल गया सामने, यहीं पे इफेक्ट करने लगा, सब कुछ सामने फास्ट, और इन दोनों को ग्रुप भी करना है एक साथ, तो ऐसे दोनों को सिलेक्ट करा शिफ्ट दबा के कंट्रोल जी, तो अब ये दोनों एक साथ ग्रुप में आ गए, अब इनको एक साथ इफेक्ट कर सकते हैं, एक साथ बंद भी कर सकते हैं, एक साथ ऑन भी कर सकते हैं, अगर आपको सारी चीज एक साथ बंद करके सुननी है। तो ये काफी एडवांस चीज है, ये भी आप कर सकते हो इसके अंदर। तो ऑडियो इफेक्ट डल जाते हैं इसके अंदर ऐसे, मतलब कहीं पे भी। फिर मिडी इफेक्ट्स होते हैं जो मिडी को इफेक्ट करते हैं, अगर हमने कुछ बनाया तो उसको हम आर्प में क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे से बहुत सो ऑन, बहुत सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम जो साउंड की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे चलते हैं साउंड में, गिटार में गए, हमने कोई भी गिटार की साउंड सुनी, ये अच्छा लग रहा है, और ये मिडी ट्रैक में डाल दिया हमने। तो देखो एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो गया, एक अलग सा एक यहाँ पे एक चीज क्रिएट हो गई है, इंस्ट्रूमेंट ये उन्होंने खुद से डिजाइन करी हुई, कोड करी हुई है, ये सिर्फ आप उसी पे लोड कर पाओगे मिडी ट्रैक पे। अगर आप ऑडियो ट्रैक पे इंस्ट्रूमेंट डालोगे तो या तो वो कन्वर्ट कर लेगा या फिर बोल देगा होगा। हाँ, अगर उसको पहले से कुछ डालोगे तो देखो यहाँ पे लिखा रहेगा, नीचे साइन आ रहा है, नीचे क्या लिखा रहा है, ओनली ऑडियो इफेक्ट्स कैन बी इंसर्टेड इनटू एन ऑडियो ट्रैक। हाँ, तो इसके बाद आपने क्या करना है, अपना हमने मिडी वाला ऑन करा, अब प्ले कर रहे हैं, अभी प्ले नहीं हो रहा, क्यों नहीं प्ले हो रही, आवाज क्यों नहीं आ रही, यहाँ पे ना आई एन और ऑफ करके 2-3 बटन है, अगर ये बंद होंगे ऑफ पे होगा तो हमें अपना इनपुट नहीं आएगा, ऑटो पे होगा तो इनपुट होगा, तो इनपुट तभी आएगा जब आर्म रिकॉर्डिंग ऑन होगी। हाँ, और आर्म रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होगी तो इनपुट नहीं आएगा, और इन पे जो मर्जी कर लो आता रहेगा। तो जनरली आप अपना सारी सेटिंग ऑटो पे छोड़ना,
क्योंकि अगर मुझे को ये सुनना है तभी मैं आम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, अगर किसी को भी डाउट होगा ना तो व्हाट्सएप में अगर सेशन के एंड में पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा हमें फास्ट जाना पड़ेगा क्योंकि काफी कम टाइम बचा है हमारे पास। ब्रो इसमें सैंपल का बीपीएम कैसे चेंज कैसे करते हैं? ब्रो इसमें खुद ही चेंज हो जाता है, बाकी अभी बताते हैं वाली चीज। हाँ निखिल पूछ रहा है। तो इसके अंदर आप देखो अभी क्या हुआ, उत्कर प्रखर ने बोला था कि हम जब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेट्स से हम यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब मुझे एक ऑक्टेव नीचे जाना है तो जेड बटन दबाऊंगा, और अगर मुझे एक ऑक्टेव ऊपर जाना है तो एक्स बटन दबाऊंगा, और ऊपर जाना एक्स। डेड से नीचे एक्स से ऊपर, और वी से वेलोसिटी भी कम कर सकता हूं मैं इसकी, और बढ़ा सकता हूं सी से कम कर सकता हूं। देखो नीचे, देखो सबसे नीचे कंप्यूटर कीबोर्ड यू आर करंटली प्लेइंग विद वेलोसिटी आ रहा है। देखो यहां पे लिखा आ रहा है, क्लिक करके चेंज कर दियो। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं सही कर रहा हूं इसको। कर तो अब सी से देखो वेलोसिटी नीचे देखो कम हो रही है, जहां सर्कल बना है, और वी दबाऊंगा तो वेलोसिटी लाउड होगी। वेलोसिटी क्या होती है, उसकी लाउडनेस बढ़ जाएगी, एक तरीके से आप समझ सकते हो वेलोसिटी इज लाइक लाउडनेस। थोड़ा अलग होता है बट थोड़ा सा अलग होता है, वेलोसिटी होता है कितने तेज आप टच कर रहे हो, बड़े कीबोर्ड पे नहीं हो पाएगा आपका, आपके मिडी कीबोर्ड पे होगा कि आप कितने धीरे से टच कर रहे हो तो वेलोसिटी कम आएगी, कितने ज्यादा तेज से टच कर रहे हो। बटन दे दिया कि आप सी और वी से उसको एडजस्ट कर सकते हो। हां आप सी और वी से उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो बस ये ऐसे देखो अभी सारा रिकॉर्ड हो गया जितना भी हमने करा है यहां पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो किसी का डाउट इसमें जेड और वी और सी और वी इन सब में, वेलोसिटी इन सब चीजों में? नहीं नहीं। तो अब आप लोग बताओ, अब क्योंकि देखो सेशन ऐसा है कि हम एबल्टन कितना भी लंबा बता सकते हैं आप लोगों को, रिकॉर्डिंग आप लोगों को पता चल गई, ऑडियो इफेक्ट और प्लगइन डालने आ गए। तो ये बेसिक ऐसा है कि किसी को भी डॉ में इतना तो आना ही चाहिए। उसके बाद और ऐसी कोई चीज है जो आप सीखना चाहते हो, कोई भी नया बंदा जिसको रिकॉर्डिंग करनी है बट उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, और इससे एक दो चीजें उसको और सीखनी है कि एडिट कैसे करते हैं ऑडियो को, ये सब चीजें तो हम वो कवर कर लेते हैं। अदरवाइज ये एबल्टन तो फिर हम चार घंटे भी करते रहेंगे, सेशन चलता ही रहेगा। बताओ आप लोग अनम्यूट कर लो और बता सकते हो। तुषार आई एम म्यूजिस गुरु, किसी को भी कोई भी अगर कोई चीज नई चीज कोई सीखनी है इसमें तो आप वो लोग चीजें बता दो और हम वो एक दो चीजें बता देते हैं आपको, वरना अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। ब्रो मेरे को तो वही जानना था, ब्रह्मा का ड्रॉप वाला पार्ट। ब्रह्मा का ड्रॉप वाला पार्ट जानना है ब्रो, वो एक अलग से साउंड डीकंस्ट्रक्शन में कर लेंगे कोई, क्योंकि इसमें सेशन में खोलेंगे तो ब्रह्मा तो अभी खुलते खुलते टाइम लगा देगा आधा घंटा। ब्रह्मा खुलने में 15 मिनट 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, ब्रह्मा वो ज्यादा बड़ा ट्रैक है। ठीक है आप बता देना, आप ग्रुप में डाल देना, एक दिन किसी दिन वो कर लेंगे ऐसी वर्कशॉप जिसमें हम सिर्फ गाने डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक दूसरे। आप लोग वो फिर उस प्रॉपर उसी पे रख लेंगे, क्योंकि अभी हम भी थोड़े थक चुके हैं दो घंटे 40 मिनट से। हाँ ठीक है भाई। नहीं नहीं बताओ कुछ अभी, कोई वैसे कोई डाउट है तो वो रिकॉर्डिंग और वो भी कवर कर लें, और कोई चीज की डाउट नहीं है क्योंकि डॉ में बहुत चीजें हैं, बहुत सारी चीजें भी स्किप हुई हैं और वो चीजें हो सकती थी इसके अंदर, बट वो अगर हम कवर करेंगे तो आप वही कर सकते हैं जो आपको अपने एबल्टन या आपको पता है कि यार मैंने रिकॉर्डिंग तो समझ आ गई बट अब मुझे इसमें एडिटिंग करनी है, कुछ भी ऐसी कोई चीज सीखनी है। क्या स्टॉक प्लगइन्स बस है या बाहर से यूज करनी चाहिए? ब्रो एबल्टन में या फिर किसी भी डॉ में स्टॉक बहुत होता है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो स्टॉक से सीखो, क्योंकि आपको पहले आना चाहिए ये सारे टूल्स काम करते कैसे। एक बार और टूल्स अगर उसके पार्ट ये एबल्टन में अगर आप स्टॉक यूज करते हो और किसी भी चीज पे माउस रखते हो तो लेफ्ट कॉर्नर में पता लग जाएगा वो क्या है, बट आप थर्ड पार्टी यूज कर लोगे तो और किसी पे माउस रखोगे वो नहीं बताएगा आपको। मैनुअल आप बाकी देखो, अगर आप बहुत ही अच्छे अगर आपको रीड वीड कर सकते हो तो मैनुअल पढ़ो। हाँ, वो भी और उन चीजों में ग्लू कंप्रेसर अच्छे से एबल्टन ने खुद एक्सप्लेन करा हुआ है। ट्राई करो ये आपके ऊपर, आप अगर आप चाहते हो आपका बजट है या फिर कोई फ्री प्लगइन आपको मिल रहा है इतना अच्छा है तो आप थर्ड पार्टी डालो खेलो, एक्सपेरिमेंट। म्यूजिक इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग और खेलना यार, अगर जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, और जितनी टाइम कितना एक घंटा दो घंटा तीन रोज घंटे भर काम करते रहोगे तो खुद ही एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा, रोज अगर एक दो तीन घंटे भी काम कर रहे हो।
और मजा आता है, एक बार गाना कुछ बनने लगता है, एक छोटा सा पीस गाने का बनता है, फिर वो पता ही नहीं लगता, तीन चार घंटे का निकल जाता है। अच्छा तो अभी अभी कुछ है फिर मैं अभी हमने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी है, बाकी हम लोग बात कर सकते हैं, किसी को गाना सुनाना है, कुछ सुनाना है, कुछ भी करना है वो कर लेते हैं। ब्रो सैंपल का बीपीएम हमारे वो भी देखता रहियो यूट्यूब पे क्या रहा है। हाँ, मैं वो भी ब्रो सैंपल का बीपीएम हमारे बीपीएम से मैच करता है, लाइक जैसे एक सैंपल का 125 बीपीएम है, मेरा 140 है। हाँ तो ब्रो देखो इस पे प्रखर एक सेकंड स्क्रीन दियो, एक ऑफिस एक सेकंड देता हूं। अबे यश यश पूछ रहे हैं कि ब्रो इसमें एफएल जैसा घोस्ट नोट नहीं बोल होते क्या? एफएल में घोस्ट नोट क्या होता था? एफएल में घोस्ट नोट होता था कि एक ट्रैक बनाया आपने उसके नीचे और ट्रैक भी बन जाते थे, एक ही से सारे ट्रिगर होते हैं ना। हाँ एक ही से सारे ट्रिगर नहीं होते, मैं बताता हूँ। नहीं ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊँ। घोस्ट नोट बेसिकली ये होता है आपका कि ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मिडी ट्रैक्स बने हुए हैं और एक ट्रैक लेट्स से ग्रीन है और इसके अंदर हमने कॉर्ड बना ली, ऐसे से कुछ भी बना ली हमने इसके अंदर। अब जब मैं नेक्स्ट ट्रैक के अंदर ये चीज बनाऊंगा तो नेक्स्ट ट्रैक के अंदर वो थोड़ी बहुत उसकी ओवरले दिखती रहेगी कि हाँ इसके अंदर कुछ है। तो एबल्टन में कैसे होता है, अगर आप ये दोनों ट्रैक सिलेक्ट करो और इसके अंदर आप अगर एक पे क्लिक करोगे, दूसरे पे क्लिक करोगे, उसके नीचे ऊपर आ जाएगा। तो अगर मैं पिंक वाले पे क्लिक करूंगा मैं इसके ऊपर बना सकता हूँ और मेरा ग्रीन वाला मैं छुपा भी सकता हूँ, देखो ऐसे करके कि मैं पूरा सिलेक्ट करा और जीरो बटन दबा दिया, तो जीरो से अभी देखो यहाँ पे करता हूँ, हाँ देखो हाइड हो गया वो, ऐसे वो प्लेन ही हो रहा बट वो दिख रहा है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, उसका पियानो रोल बहुत ही सही है एफएल का, उसे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट इसमें आप दो चीजें सिलेक्ट करके फिर ओपन करोगे तो आपको एक ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे तीन लाइनें बनी आ रही हैं अलग अलग, तो आप चूज कर सकते हो कि आपको किसके ऊपर देखना है। अगर उस पर करोगे तो होता है जिससे हम जस्ट सिग्नल भेज, वो नहीं, वो तो गोस्ट ट्रिगरिंग टाइप हो गया, ट्रिगरिंग ट्रैक है। तो पियानो और क्वेश्चन है यश भाई, एबिटन 11 में न्यूज। अच्छा एक का डाउट था भी यहाँ पे आई थिंक चार्ट में कि सैंपल पैक का निखिल का, तो निखिल जैसे अगर मान लो हमारा सैंपल अभी हम 140 पे यहाँ पे कर रहे हैं, तो 140 पे हमने अपने सैंपल पैक में गए और ये एक लूप उठा के डाल दिया। अब एबल्टन काफी शार्प है इस मामले में, जैसे एफएल में मैं वापस उसमें लाना पड़ता टाइमिंग में, मैं यहाँ पे जाऊंगा इंस्ट्रूमेंट में जाऊंगा और ये ब्रास लेता हूँ 180 की, तो ये 180 को उठा के भी 40 नीचे कर देगा खुद और टाइम में ले आएगा। देखो हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, ये टाइम में, और ये देखो खुद ही टाइम में आ गया। बट अगर आप ये एबल्टन खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि वो जो आपने ऑडियो सैंपल डाला उसके बीपीएम के, और अगर आप देखना चाहते हो डिटेक्ट करके कहाँ रखते हो तो आप इस पर डबल क्लिक करो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा बीपीएम आ रहा है देखो उसकी वाली। और अगर आपको इसको छेड़ा छाड़ी करनी है इसके साथ तो आप वॉप पे क्लिक करो, अभी देखो 140 हो गए। अब ये हो गए जैसे एफएल में होती है कि ऐसे हमें स्ट्रेच करना पड़ता है धीरे धीरे, ये मैं शिफ्ट दबा के ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आप इसमें खुद कर देता है इसमें। इसको एबल्टन फेमस ही इसलिए हुआ था कि इसकी वार्पिंग जो है वो काफी फास्ट है, मतलब कुछ भी डालोगे वो खुद ही इसमें ग्रिड में आ जाएगा। आप इवन 100 बीपीएम डाल दो 140। और आप एक चीज देखोगे कि अगर आप दूसरे डॉम में 10-20 बीपीएम नीचे ऊपर करते हो तो अजीब सा साउंड करने लग जाता है, इसमें इसकी वार्पिंग इतनी फास्ट है कि वो करने नहीं देता उसका, वो स्मूथ ही साउंड करता है। बल्कि कई लोगों को मैंने देखा है जो लॉजिक भी यूज करते हैं, वो सिर्फ मिक्सिंग रिमिक्सिंग करने के लिए एबल्टन चलाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मतलब डैनिक करके एक आर्टिस्ट है, बहुत सारे आर्टिस्ट सिर्फ इसमें रिमिक्स करते हैं, रिमिक्स लोग इसमें जनरली करते हैं, सिर्फ रिमिक्सिंग के लिए भी एबल्टन यूज करते हैं। अच्छा हमने यहाँ पे आपका डाउट निखिल क्लियर हो गया, एबल्टन इज अ आईओएस ऑफ डॉल ऑल। हाँ इसमें आईओएस ही ब्रो, ये बहुत ही इजी है, हर चीज इसमें सामने सामने ही है। तो आप देख रहे हो मतलब ऑडियो इफेक्ट इसमें आप ऐसे डाल पा रहे हो, ऊपर ड्रैग करो आ गया सामने, मैं इसको अभी कंप्रेस कर रहा हूँ। अब हमने एक चीज की बात नहीं थी सेंड ट्रैक की, तो हम बेसिक में सेंड समझ लेते हैं। हमने एक रिटर्न, हमने सारे सेंड डिलीट कर दिए, डिलीट डिलीट डिलीट। अब सेंड क्या होता है, बेसिकली हमने एक रिटर्न ट्रैक बनाया, ये रिटर्न ट्रैक देखो खाली है, इसमें हम ऑडियो में गए और हमने ऑडियो में कहा हमें रिवर्ब चाहिए, हमने रिवर्ब डाल दिया, इसका नाम हो गया रिवर्ब। देखो खुद उसने रीनेम कर दिया रिवर्ब। रिवर्ब की आपको जैसे भी कोई भी सेटिंग करनी कर लो, पर हम बस सेंड में क्या करते हैं, हम जो ड्राई वेट होता है वो 100% कर देते हैं कि हमें पूरा वेट सिग्नल चाहिए, क्योंकि हम क्या है वो यहाँ से कंट्रोल करेंगे उसका ड्राई वेट या जितना हमें सिग्नल भेजना है उसके अंदर। ड्राई वेट क्या होता है, ड्राई वेट होता है कि हमें सिग्नल का कितना पोर्शन भेजना है रिवर्ब के अंदर या किसी भी प्लगइन के अंदर।
तो अब क्या हो रहा है, हमें ये रिवर्ब देखो खाली, अभी हमें ब्रास खाली सुनाई दे रही है। अब देखो यहाँ पे ये वाली नॉब नहीं थी पहले, ये वाली गायब हो गई थी, जब मैं डिलीट करूंगा देखो ये गायब हो गई, कंट्रोल जेड करा वापसी आ गई। तो ये क्या है, सेंड की नॉब है, अगर टैब दबाओगे देखो यहाँ पे, देखो सेंड लिखा है यहाँ पे, सेम चीज है सेम व्यू में, दूसरे व्यू में ऐसे है। इसमें हम देखो वैल्यू सेट कर रहे हैं, तो ये हम सेट कर सकते हैं इससे, और इस पर राइट क्लिक करोगे शो ऑटोमेशन आता है, हमने ऑटोमेशन सेट कर दी यहाँ पे ऐसे। ऑटोमेशन अलावा एक बार वापस से बताना, ऑटोमेशन राइट क्लिक करो किसी भी पैरामीटर पे जो ऑटोमेट जिस पर ऑटोमेशन बन पाएंगी, लाइक वॉल्यूम को ऑटोमेट करना है, राइट क्लिक शो ऑटोमेशन, ऑटोमेशन की देखो एक लाइन बनी आ जाएगी, और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है देखो ट्रैक वॉल्यूम, अगर मैं इधर क्लिक करूंगा शो ऑटोमेशन करूंगा तो देखो रिवर्ब लिखा आ गया नीचे यहाँ पे, तो मैंने शो ऑटोमेशन पे क्लिक करा, ये लाइन बनी आई देखो यहाँ पे 0.53 dB हो रखा है, यहाँ पे क्लिक करा ऐसे, और B से पेंसिल बन जाता है, और B से पेंसिल टूल हट जाता है। ऑटोमेशन में जनरली पेंसिल टूल मत यूज करना, एक एक डॉट यहाँ बनाया, एक डॉट मैंने यहाँ बनाया, इस वाले डॉट को नीचे खींच दिया तो नीचे से ऊपर हो गया, अभी नीचे से ऊपर हो गई, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रही है ऐसे से। उसके बाद ही फेड होती चली जाए, उसके बाद थोड़ी कम हो जाए, रीजन बीइंग लेट्स सपोज इसमें रैप वोकल्स आएंगे आगे। हाँ, तो हमने क्या करा, अब हमने ऐसी सेम चीज देखो यहाँ पे और भी बना सकते, हमने शो ऑटोमेशन करा रिवर्ब का, रिवर्ब सेम रखा और इधर बढ़ा दिया क्योंकि फेड चाहिए लेकिन हमें धीरे धीरे वो रिवर्ब ज्यादा चाहिए, तो अब देखो कैसे साउंड कर रहा है। वो कम होता जा रहा है, तो आप बहुत सारी चीजें इसमें ऐसे कर सकते हो, और वही है बहुत एडवांस चीजें कर सकते हो, वो हम भी हम बस बेसिक में चीजें सीख रहे हैं, पर आप लोग बता देना कि हमें ये चीज सीखनी है, अगर स्पेसिफिक एक एक वीडियो बनानी है मेबल्टन में वैसे बना लेंगे, अगर किसी को कोर्स में मजा आता है तो कोर्स टाइप की कोशिश करेंगे कि कोर्स बना लेंगे जल्दी से मेबल्टन। थर्ड पार्टी प्लगइन के लिए ऑटोमेशन फटाफट से करके, थर्ड पार्टी में प्लगइन करनी है, कर दे तू कर दे, जैसे आपने कोई प्लगइन चूज करा कोई भी कर दे सामने कर दे, और ये रहा हमारा था एक थर्ड पार्टी प्लगइन जो भी हमने डाला था। अब सपोज मेरे को इस नॉब को ऑटोमेट करना है, तो मैंने इसको क्लिक करा, देखो वहां पे लाइन बनी आ गई एबल्टन पे देखो, और अगर नहीं आती लाइन बनी देखो जो बन रही है, तो इस छोटे से एरो पे क्लिक करो, ये सारे पैरामीटर्स दिख रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सिंक हो रखा है, सारी नॉब इसके अंदर ऐसे पैरामीटर दिख रही हैं। बट आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो और आपको जो भी नॉब को ऑटोमेट करना उसमें सिलेक्ट करो, तो क्या होगा यहाँ पे पॉप कर जाएगी, जैसे इस तरह पे ऑलरेडी ही हो रखी है, यहाँ पे पॉप कर जाएगी, और राइट क्लिक करके उस पर शो ऑटोमेशन कर लो और फिर उसकी ऑटोमेशन बना लो। देखो जैसे अब मैं इसको प्ले करूंगा वो पैरामीटर ऑटोमेट होने लग गया ये वाला, तो कुछ नहीं करना, वो प्लगइन खोलना है, छोटे एरो पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है, जिस भी पैरामीटर को ऑटोमेट करना है उस पर क्लिक करना है, यहाँ पॉप हो जाएगा इस छोटी सी विंडो में, और यहाँ से राइट क्लिक ऑटोमेशन कोई भी प्लगइन, बस हाँ बस ये राइट एरो कॉन्फ़िगर और बस उसका नॉब हिला दो वहाँ पे, वो बन जाएगा। और अगर ये व्हाइट हो गया ना, ये व्हाइट वाला, तो राइट क्लिक करना या फिर राइट क्लिक मत करना, यहाँ पे देखो ऊपर एक एरो बना आ रहा है, इस एरो को दबा देना, ये वापस से ठीक हो जाएगा। अब FL में क्या होता है, ऑटोमेशन अगर ऑटोमेशन कर रखी है आपने किसी भी चीज को, उस पैरामीटर को हिला देते हो तो अपने वापस पोजीशन पे आ जाता है, बट एबल्टन कहता है आपने ऑटोमेशन छेड़ दी, ऊपर रेड साइन ऑन हो जाता है, रेड साइन एकदम से ऑन हो जाएगा कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो जब तक आप रेड साइन को दोबारा क्लिक नहीं करोगे तो ऑटोमेशन काम नहीं करेगी, और रेड साइन पे अगर क्लिक कर दोगे तो ही वो काम करेगी, डिसेबल हो जाती है वो। FL की तरह नहीं है कि एबल्टन कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, वो हिला दी वहां कोई क्वेश्चन एक दो है, रुक गया। तो अभी ये तुषार कुछ भी तो बताओ, आप लोग अब तो हम थोड़े से लोग बचे हैं, कोई भी कोई डाउट उसके बारे में, कोई भी कोई टिप कुछ भी चाहिए हमें भी दे दो, कोई टिप्स बढ़िया अगर कुछ आप लोगों ने नया सीखा। इसमें कोई पूछ रहा है एबल्टन 11 में जो न्यू स्लाइड फीचर है वो MPE कंट्रोलर, MPE हाँ
एमपी उसको कैसे यूज करते हैं उसके लिए यार, वो कोई थर्ड पार्टी प्लगइन चाहिए होगा जिसमें एमपी सपोर्टेड हो। एमपी के लिए ब्रो वो एमपी तभी ज्यादा अच्छे से काम करेगा, होता बट उसको अभी हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई थर्ड पार्टी प्लगइन सपोर्टेड नहीं है। आप कोई भी जैसे यहाँ पे आपने कोई प्लगइन डाल लिया जो आपने परचेज कर रखा है और जो एमपी सपोर्टेड है, प्लस आपके पास एक मिडी कीबोर्ड है जो वो भी एमपी सपोर्टेड है। रोली कीबोर्ड एक आता है, रोली सी बोर्ड, वो एमपी से चलता है, उसमें आप ऐसे हाथ से ग्लाइड करोगे तो वो पिच ग्लाइड होने लग जाती है उसके अंदर। बट अगर आपको आपके पास कीबोर्ड नहीं है बट आपने वो प्लगइन खरीद रखा है, इससे आप एमपी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपने मिडी क्लिप बनाई, आप एबल्टन 11 पे हो, आपने थर्ड इस पे गए और यहाँ पे एमपी वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको सिंगल सिंगल नोट को ऑटोमेट कर सकते हो। अभी हम बेसिकली क्या करके रहे हो, आप एक नोट को ले रहे हो, उसकी पिच कर रहे हो, और सिर्फ यही नहीं होता, एमपी में बहुत सारी चीजें एक साथ आती है, पिच भी, स्लाइड्स भी, और बहुत सारी चीजें होती है जो हम अभी इसमें करके भी नहीं दिखा सकते आपको। डू यू नो, डू यू प्रोड्यूस योर, अच्छा ब्रो बताओ यार, सब शांत हो गए, आप लोग बताओ M7 बनता है कोई भी? एमपी वाला फीचर FL में है क्या? नहीं ब्रो नहीं, अभी नहीं भाई, मैं तो FL चलाता हूँ बस, आप लोग कुछ सिखा रहे तो आ गया। अरे बढ़िया, बट मतलब कोई डाउट मतलब कुछ भी ऑडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है? अच्छा समझ है, मुझे लगता है एबल्टन भी अभी थोड़ा करूंगा मैं। अच्छा अरविंद मुरली अरविंद भाई कैसा है? अरविंद भाई और क्या ऑडियो चॉप कैसे करते हैं? वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू प्रोड्यूस डबस्टेप काइंड ऑफ स्टफ फ्रॉम थर्ड पार्टी VST। ये ब्रो नेक्स्ट टॉपिक के लिए रखते हैं, तो काफी बड़ी चीज है, तो इसमें हो ही नहीं पाएंगी कि कैसे करते हैं। हाउ डू यू अचीव द चॉप इफेक्ट? तो बहुत सारी चीजों से करा जा सकता है, ऑटोमेशन से करा जा सकता है, चॉप बहुत सारे प्लगइन से करा जा सकता है, थर्ड पार्टी Glitch 2, Glitch 3, ये सारी प्लगइन हैं, और भी बहुत तरीके हैं। मतलब जैसे एडिसन में लोग पता नहीं एडिसन में करते हैं, न्यूटोन में करते हैं कि वो उसमें उसके वो बना सकते हो आप लोग, क्या बोलते हैं, स्लाइसेक्स में जैसे होता है ऐसे, इसमें स्लाइसेक्स जैसा कुछ होता नहीं है पर है, भी, इसमें सैंपलर के अंदर टाइप ऑफ सब वो चीज अचीव कर सकते हो। इसमें जैसे एक वोकल पैक लेके डाल इस पर राइट क्लिक करके, हां इसको ये फोटो हमारा हटाइए, ये रहा स्लाइस टू न्यूमिडी ट्रैक आ रहा है जैसे, इसमें ये स्लाइस सेक्स ही जैसा ही काम करेगा बट वो इसको सिंपलर को लेके कर रहा होता है। हां बट इसमें क्या होगा आपकी, ये स्लाइस तो इसने कर दिया पर अब इसको टॉप्स बना दिया इसके, तो ये क्या करता है ट्रांजिएंट्स को लेता है एंड बीट लाइक उसमें वीडियो इफेक्ट्स से भी। हाँ लूप प्लगइन से भी आप चॉप काइंड ऑफ वो कर सकते हो, लूप से भी कर सकते हो। और प्रीत पवार पूछ रहे मेरे में एमपी काम नहीं कर रहा, उसको बोल ब्रो मिडी ट्रैक में जाओ, मिडी क्लिप बनाओ, इंसर्ट मिडी क्लिप करने के बाद, और हर प्लगइन के साथ काम नहीं करेगा, आप ये कर भी दोगे तो उन्हीं प्लगइन के साथ काम करेगा जो सपोर्टेड है एमपीई, जैसे लिमिटेड अभी प्लगइन जो सपोर्टेड है क्योंकि ये चीज अभी आई है। तो ब्रो मतलब अगर आपने रोली सीबोर्ड का नाम सुना है, रोली सीबोर्ड क्या करता है, पियानो प्ले करते हो और उसको आप हल्का सा अपने इफेक्ट से ऐसे उंगली ड्रैग करोगे तो वो उसके अंदर रियलिस्टिक, जैसे वॉयलिन प्ले कर रहे हो आप कीबोर्ड पे, तो अपनी उंगली ड्रैग करोगे तो उसे विब्राटोस डाल देगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लगा रहा है। प्राइवेट सेशन चाहिए डबस्टेप बनाने का ब्रो, प्राइवेट सेशन के लिए वेसीला की वेबसाइट पे जाके देख लो प्राइस, अगर लगता है यू कैन क्या बोलते हैं दे सकते हो तो कर लो। डाउट पूछोगे हम सारी चीजें बताने के लिए रेडी है, बस प्राइवेट में ये होता है कि हम किसी से वन ऑन वन सेशन जितने भी यहाँ पे हमसे ले रहे होते हैं उसमें बस यही होता है कि हम सिस्टमैटिकली सब कुछ, मतलब जैसे हमने ऑडियो बेसिक पढ़ा है उसी को और वाइड करके, अभी हमने एक दो घंटे में पढ़ा, ये एक महीने का है। हाँ एबल्टन एक महीने तो सिर्फ हम एबल्टन पढ़ रहे हैं अभी, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको हमने क्लासरूम में डाला हुआ है गूगल के, उसमें हमारे बहुत सारी PDFs हैं, उसमें जैसे हमने अभी ऑडियो बेसिक कल पढ़ा था तो हमने सैम्पल एंड बिटडेप पढ़ा था, उसके अलावा कान कैसे काम करता है, हमारे कान पे किस लेवल पे सुनना चाहिए, कौन से कर्व्स होते हैं जिन पे ध्यान देना होता है, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें पे ध्यान देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम यहाँ पे काफी अगर जल्दी कवर, एक घंटे में वो सारी चीजें कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बट इवेंचुअली मतलब हम कोशिश यही है कि सारी चीजें फ्री में आए और YouTube पे एक एक करके आए, बट होता यही है कि हम लोग किसी ना किसी अपने गाने बनाने में बिजी रहते हैं देखते पे, या फिर हम वो हो जाते हैं क्या बोलते हैं कि किसी को पढ़ा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ और चल रहा होता है जिससे कब आएगा ऑथन का EP ब्रो? जल्दी आएगा पर अब क्या बोलते हैं भेजा है लेबल्स को, लेबल्स के पास है, वो तीन चार लेवल के पास है, वो तीन चार लेवल कुछ भी कर रहे हैं कि लेबल से आएगा। हाँ ब्रो मतलब भेजा हुआ है, अगर नाम नहीं बता सकते कौन से लेवल, बट तीन चार बड़े लेवल्स पे है। अच्छा
तो बस वही है ब्रो कि मतलब बेसिकली अब यहाँ पे उल्टा हो जाएंगे। हाँ रुक रुक उसको फिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे उल्टा कर दिया तूने। तो और बताओ यार किसी को मतलब कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन कोई भी टिप चीज कुछ भी पूछना है? भाई मैं रैपिंग ही करता हूँ ज्यादा, तो अभी माइक है मेरे पास कंडेंसर, वो फैंटम के बिना भी चल जाता है, तो मुझे ऑडियो इंटरफेस लेना चाहिए कि खाली फैंटम पावर से चल जाए? ब्रो कंडेंसर के लिए आपको आपको ऑडियो इंटरफेस लेना तो चाहिए, क्योंकि ऑडियो इंटरफेस आपके बहुत सारे फ्यूचर की चीजें इजी हो जाएंगे। जैसे हमने बात करी थी, अगर आप कल वाले सेशन में नहीं था चेक करना वीडियोस, या फिर स्टार्टिंग में भी अगर आप थे तो उससे कन्वर्जन अच्छा होता है, उससे आपकी लेटेंसी कम हो जाती है, उससे आपके हेडफोन्स आप कोई भी लेते हो आगे एक्सपेंसिव या कैसे भी उनको अच्छी पावर मिल पाती है, तो काफी सारे फायदे होते हैं ऑडियो इंटरफेस के। तो ऑडियो इंटरफेस में तो आप एटलीस्ट 10-15 तक का तो एक इन्वेस्टमेंट करो उसमें 10-15 के का। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। बैरेंजर बैरेंजर मत लेना, अब लोग कहते हैं कि बैरेंजर ले लेना, अब बैरेंजर का हमारे खुद के स्टूडेंट का दिक्कत है, ड्राइवर नहीं आते उसका सही, और फिर रोते रह जाओगे कि पैसे 5,000 रुपए वेस्ट हो गए। लूंगा तो अच्छा ही लूंगा, ड्राइवर डाला हूं कंप्यूटर में प्रॉब्लम होती है। हम यहाँ पे यही प्रीच करते हैं, जबकि हमें भी कई बार लगता है कि किसी किसी के नहीं हो पाएगा, कि 2-3 हजार का हेडफोन या 4-5 का भी अफोर्ड करे अभी, बट फिर वही आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे 2-3 हजार भी। हाँ हेडफोन के साथ वही गलती होगी मेरी, पहले खाली कुछ 100 रुपए का कुछ आया था, वो उठा है कुछ एक हफ्ता चला भाई, फिर वही मतलब ब्रो वेट करो, आराम से लो बट अच्छी चीज लो। और कुछ ब्रो वीरे ब्रो कुछ भी किसी को भी गाने सुनाने? तुषार कोई भी माइक लेके बैठा है, तुषार अपने फोटो में कोई भी गाना सुनाने सुना दो। अभी गा के सुनाऊंगा? नहीं बाबा मेरे पास तो कवर म्यूजिक ही पड़े हुए हैं जो मेरे दोस्तों के हैं, बाकी जब अपना कुछ शिट बनाऊंगा जरूर सुनाऊंगा, उसमें मजा फील अलग आता है, यू नो व्हेन यू ब्रेक डाउन कि भाई मैंने इसमें ये करा, मैंने इसमें ये करा। अच्छा हम सुनते हैं एक बार, हम ना बाय कर देते हैं भाई पहले सारे के सारे कि लाइव स्ट्रीम पे, कि लाइव स्ट्रीम बहुत देर से चल रही है। ठीक है चलो बाय बाय लाइव स्ट्रीम पे, किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? बाय बाय लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग बात करते हैं अपनी। एक सीन आल्सो, व्हाट हेडफोन्स आर यू यूजिंग बोथ? ये M40 है, M40 सॉरी डब्ल्यू है, DT1990 है, और एक हमारे पास DT88 है। हां तो हमारे पास ये तीन हेडफोन्स है, बाकी लाइव को बोलते हैं बाय बाय यूट्यूब पे एंड कर दे एंड नीचे। तो बाय बाय यूट्यूब पे, अगर किसी को आना है जूम पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके जूम पे आ जाओ, नीचे मोर में हो।